कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची के वॉइस ओवर से, जिसमें वो कहती कि दूसरे बच्चों को उनके मॉम डैड की शादी देखने को नहीं मिलती, बट मैं लकी हूँ, मुझे मेरे मॉम डैड की शादी देखने को मिलेगी। तो इस छोटी बच्ची का नाम है श्वान श्वान, जो हमारी फीमेल लीड चीशी की बेटी है, और अगले सीन में वो हमारी इस कहानी की मेन लीड प्रेसिडेंट सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज करती है, जो की एक बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी का सीईओ है। अब इनकी कहानी शादी तक कैसे पहुंची, इसके लिए हमें एक फ्लैशबैक देखना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले चीशी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मेन लीड की कंपनी गई थी, मगर डायरेक्टर उस प्रेजेंटेशन में बिना मतलब का चेंजेस करने के लिए कह रहा था, जिससे चीशी को प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा दिखता। तभी चीशी नोटिस करती कि वो डायरेक्टर हॉरस को वगैरह में मानता था, इसलिए वो प्रेजेंटेशन की पोजीशनिंग इधर उधर करने के लिए कह रहा था। तो चीशी उसी के स्टाइल में उसे समझा देती है कि अगर प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी बदलाव की गई तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा और ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाएगा, इसीलिए डायरेक्टर उस प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी चीशी को श्वान श्वान के स्कूल से मैसेज आता है कि श्वान श्वान बहुत ज्यादा रो रही है, तो चीशी जल्दी के लिए स्कूल के लिए निकलती है। और तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड सॉन्ग हालयू की, जो अपने क्यूट से बेटे चंचन को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था। तो लाइक फादर लाइक सन की तरह दोनों ने सेम कपड़े एंड गॉगल्स पहने हुए थे। तो ऑफिस से बाहर निकलते हुए चीशी की नजर उन पर भी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि सॉन्ग हाउ मार्लिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। देन चीशी बाहर चली आती है, तो चीशी बाहर टैक्सी का वेट करती है, मगर वो 30 मिनट बाद आने वाली थी, इसीलिए वो पहले भागते हुए थोड़ी दूर जाती है, फिर साइकिल स्टैंड से एक साइकिल लेकर श्वान श्वान के स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर श्वान श्वान अपनी मम्मा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज श्वान श्वान का आखिरी दिन था यहाँ पर, उसके बाद वो किंडरगार्टन जाने वाली थी, वही आज श्वान श्वान का बर्थडे भी था, इसीलिए चीशी श्वान श्वान को उसकी फेवरेट जगह ले जाती है। श्वान श्वान काफी ज्यादा हैप्पी होती है। दूसरी ओर सॉन्ग हाउ चंचन से कहता है कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो अब काम पे लग जाओ। ये कहकर वो उसे कुछ फाइल्स देता है, जिनकी कॉपीज बनाकर लाने के लिए कहता है। तो चंचन अकेले ही निकल जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, जहां दूसरे एम्प्लॉयज उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर ये किसका बच्चा और यहाँ क्या कर रहा है। तो चंचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का असिस्टेंट हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी ओर इधर डिपार्टमेंट डायरेक्टर सॉन्ग हाउ को चीशी का प्रेजेंटेशन दिखाता है, मगर सॉन्ग हाउ तो उसे फायर कर देता है, क्योंकि उसने कंपनी में पैसों का घोटाला किया था। अब डायरेक्टर हाउ के पीछे उसके जीजा का हाथ था, जो कंपनी का ही एक बड़ा डायरेक्टर था। तो सॉन्ग हाउ उसे भी वार्निंग देते हुए कहता है, अपने साले के घोटाले की भरपाई अब तुम्हें करनी होगी। इधर चंचन नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन पेपर्स को कॉपी कहाँ पे करे। अब काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए वो रोते हुए अपने डैड के पास वापस चला जाता है, जहां सॉन्ग हाउ उसे कहता है कि कैसा लगा काम करने में, मजा आया ना। इस पर चंचन कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अब जल्दी से किंडरगार्टन जाना है। तो सॉन्ग हाउ ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि चंचन किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा था। तो आज चंचन का भी बर्थडे था, इसीलिए सॉन्ग हाउ चंचन के सूट पर एक ब्रोच लगाता है, जो देखे चंचन कहता है कि मुझे मम्मा का ये ब्रोच बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अब इसे अपनी मॉम के हाथ से पहनना चाहता हूँ, जो सुन सॉन्ग हाउ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। तो आखिर चंचन की मॉम कौन है, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर चीशी श्वान श्वान को उसका बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए लाई थी, जहाँ श्वान श्वान को एक सिंड्रेला की डॉल पसंद आती है, जो काफी महंगी थी, मगर चीशी श्वान श्वान के लिए उसे खरीद लेती है। तो उसे लेकर वो बिलिंग कराने गई थी कि तभी इसी टॉय शॉप में सॉन्ग हाउ चंचन को लेकर आ जाता है, जहाँ चंचन को एक सुपर हीरो वाला टॉय पसंद आता है, मगर सॉन्ग हाउ उसके लिए दूसरा गिफ्ट लेकर बिलिंग कराने चला आता है, जो देख चंचन थोड़ा सैड होकर कहता है कि आज बर्थडे तो मेरा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सूट पर वो ब्रोच नहीं था, तो चंचन उसे ढूंढने लग जाता है। तो उसे ढूंढते हुए नजर पड़ती है चीशी पर, जिसके पास भी वही सेम ब्रोच था। तो चंचन आकर उससे कहता है कि आंटी वो ब्रोच मेरा है, आपने क्यों लिया। तो चीशी उसे बताती है कि बच्चे आपसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन चंचन कहता है कि नहीं वो मेरा ही है। तभी वहाँ पर सॉन्ग हाउ भी पहुँच जाता है, उसे भी लगता है कि उस ब्रोच को चीशी ने लिया होगा। तो चीशी उसे कहती है कि ये मेरा है, इसलिए मैं आपको क्यों दूं। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि ठीक है, फिर सिक्योरिटी कैमराज चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुमने इसे उठाया है। इस पर चीशी कहती कि जब ये ब्रोच मेरा है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। क्या कर वो जाने लगी थी, मगर सॉन्ग हाउ उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए प्लीज कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। तो चीशी भी बता देती कि आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का। अब इनकी बातें चली रही थी कि चंचन कहीं से उस ब्रोच को ढूंढ कर ले आता है और डैड को बुलाकर बताता है कि मुझे ये ब्रोच मिल गई। अब सॉन्ग हाउ उस ब्रोच को देखकर हैरान होता है, आखिर ये सेम ब्रोच उस लड़की के पास कैसे था, अब इस ब्रोच का क्या सीक्रेट है, ये भी हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब सॉन्ग हाउ पीछे मुड़कर देखता है तो चीशी वहाँ से जाने लगी थी। वो चंचन को यहीं पर रुकने के लिए क्या कर चीशी को ढूंढने के लिए जाता है, मगर वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। तो वो घर लौटकर किसी को कॉल करके चीशी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वैसे तो आज चंचन का बर्थडे था, लेकिन सेलिब्रेशन में आज कोई भी नहीं था, ऊपर से सॉन्ग हाउ भी कितनी देर से फोन पे ही लगा हुआ था। तो चंचन उसे कहता है कि आप बहुत बड़े झूठे हो। तो सॉन्ग हाउ उससे पूछता है कि ऐसा क्यों लगता है आपको। इस पर चंचन कहता है कि आपने कहा था कि जब मैं 5 साल का हो जाऊंगा तब मम्मा मुझसे मिलने आएगी, पर आज तो वो आई ही नहीं। तो सॉन्ग हाउ को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, पर वो उसे कहता है कि आपकी मम्मा बहुत ही दूर है, वो आना तो चाहती थी मगर उन्होंने आखिरी ट्रेन मिस कर दिया, इसलिए वो आज नहीं आ पाई, बहुत जल्दी ही वो वापस आ जाएगी। जिसमें चंचन पूछता है कि फिर क्या वो कल आएंगी। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि शायद आ भी सकती है। अब चंचन की मॉम कौन है और उनके साथ क्या हुआ, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। लेकिन चंचन तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम कोई सुपर वुमन होगी, क्योंकि डैड ने तो उसे ऐसा ही कहा था कि उसकी मॉम दुनिया को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी ओर चीशी श्वान श्वान का बर्थडे मनाती है, जहाँ पर वो उसे केक खाने से पहले मेडिसिन खाने के लिए कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि श्वान श्वान को कोई बीमारी है, जिसे ठीक कराने के लिए चीशी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वो अपनी
अपनी बेटी की सारी जरूरतों को भी पूरा कर रही है ताकि वो अपनी बेटी को खुश रख सके। वहीं तो सोंगा जो कि हर वक्त बस अपने काम में ही डूबा रहता है, इस वजह से वो चंचन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। तो वो चंचन के बारे में सोचकर सैड हुआ बैठा ही था, तभी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं जो यहाँ पर चंचन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। मगर चंचन तो गुस्सा होकर सो गया था, जो देखकर ग्रैंडपा सोंगा से कहते हैं उसने फिर से मम्मा से मिलने की जिद की। तो ग्रैंडपा सोंगा से कहते हैं कि अब तुम किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे चंचन को उसकी मॉम भी मिल जाएगी, क्योंकि तुमसे तो चंचन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन सोंगा इसके लिए मना कर रहा था। ग्रैंडपा हार्ट में पेन होने का नाटक करने लग जाते हैं, लेकिन सोंगा उनके नाटक को पकड़ लेता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हें कितनी सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया मगर तुमने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया अजीब से रीजन बताकर, तो आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद है या फिर तुम कभी भी शादी नहीं करना चाहते? जिस पर सोंगा कहता है कि करूंगा मगर अभी मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आखिर उसे कैसी लड़की पसंद है, जिस पर सोंगा कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस है लेकिन आप ऐसी लड़की को नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस पर ग्रैंडपा उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम पहले बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या है, फिर मैं एक लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। जिस पर सोंगा उन्हें बताने जाता है, पर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है सोंगा और चंचन को पिक करने के लिए अर्जुन आया हुआ था जो कि सोंगा का ही एक फ्रेंड है, तो उसकी चंचन के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तो यहाँ चंचन उसे अगले अंकल कहकर बुलाता है, तो वो इन दोनों को लेकर किंडरगार्टन चला जाता है जहाँ पर चंचन का भी आज पहला दिन। लेकिन स्कूल के गेट के बाहर एक आदमी ने कार जाम कर रखी थी जिस वजह से हाउजन की कार भी फंस जाती है। तभी एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड लेशन की जो अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां आकर वो उस आदमी को रास्ते से भगाती है क्योंकि वो किंडरगार्टन की टीचर थी। अब जून तो उसे पहली नजर में ही देखता है रह जाता है। तो उसे देखकर चंचन कहता है कि अगली अंकल को सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां ही पसंद आती है। तो लेशन चीशी की बेस्ट फ्रेंड थी जिसे श्वान मिलकर काफी खुश होती है। चीशी एकदम फॉर्मल सूट बूट में आई थी इसलिए लेशन उसे अपने एक्स्ट्रा कपड़े देती है, उसे चेंज करके आने के लिए कहती है। तब तक वो श्वान को लेकर अंदर आती है। वहीं इधर हाउजन चंचन को लेकर अंदर जाता है क्योंकि सोंगहाओ अपने ऑफिस के काम में बिजी था। तो कुछ देर बाद चीशी चेंज करके आ जाती है जो आकर सोंगहाओ के कार के विंडो में ही अपने बाल वगैरह ठीक कर रही होती है, तो उसे सोंगहाओ देखकर पहचान लेता है इसलिए वो विंडो नीचे करता है। तो चीशी थोड़ा पीछे हटने लगी थी मगर उसके हील की वजह से वो गिरने लग जाती है। तो सोंगहाओ उसे पकड़ने के लिए कार के अंदर से ही अपना हाथ बढ़ाता है मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिस वजह से चीशी गिर जाती है। वहीं चीशी के पैर से सोंगहाओ के कार में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है, तो वो बाहर आकर सीधे उसे अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहता है जो सुन चीशी तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। इस पर सोंगहाओ उसे कहता है कि तुमने मेरी कार में स्क्रैच कर दिया है इसलिए इसके सेटलमेंट के लिए तुम्हें मुझे अपना नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो चीशी अपना नंबर उसके कार में चिपका कर अंदर चली जाती है। राजन फिर से लेशन को देखता है एडमिशन काउंटर पर, तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर चंचन का नाम एंट्री कर वो चला जाता है। तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स अंदर चले आते हैं जहाँ आज पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक इवेंट था। तो श्वान सारे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करके लाई थी जिन्हें वो सभी को देने लग जाती है। वहीं पर चंचन और उसकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा क्यूट था। देन टीचर पेरेंट्स और स्टूडेंट को फैमिली के ऊपर एक ड्रॉइंग करने के लिए कहती है। तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स बनाने लग जाते हैं जिसमें सबसे बुरा बनाता है सोंगहाओ बिल्कुल ही कलरलेस। वहीं सबसे अच्छी होती है श्वान और चेशी की जिसके लिए उन्हें एक रेड रोज मिलता है। वहीं चंचन अपने डैड की ड्रॉइंग देखकर काफी ज्यादा अपसेट होता है। तो सोंगहाओ चीशी से बात करने जाता है जहाँ पर ड्राइंग को लेकर थोड़ी सी नोक झोंक होने के बाद सोंगहाओ कहता है कि क्योंकि हमारे बच्चों की बर्थ डेट सेम है और हमारी बच्ची अब से क्लासमेट भी है तो शायद ये किस्मत ही होगी, इसलिए तुम्हें अब कार स्क्रैच की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कर वो जाने लगता है तभी चंचन चीशी और श्वान को देखकर कहता है कि श्वान की मम्मा कितनी अच्छी है मुझे भी चाहिए। तो सोंगहाओ उसकी तरफ देखने लग जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में चीशी अपने घर में होती है जहाँ पर वो लेशन को श्वान के बारे में बता रही थी। तभी उसे श्वान के किंडरगार्टन से मैसेज आता है कि उसे स्कूल के एक साल की फीस एडवांस में पे करना होगा जो कि 41,000 युआन था जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा थे। तो लेशन कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प करना चाहती थी मगर चीशी उसे मना कर देती है क्योंकि लेशन ने पहले भी उसकी कई बार पैसों में मदद किया था जो पहले वो उसे लौटाना चाहती है। फिर बताती है कि मॉलिन कंपनी के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। मगर अगले दिन उसे मॉलिन ग्रुप में कॉल करने से पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि जो डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसे निकाल दिया गया है और दूसरे डायरेक्टर अभी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते हैं। जिससे उनकी चीशी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि किसी ओल्ड मैन को कुछ लेडीज परेशान कर रही थी, तो चीशी जाकर उनसे छुड़ाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन तो सोंगहाओ के ग्रैंडपा थे जो यहाँ पर सोंगहाओ के लिए लड़की ढूंढ रहे थे जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स भी छपवाए थे जिन्हें वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। चीशी उन लेडीज से पूछते कि वो लोग इन ग्रैंडपा को क्यों परेशान कर रहे हैं, जिस पर ओल्ड लेडी उसे पैम्पलेट्स पढ़ने के लिए कहती है जिस पर पहले तो सोंगहाओ के बारे में लिखा हुआ था वो एक सिंगल डैड है जिसकी शादी नहीं हुई है जिसका 5 साल का एक बेटा है तो उन्हें एक शादीशुदा लड़की की तलाश है जिसका बच्चा होना चाहिए और ग्रैंडपा से यही कंडीशन
कंडीशन रखे थे सोंगाओ ने, ताकि ग्रैंडपा ऐसी किसी लड़की को ढूंढ ही ना पाए, और अगर ढूंढ भी लेते हैं तो वो लड़कियाँ खुद ही मना कर देंगी। तो चीशी उन लेडीज को बड़े प्यार से समझाती है, तो उसकी बातें सुनकर वो लेडीज तो चीशी के साथ उनके बेटों की शादी कराने की बात करने लग जाती है। तो चीशी बताती कि उसकी एक 5 साल की बेटी है, जो सुनकर वो लेडीज यहाँ से कट लेती है। देन चीशी ग्रैंडपा के साथ बात करते हुए जा रही थी, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो सिंगल है या फिर उसकी शादी हो चुकी है। चीशी को जवाब देती है, इससे पहले उसे एक कॉल आ जाती है उसकी कंपनी से, तो उसके बॉस उसे जल्दी से कंपनी आने के लिए कहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो चीशी उन्हें कहती है कि उसने काफी ज्यादा मेहनत की है मैलिन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने में, तो वो इतनी जल्दी हार्ट नहीं मानेगी। अब ग्रैंडपा ठहरे मैलिन कंपनी के चेयरमैन, तो वो चीशी से पूछते हैं कि क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन में कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि उनकी मैलिन ग्रुप में पहचान है तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। चीशी तो उन्हें मना कर रही होती है, मगर ग्रैंडपा उसे सोंगहाओ के सेक्रेटरी का नंबर देते हैं और एक जगह का एड्रेस लिख देते हैं जहाँ पर उसे आने के लिए कहते हैं, जहाँ उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ को चीशी से मिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। यहाँ से ग्रैंडपा चले जाते हैं सोंगहाओ से मिलने के लिए, जहाँ उसे बताते हैं कि उन्हें वो लड़की मिल चुकी है जैसी सोंगहाओ ने बताई थी, और सोंगहाओ को कल उसे मिलना होगा क्योंकि कल उनके मैलिन कंपनी का 50वां एनिवर्सरी था। अब ग्रैंडपा की बातों को सोंगहाओ मना नहीं कर पाता, तो उनके जाने के बाद सेक्रेटरी आकर बताता है कि उसने उस ब्रोश के बारे में पता लगा लिया है। तो सोंगहाओ ने उसे उस ब्रोश के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही है, मगर सेक्रेटरी बताता है कि ऐसा ब्रोश दुनिया में सिर्फ दो ही है, जिन्हें न्यू बॉर्न बेबीज को ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाया गया था। जिसमें सोंगहाओ कुछ सोच में होता है, और सीन यहाँ पर कट होकर अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ और प्रेसिडेंट आए हुए थे, जिसमें से लूसी नाम की एक लड़की थी जो टोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट थी, और इसी के साथ सोंगहाओ के रिलेशन का रूमर फैला हुआ था। तो कुछ देर में सोंगहाओ भी चंचन के साथ पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करने जाना था, इसीलिए वो चंचन को सेक्रेटरी के पास जाने के लिए कहता है, मगर सेक्रेटरी को एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। तो चंचन आराम से यहां पर घूम रहा होता है कि तभी कुछ लड़कियां उसे आकर बात करने लग जाती है, जो उसे उसके डैडी के साथ मिलाने की बात कर रही थी। वहीं तो चीशी भी श्वान श्वान को लेकर यहां पर पहुंच गई थी, तो सेक्रेटरी उसे ही अंदर लाने के लिए जाता है, लेकिन अंदर पार्टी चल रही थी इसीलिए वो श्वान श्वान को किड्स एरिया में छोड़कर आने के लिए कहता है, जहां पर फुल सिक्योरिटी थी, इसीलिए चीशी इसके लिए मान जाती है, लेकिन उसे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। तो वो श्वान श्वान से प्रॉमिस लेती है कि वो अपना ध्यान रखेगी। इधर लूसी चंचन के पास आकर उन लड़कियों को भगा देती है, और चंचन से खुद की सेटिंग करने लग जाती है। फिर चंचन उसे कहता है कि मेरे पापा कभी भी आपको पसंद नहीं करेंगे, और मेरी मॉम बनने के बारे में तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि पापा जल्द ही मेरी मॉम को वापस लेकर आएंगे, कहकर वो चला जाता है। मगर लूसी अब भी सोंगहाओ के पीछे ही पड़ी होती है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने आपको जिससे मिलने के लिए कहा था वो आ गई है। तो सोंगहाओ उसे कहता है कि उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो, मैं मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ। तभी सोंगहाओ को एक कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए चला जाता है। लूसी ने भी सुन लिया था कि ग्रैंडपा के कहने पर कोई लड़की सोंगहाओ से मिलने के लिए आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो चीशी को ब्लैक सूट में देखकर उसे वेट्रेस समझ लेती है, क्योंकि वहाँ के वेट्रेस ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। तो वो उसे वेट्रेस कहकर अपने वाइन का ग्लास पकड़ाने जाती है, पर इस चक्कर में वो उस पर वाइन गिराकर चली जाती है। तभी सेक्रेटरी आता है, तो वो चीशी को कपड़े साफ करने के लिए रेस्ट रूम ले जाता है, जहाँ के वॉशरूम में सोंगहाओ ऑलरेडी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं इधर बेडरूम में चीशी कपड़े साफ करने के लिए सूट उतारती है और अपने शर्ट के दाग वगैरह साफ कर रही होती है। तभी बाथरूम से सोंगहाओ बाहर आ जाता है और उसे उस हालत में देख लेता है। तो चीशी चिल्लाकर एक ब्लैंकेट उसके और फेंक देती है। वहीं उसके साथ एक टेडी बियर भी उड़कर गया था, जिस पर पैर रखने की वजह से सोंगहाओ फिसलकर चीशी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सेक्रेटरी दरवाजा ओपन करता है, तो उन्हें बेड पर ऐसे देखकर वो मिस्टर सोंग सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर देता है। अब मिस्टर सोंग का नाम सुनकर चीशी समझ जाती है कि मिस्टर सोंग तो मैलिन के सीईओ का नाम है, इसलिए वो उसे थोड़ा पोलाइटली उठने के लिए कहती है। देन उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है, जिस दौरान वो अपने प्रेजेंटेशन की कुछ थोड़ा तारीफ कर देती है। वहीं मैलिन की भी तारीफ करने लग जाती है, जो सुनकर ही सोंगहाओ कह देता है कि उसे अब इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि वो अभी बिजी है, कहकर बाहर जाने लगता है। तो चीशी उसके पीछे पीछे बात करने के लिए जाने लगती है, तो तंग आकर सोंगहाओ कहता है कि वो किसी और दिन बात करेगा इस बारे में, मगर चीशी फिर भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वहीं इधर किड्स एरिया में चंचन श्वान श्वान से मिलता है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। तो चंचन उसके साथ खेलने के लिए आ जाता है, उसे बहुत सारा डिलीशियस खाना खिलाने के लिए ले जाने की बात करता है। श्वान श्वान बताती है कि उसे कुछ भी खाना खाने से पहले मैजिक पिल्स लेने पड़ते हैं, यानी कि वो यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रही है जो उसके मॉम के पास है। तो चंचन कहता है कि ठीक है, फिर पहले हम तुम्हारी मॉम को ढूंढेंगे, फिर हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। ये कहकर दोनों फिर से पार्टी में आ जाते हैं। वहीं इधर सोंगहाओ किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाता है, जिस वजह से चीशी की उससे बात नहीं हो पाती। इधर चंचन श्वान श्वान को उनका फूड काउंटर दिखाता है, जिसमें तरह तरह के डिलीशियस डेजर्ट्स केक्स रखे हुए थे। अब श्वान श्वान को केक्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो चंचन उसे यहीं पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। वो अपने डैड को ढूंढ कर लाएगा, फिर वो तीनों मिलकर उसके मॉम को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो चंचन वहाँ से चला जाता है, जहाँ एक जगह पर रुककर वो गाना सुनने लग जाता है। तभी एक गेस्ट को बचाने के चक्कर में एक वेटर के हाथ से ट्रॉली छूट जाती है, जो आकर चंचन को लगने ही वाली थी। जो चीशी देख लेती है, तो वो भाग कर आती है और ट्रॉली को धक्का मारकर चंचन को बचा लेती है। अब चंचन तो उसे देखकर अपनी मॉम बुलाने लग जाता है, क्योंकि चीशी ने तो उसे सुपर वुमन की तरह आकर बचा लिया, जैसा उसके डैड ने कहा था कि उसकी मॉम बचाती है। इसीलिए वो चीशी से कहता है कि मॉम आप वापस आ गई, कहकर वो बहुत ज्यादा खुश होकर उससे गले मिलता है। तभी वहाँ पर सोंगहाओ भी पहुँच जाता है, जिसके पीछे पीछे लूसी भी आती है, जो तो उल्टा चीशी को ही आकर डांटने लग जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि
कि वो एक वेट्रेस है। तो जेसी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, बताती है कि वो यहाँ की वेट्रेस नहीं है। लेकिन लूसी तो कहने लग जाती है कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह सोंगहाओ के क्लोज आने के लिए ये सब कर रही है, मगर सोंगहाओ उसकी बोलती बंद करा देता है ये क्या कर कि ये मेरी गेस्ट है। अब लूसी की बातों से जेसी को लगा कि वो चनचन की मॉम है, जिस पर चनचन और सोंगहाओ दोनों साथ में कहते हैं कि ये इसकी मॉम नहीं है। देन लूसी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोंगहाओ जेसी से कहता है कि तुम्हें तो मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, तो फिर चलो हम लोग बात करते हैं। क्या कर दोनों अपने बच्चों को लेकर बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सोंगहाओ तो बस जेसी को ही देखे जा रहा था, जबकि जेसी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही होती है। वही दोनों बच्चे मस्त खेलने में बिजी होते हैं। तो चनचन को इस तरह खुश देखकर सोंगहाओ को काफी अच्छा लगता है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो शानशान को देखकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो जेसी उनसे शानशान का इंट्रो कराती है, वो जेसी के साथ बात कर ही रही होती है। इसी बीच ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं कि जेसी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसलिए तुम इस बार मना नहीं कर सकते। तभी शानशान को नींद आ रही होती है, तो वो अपने मम्मा से घर जाने की बात करती है। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ से उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, इसके लिए सोंगहाओ तो मान जाता है। तो शानशान कार में सो गई थी, तो सोंगहाओ जेसी से पूछता है कि क्या वो सिंगल मदर है। तो जेसी उसे बता देती है, जिस पर सोंगहाओ कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अकेले शानशान की जिम्मेदारी उठानी ना पड़ती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान होती। इस पर जेसी कहती है कि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि शानशान ही उसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए वो सब कुछ कर सकती है। तभी ध्यान ना होने की वजह से सोंगहाओ एक स्कूटी को ठोकने वाला होता है, बट लकीली वो टाइम पे ब्रेक मार देता है। तो दोनों एक साथ शानशान को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, जो बिल्कुल सही सलामत थी, वो नींद से भी नहीं जागी थी, जो देखकर दोनों को चैन आता है। तो यहाँ पर दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है, तो सोंगहाओ उसे सॉरी कहता है। देन वो उन दोनों को घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ जेसी शानशान को लेकर अंदर जा रही होती है। तभी सोंगहाओ उसे रोक कर अपना ब्लेजर शानशान पे उड़ा देता है, क्योंकि बाहर अभी ठंडी थी। तो जेसी सोंगहाओ से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने जाती है, सोंगहाओ उसे कहता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, इसलिए वो लोग कल की एक मीटिंग रखते हैं। देन घर आकर सोंगहाओ ग्रैंडपा से कहता है कि वो कल जेसी और शानशान को घर पे खाने पे इनवाइट करना चाहता है। ये वो काफी स्माइल करते हुए ग्रैंडपा को बताता है, जिस पर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि वो इस बार सच में सीरियस है, इसलिए वो तो सुबह का भी वेट नहीं करते और जेसी को कॉल करके डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। जेसी बताती है कि उसकी तो सोंगहाओ से मीटिंग है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मीटिंग भी घर पर ही हो जाएगी, ये क्या कर वो तो अपनी बात कन्फर्म करके कॉल काट देते हैं। तो जेसी अपने आप से कहती कि इसकी फैमिली इतनी अजीब क्यों है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो जेसी की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे जेसी को काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो शानशान का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकती है। वहीं इधर ग्रैंडपा तो रात से ही खाना वाना बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं और घर के सारे स्टाफ को बताने लग जाते हैं कल हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आ रही है, जो हमारे चनचन की मम्मा भी हो सकती है। अब चनचन तो उनकी बातें सुन लेता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ग्रैंडपा उसके लिए स्टेप मॉम ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो कल अपने एक पार्टनर को कॉल करके बुलाता है उस गेस्ट को भगाने के लिए। मगर इसे तो पता ही नहीं था कि वो जेसी ही आने वाली है। तो अगले दिन जेसी शानशान के साथ सोंगहाओ के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो ग्रैंडपा के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी, तो मेड उसका वेलकम करती है। अब जेसी को देखकर चनचन तो भागता हुआ उसके पास आ जाता है और मम्मा आ गई कहकर उसके पैरों पर लिपट जाता है। जो देखकर शानशान कहती है ये मेरी मॉम है। तो उनकी बहस चली रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर से आवाज आती है लूसी की, जिससे चनचन को याद आता है कि उसने तो कल गड़बड़ कर दी, इसलिए वो जल्दी से शानशान को लेकर यहाँ से भाग जाता है खेलने के लिए। तो हमें पता चलता है कि लूसी ही चनचन की पुरानी पार्टनर है, जिसके साथ मिलकर चनचन ने उसके डैड के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली सारी लड़कियों को भगाया था। अब लूसी तो उसे यहाँ देखकर हैरान होती है, उसे ये पसंद भी नहीं आता, इसलिए वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि एक सिंगल आदमी के घर आने पर लोग क्या क्या बात करेंगे, क्या तुम्हें पता भी है। तो जेसी उसे बताती है कि वो तो यहाँ बस ऑफिस के काम के लिए आई है। तभी लूसी की नजर पड़ती है सोंगहाओ के सूट पर, जो जेसी ने साफ करके लाया था। अब ये देखकर उसे तो वो गुस्से से पूछने लग जाती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तभी सोंगहाओ बाहर आता है, बताता है कि आज वो जेसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है, जो सुनकर लूसी के साथ साथ जेसी खुद भी हैरान होती है। तो जेसी उससे बात करने जाती है, मगर सोंगहाओ बात को टाल देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जिनके लिए लूसी बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आई थी, मगर ग्रैंडपा तो जेसी के फ्रूट्स लेकर चले जाते हैं, जिससे लूसी को फिर से जेसी पर गुस्सा आता है। वहीं जेसी इससे खुश होती है। वहीं जो उसका चनचन इन सब पे नजर रखे हुए था, जो ये देखकर काफी खुश होता है। देन वो शानशान के पास आकर कहता है कि अब से तुम मेरी बहन हो। तो शानशान पूछती कि मैं तुम्हारी बहन क्यों होंगी भला। इस पर चनचन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि भाई अपने सारे खिलौने अपनी बहनों को दे देते हैं, तो मैं भी तुम्हें मेरे सारे खिलौने दे दूंगा। इसलिए शानशान उसे भाई बुलाने लग जाती है, जो सुन चनचन तो काफी खुश होता है। इधर सोंगहाओ किचन में खाना बना रहा होता है, लूसी आकर उससे पूछती कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। इस पर वो तो उसे साफ मना कर देता है। फिर जेसी को आवाज लगाकर बुलाता है और उसे एप्रन बांधने में हेल्प करने के लिए कहता है। अब जेसी भी उसे अभी नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एप्रन पहनाने आ जाती है। इसके बाद सोंगहाओ सबके लिए मस्त खाना बनाता है। देन सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर सबके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे लूसी सोच रही होती कि आखिर इन दोनों का क्या चल रहा है, वही सोंगहाओ सोचता है कि वो सक्सेस से बस एक कदम दूर है। अब इससे उसका क्या मतलब था वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वही जेसी सोच रही होती है कि आज तो वो किसी भी तरह से उस प्रोजेक्ट को डन करा कर रहेगी। वही ग्रैंडपा सोच रहे थे कि शायद आज इनकी बात बनी जाएगी। चनचन सोच रहा था कि ये डेविल आंटी जाती क्यों नहीं। वही शानशान तो यहाँ के टेस्टी खाने के बारे में सोच रही थी। तो सोंगहाओ शानशान को मीट सर्व कर रहा होता है, जिसे जेसी रोक लेती है और बताती है कि शानशान के लिए ये खाना सही नहीं होगा, इसीलिए वो खुद ही खा जाती है। देन शानशान को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाती है, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस पर सोंगहाओ कहता है कि फिर तो
समय ये तुम्हारे लिए हर रोज बनाया करूंगा। ये सुनकर लुशी और चिशी तो हैरान होते हैं कि आखिर संघाव कहना क्या चाहता था। तो संघाव एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि चिशी तुम चौंचौन को लेकर कभी भी हमारे घर खाना खाने के लिए आ सकती हो, तब मैं चौंचौन के लिए ये बना दूंगा। तो चौंचौन कहता है कि मम्मा मुझे भी वो खाना है। तो चिशी उसे खाना सर्व करते हुए कहती है कि चंचन ऐसे किसी को भी मम्मा नहीं बोलते, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। लेकिन चौंचौन कहता है कि पर आप तो मेरी मम्मा हो। चौंचौन कहती है कि नहीं तो ये मेरी मॉम है। तो लूसी चंचन के गालों पर पिंच करते हुए कहती है कि ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। तो चंचन रोने ही लग जाता है और उसे रोता हुआ देखकर चौंचौन भी रोने लग जाती है। तो लूसी यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा दोनों को शांत करते हैं। तो अब रात हो गई थी। संघाव किसी लॉयर से काफी सीरियस बात कर रहा था। वहीं दोनों बच्चे स्लाइड पर खेल रहे थे, तभी चिशी वहाँ पर आती है। ये संघाव से उसके प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है। संघाव से बात करने के लिए गार्डन की ओर ले जाता है, जहाँ चिशी बात करते हुए कुछ पौधों को पानी दे रही होती है। तभी अचानक संघाव चिशी से कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर चिशी तो फुल शॉक्ड रह जाती है। तो उससे पूछती कि शायद अभी मैंने कुछ गलत सुना, अभी तुमने क्या कहा। इस पर संघाव से कहता है कि तुमने सही सुना, मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। तो चिशी कहती कि शायद अभी आप बात करने के मूड में नहीं है, हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। तो संघाव से रोकते हुए कहता है कि शौनशौन को एक डैड चाहिए और तुम्हें भी इससे सपोर्ट मिलेगा और हम दोनों मिलकर शौनशौन का ख्याल रखेंगे। वहीं चंचन को भी एक मॉम की जरूरत है और वो तो तुम्हें पहले से अपनी मॉम मानता है, इससे वो भी खुश हो जाएगा और हम साथ में हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं। इस पर चिशी कहती कि मुझे ना ही शौनशौन को किसी की सपोर्ट की जरूरत है। जहाँ तक रही आपकी फैमिली की बात, तो मैं आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर वो जाने लगी थी, मगर संघाव उसे फिर से रोकते हुए कहता है तुम अकेली कैसे शौनशौन का टेक केयर कर सकती हो, क्योंकि तुम साल में सिर्फ 8 लाख ही कमाती हो, जिससे तुम अच्छे से शौनशौन की केयर नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे हम दोनों के बच्चों का ही भला होगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं शौनशौन को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा। लेकिन ये सुनकर तो चिशी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पैसों की बात का मतलब था इनडायरेक्टली चिशी को नीचा दिखाना। इसलिए वो तो गुस्से के साथ इस बार साफ साफ उसे मना करके जाने लगती है, एंड इवन उसके मुंह पर पानी भी मार देती है। अब ग्रैंडपा तो छुप कर खिड़की से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। इधर चिशी यहाँ से जाने लगी थी, संघाव रास्ते पर खड़ा था, तो वो उसके पैर में लात मार के जाने लगती है। तभी मेड ग्रैंडपा का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। तो होश में आने तक चिशी उनके साथ रहती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा को भी सीरियस बीमारी है। तो ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग झगड़ के इस बात पे रहे थे। तो संघाव उन्हें बता देता है कि मैंने चिशी को शादी के लिए प्रपोज किया। ये सुनकर ही ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या सच में तुम दोनों अब साथ में रहने वाले हो। इसलिए वो तो खुद ही कहने लग जाते हैं कि मुझे तो तुम दोनों की शादी तक बिल्कुल ठीक होना होगा, ताकि तुम दोनों की शादी की तैयारी मैं कर सकूं। चिशी उन्हें सच बताने जा रही थी, मगर संघाव इशारा करके उसे बताने से रोक लेता है। ग्रैंडपा चिशी को बताते हैं कि संघाव बचपन से ही अकेला रहा है, क्योंकि उसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए इसे फैमिली का प्यार नहीं मिला है। क्योंकि मैं तो हमेशा काम में बिजी होता था और मैं अब चाहता हूँ कि संघाव अपनी फैमिली बना ले और तुम दोनों शादी करके बच्चों के साथ आराम से रहो। तो संघाव चिशी का हाथ होल्ड करता है और ग्रैंडपा से कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी की तैयारी करेंगे, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना और जल्दी से ठीक हो जाना। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए ग्रैंडपा संघाव से चिशी को घर छोड़ाने के लिए कहते हैं, जहाँ संघाव चिशी को थैंक यू कहता है ग्रैंडपा के सामने कोऑपरेट करने के लिए। इस पर चिशी कहती है कि चाहे जो भी हो, तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में उनसे झूठ कहा, सही टाइम पर उन्हें सच बता देना, वरना उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। देन कहती कि अब मैं समझी कि तुमने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ही उनसे झूठा शादी का प्रपोजल किया था, ताकि ग्रैंडपा जल्दी से ऑपरेशन कराने के लिए मान जाए। इस पर संघाव कहता है कि नहीं, मैंने जो कहा वो सच कहा, पूरे दिल से कहा, मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। चिशी उसे फिर मना करने जाती है, तो संघाव कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से इस बारे में सोचकर मुझे बताना। तो चिशी इन सब के बारे में जाकर लेशिन को बताती है, जो सुन लेशिन कहती कि शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई सीईओ जिसने तुम्हें बस कुछ ही दिनों से जाना है, वो तुम्हें डायरेक्टली शादी के लिए क्यों प्रपोज करेगा। शायद उसके कुछ गलत इरादे होंगे या फिर उसे कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। लेशिन तो उसे एडवाइस करती कि तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। दूसरी ओर संघाव हाउजुन को भी इस बारे में बताता है। जोसन जुन भी शॉक्ड होता है। जोसन वो तो उसे शादी करने से मना करने लग जाता है कि अगर वो कोई फ्रॉड हुई तो, क्योंकि तुम्हें ये प्यार व्यार के बारे में और लड़कियों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर लेना। इधर लेशिन भी चिशी से सेम बात करती है, जबकि चिशी भी खुद ही इसके खिलाफ थी। इधर संघाव जुन से कहता है कि वो सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है। इस पर जुन उसे आइडियाज देने लग जाता है लड़कियों को इम्प्रेस करने का, जिसमें पहला आइडिया तो उसकी हेल्प करने का देता है। जोसन संघाव तुरंत ही चिशी को मैसेज करके बताता है कि उसने उसके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए वो उसे कल ऑफिस आकर मिलने के लिए कहता है, जो देखकर चिशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लेशिन किसी से मिलने के लिए एक पब में चली जाती है। वहीं तो जुन संघाव को आइडिया देता है चिशी को कुछ गिफ्ट देने का। इधर पब में बैठी हुई होती है, लेकिन जो उसे मिलने आने वाला था वो तो आता ही नहीं, इसलिए वो घर की ओर वापस जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में जुन मिलता है, जिससे कुछ लोग पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे उनकी बहन को धोखा देने का इल्जाम लगाकर। लेशिन उसकी हेल्प करने के लिए गुंडों के बीच चली जाती है और जुन को वहाँ से खींच कर बाहर ले आती है और उन गुंडों से पीछा भी छुड़ाती है। तो जुन उसे थैंक यू कहता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे ट्रीट देने के लिए ले जाता है। इधर किंडरगार्टन में क्लास खत्म होने के बाद चंचन अकेला बैठा हुआ था, तो शौनशौन उसे बात करने आती है। तो चंचन बताता है कि उसे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरी मॉम नहीं है। तो शौनशौन बताती है कि मेरी भी तो डैड नहीं है। इस पर चंचन कहता है कि फिर मैं तुम्हें अपने पापा को दे दूंगा। जोसन शौनशौन तो बहुत खुश हो जाती है। तो चंचन कहता है कि फिर इसके बदले तुम अपनी मम्मी को मुझे दे देना। जोसन शौनशौन तो रोने ही लग जाती है, जिसके बाद से तो उसका रोना बंद ही
नहीं होता। तो टीचर उनके पेरेंट्स को बुलाती है, वो लोग टीचर से कहते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को समझाते हैं। तो चंचन रोते हुए कहता है कि श्वान श्वान तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपने पापा दे दूंगा तो तुम मुझे अपनी मम्मी दोगी, तो अब तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। श्वान श्वान कहती कि मैं अपनी मम्मा को किसी को भी नहीं दूंगी। चंचन तो और जोर जोर से रोने लग जाता है तो सोंगा उसे डांट कर चुप कराने लग जाता है। चंचन तो और ज्यादा रोते हुए कहने लग जाता है कि डैड मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। सोंगा उसे डांट कर चुप कराने की कोशिश करता है मगर चंचन तो और जोर जोर से रोने लग जाता है। देखो चिशी श्वान श्वान के कान में कुछ कहती है, फिर चंचन से कहती है कि मम्मा तुम्हें हग करना चाहती है। चंचन जाकर चिशी के गले लग जाता है जिससे वो शांत हो जाता है। चिशी उसे कहती है कि तुम अब से मुझे मम्मा कह सकते हो, जब भी तुम्हें अपनी मम्मा की याद आए तो तुम मुझे मम्मा बुला सकते हो। सुनकर चंचन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चिशी उसे कहती है कि तुम्हें अपने डैड से रूडली बात नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उनसे माफी मांगो क्योंकि उन्हें तुम्हारी बातों से बुरा लगा होगा ना। तो चंचन जाकर डैड से कहता है कि डैड प्लीज अब मुझसे नाराज मत होना, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही थी इसीलिए मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना, सैड मत होना। तो सोंगा उसे गले लगा लेता है, चिशी को थैंक यू कहता है। इधर लेशिन जब अगली सुबह उठती है तो उसे कल रात का याद आता है कि उसने जुन के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, फिर तो उसने बहुत ही ज्यादा हंगामा कर दिया था, इसीलिए वो काफी एम्बैरेसिंग फील करती है। वहीं तो सोंगा को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि तुम्हारा डाउट सच निकला, श्वान श्वान सोंग फैमिली की ही बच्ची है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चिशी के पास उस ब्रोच को देखकर ही सोंगा को डाउट हो गया था श्वान श्वान को लेकर, क्योंकि वो ब्रोच तो खास उसके फैमिली के पास था। इसीलिए सोंगा काफी टाइम से अपने लॉयर फ्रेंड से बात कर रहा था इस बारे में, जिसने इसे आइडिया दिया था श्वान श्वान का डीएनए टेस्ट कराने का। तो सोंगा ने कोड देने के बहाने श्वान श्वान का हेयर सैंपल ले लिया था। इसके डीएनए टेस्टिंग से पता चल गया था कि श्वान श्वान सोंग फैमिली को बिलोंग करती है, मगर अभी तक हमें ये बताया नहीं जाता क्योंकि श्वान श्वान और चंचन के मॉम एंड डैड कौन है। अब ये पता चलने के बाद ही सोंगा श्वान श्वान को अपनी फैमिली में वापस लाना चाहता था, जिसके लिए ही उसने चिशी को शादी का प्रपोजल दिया था। इसके अलावा वो श्वान श्वान को अपनी फैमिली में वापस नहीं ला सकता क्योंकि इतने टाइम तक तो उन्हें पता ही नहीं था श्वान श्वान के बारे में। इसीलिए लॉयर फ्रेंड ने उसे एडवाइस दिया था चिशी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में आने का, और अगर उसने चिशी से शादी कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जिस पर सोंगा कहता है कि उसने पहले सब कुछ सोच लिया है कि उसे आगे क्या करना है। तभी चंचन वहाँ पर रोते हुए पहुँचता है कि उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे, तो सोंगा उसे सुलाने के लिए ले जाता है। अगले दिन चिशी सोंगा के ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर वो तो सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं सोंगा अब उसके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दे कल उसके शादी के प्रपोजल को मना करने की वजह से। लेकिन सोंगा तो अपने दूसरे मीटिंग के लिए बाहर गया था, इसीलिए सेक्रेटरी चिशी के साथ उनके प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्रेटरी को उसका प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं इधर सोंगा तो लूसी के साथ मीटिंग में बिजी होता है, जहाँ लूसी उसे चिशी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही होती है, पर सोंगा उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसलिए लूसी किसी को कॉल करती है और चिशी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर सेक्रेटरी चिशी को घर छोड़ने के लिए बाहर जा ही रहा था, तभी वहाँ पर सोंगा आ जाता है जो उसे उसके कार में किंडरगार्टन चलने के लिए कहता है बच्चों को पिक करने के लिए। चिशी मना करने जाती है तो सोंगा कहता है कि चंचन तुमसे मिलना चाहता है, इसके लिए वो मान जाती है। अब स्कूल से वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं, सोंगा कहता है कि हम सभी चलो खाना खाने जाते हैं, फिर से चिशी मना करने जाती है। इस पर सोंगा कहता है कि चंचन सबके साथ खाना खाना चाहता था, इस पर चंचन भी खुशी से हाँ कहता है। तो वो श्वान श्वान के साथ कार में पहले से ही जाकर बैठ जाता है। सोंगा चिशी से कहता है कि उसके लिए कुछ सरप्राइज है, ये कहकर वो उसे कार के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने उसके लिए बहुत बड़ा रोज का गुलदस्ता लाया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि चिशी को फूलों से एलर्जी है, जिस वजह से फूलों के करीब आते ही चिशी को छींक आना शुरू हो जाता है, एनिमल पूरे बॉडी में रैशेस आने लग जाते हैं। तो सोंगा उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर तो सोंगा को इसका बॉयफ्रेंड समझ रही थी, इसीलिए वो तो उसे कुछ बातें भी सुना रही थी कि क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना भी नहीं पता। देन वो उसके बॉडी रैशेस पर कुछ क्रीम लगा देती है, लेकिन तभी उन्हें एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ जाता है, इसलिए वो सोंगा को वो क्रीम देकर जाती है, जिसे लगाने में उसे चिशी की हेल्प करने के लिए कहती है। इसमें दोनों ही काफी ऑकवर्ड होते हैं, तो चिशी अंदर से उसे क्रीम मांगती है और कहती है कि वो खुद ही लगा लेगी, मगर उसकी पीठ पर हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसकी बात सुन सोंगा कहता है कि वो पर्दे के पीछे से ही उसके रैशेस पर मलहम लगा देगा। वहीं इधर बाहर सेक्रेटरी के साथ दोनों बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो सोंगा काफी ऑकवर्डली चिशी के पीठ पर क्रीम लगाने जाता है, वो पर्दे के पीछे था इसलिए चिशी उसका हाथ पकड़ के अपने पीठ पर क्रीम लगवाती है, पर इससे दोनों को फिर से ऑकवर्ड लगता है, इसलिए चिशी बाकी का खुद लगा ले की कहती है। तो वो थोड़ी देर में बाहर आ जाती है, तो सोंगा उसे सॉरी कहता है, बताता है कि वो फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इस पर चिशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तभी सोंगा उसके गालों पर से क्रीम हटाने जाता है, जिससे चिशी तो अपने आप को ब्लश करने से काफी ज्यादा रोकती है, तो उसे थैंक यू कहती है। फिर वो लोग घर चले जाते हैं, लेकिन इधर सोंगा को चिशी का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगता है, और उसने पता लगा लिया था कि चिशी की कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी कंपनी बहुत बड़े कर्जे में है, उनके स्टाफ भी कुछ खास नहीं है, इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
चिशी का प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, इसलिए संघा सोच में होता है कि वो आगे क्या करे। थोड़ी देर बाद वो चिशी को मैसेज करता है और अभी वो कैसी है इस बारे में पूछता है। वो सोचती है कितनी रात को ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा, देन खुद ही मान लेती है जरूर आज के फूल वाले इंसिडेंट की वजह से ही होगा। देन संघा वो मैसेज करके बताता है कि उसे उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग काफी ज्यादा पसंद आया, इस बारे में वो लोग आगे बात कर सकते हैं। जिस दिन चिशी तो काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ देर में लीशिन वहाँ पर खाना लेकर पहुँच जाती है, चिशी उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। सुन लीशिन भी उसके लिए काफी खुश होती है। तभी लीशिन को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि उन्होंने कल उसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट किया है, तो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए वो चिशी की हेल्प मांगती है, क्योंकि एक तो उसे उन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड दूसरा उसे एक काम भी था। तो चिशी उस ब्लाइंड डेट को भगाने की जिम्मेदारी ले लेती है। वहीं तो लूसी को पता चल जाता है चिशी संघाव के साथ एक एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, इसलिए कल वो संघाव के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। साथ ही में एक दूसरी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी को भी बुलाने के लिए कहती है, जिससे उसका प्लान था चिशी का कॉन्ट्रैक्ट बिगाड़ने का। तो अगले दिन चिशी पहुंच जाती है ब्लाइंड डेट पर, जहां पर वो तो उस बंदे के सामने भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लग जाती है और काफी ज्यादा फनी ड्रेसअप होकर आई थी, जो उस लड़के को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। मगर वो समझ जाता है कि वो लीशिन की जगह पर आई है और वो लड़का खुद भी अपने फ्रेंड की जगह पर आया है, इसलिए चिशी अपना नाटक बंद करती है। वही बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि वो लड़का तो चिशी के टाउन का ही है। सिर्फ यही नहीं, ये दोनों तो साथ में स्कूल में भी पढ़े हैं, एंड इवन ये तो चिशी की मॉम का स्टूडेंट भी था, जिससे चिशी को याद आ जाता है कि ये तो सीनियर ली है। तो अब दोनों काफी आराम से बात करने लग गए थे, जहाँ ली को अब चिशी पसंद आ गई थी, जिस पर ली उसे कहता है कि हम दोनों आगे भी बात कर सकते हैं। अब उसी रेस्टोरेंट पे संघाव एक मीटिंग के लिए आया था, जो चिशी को देखकर उसके पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाता है, उनकी बातें सुनने लगता है। ली कहता है कि हम दोनों के बारे में मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से बात करने आ सकती है, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे जल्दी शादी करने के लिए कह रहे हैं। इस पर चिशी उसे कहती है कि जिसे वो पसंद करेगी वो उसी से शादी करेगी, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मुसीबतों का सामना करेगा। इस पर ली कहता है कि तब तो मुझे जल्दी से तुम्हारे रिक्वायरमेंट की तरह बनना होगा। जो सुनकर संघाव को जलसी होती है, जो सुन वो चिशी को बुलाता है और कहता है कि अभी तो हमारा मीटिंग है ना। वही चिशी उसे पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ली उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। इस पर संघाव तो कह देता है कि मैं चिशी का हस्बैंड हूँ और अभी हमें हमारे बच्चों को पिकअप करने जाना है। ये कहकर वो चिशी को बाहर ले जाता है, जहाँ चिशी उससे अपना हाथ छुड़ाती है। जहाँ संघाव उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ब्लाइंड डेट पर आने का टाइम है, कि मेरी प्रपोजल को तुमने रिजेक्ट कर दिया। मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारी और श्वान श्वान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, साथ मिलकर हम सारे प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। जैसे चिशी कहती कि क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे, संघाव कहता है मैं सच में सीरियस हूँ, हम दोनों इस बारे में लंच करते हुए बात कर सकते हैं। लेकिन चिशी उसे इग्नोर करके बस पकड़ने जाने लगती है, तो संघाव भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे बस में चढ़ने ही नहीं देता। तो तंग आकर चिशी उसे कहती कि तुम्हें मेरे साथ लंच करना था ना, चलो फिर तुम्हें मेरी पसंद की जगह पर जाना होगा। ये कहकर चिशी उसे उनके घर के पास वाले लोकल स्ट्रीट पर ले जाती है, जहाँ संघाव को तो बड़े धक्के मुक्के खाने पड़ जाते हैं। तो चिशी उसे एक रिवर फूड शॉप ले जाती है, जहाँ का खाना संघाव को देखकर ही पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से चिशी पता नहीं क्या कुछ मिला रही थी उसमें और खाने के लिए कह रही थी। तो संघाव फेस पर स्माइल लगाकर खाने तो लग जाता है, मगर खाने को देखकर उसके फेस पर जो 12 बजे थे वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी वो अपने मन को मारकर एक बाइट ले ही लेता है, जो भाई के गले से पार तो नहीं जाना चाहता था। तभी चिशी उसे पूछ देती कि खाना अच्छा है ना, संघाव खाने को निगल लेता है और खाने की तारीफ करते हुए कहता कि ये तो काफी ज्यादा यूनिक है। तो चिशी उसे और ज्यादा परोस देती है, जो देखकर संघाव की तो हालत ही बिगड़ जाती है। तो चिशी उसे कहती है कि अब समझ में आया कि हमारे में क्या क्या डिफरेंस है, हम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। तुम लोग जहाँ सी फूड खाते हो वहीं हम लोग रिवर फूड खाते हैं, तुमने तो कभी ऐसा खाना देखा ही नहीं होगा ना, क्योंकि तुम तो 5 स्टार वाले स्टैंडर्ड खाना खाते होगे। सुन संघाव तो ये खाना खाने ही लग जाता है, जो देखकर चिशी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। संघाव कहता है कि चिशी मैं सच में सीरियस हमारी शादी को लेकर, एंड आई प्रॉमिस कि मैं श्वान श्वान को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगा और हम चारों एक फैमिली की तरह हमेशा खुश रहेंगे, इसलिए हमें एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। लाइक तुम मुझे श्वान श्वान के बारे में बता सकती हो कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। इस पर चिशी कहती कि मैं क्यों बताऊँ, हम लोग तो पार्टनर भी नहीं है, और क्या मैंने तुमसे चंचन के बारे में पूछा उसकी मॉम क्यों नहीं है। संघाव कुछ कहने जाता है, लेकिन चिशी उसे खाना खाने के लिए कहती है। तभी संघाव को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि आज उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो चिशी को भी अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहता है, ताकि उसके प्रोजेक्ट वाली बात को भी फाइनलाइज किया जा सके। तो चिशी उसके साथ ऑफिस चली जाती है, जहाँ कार पार्किंग में हम लूसी को देखते हैं, जो इन दोनों के आने का ही इंतजार कर रही थी। तो संघाव उन इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने चला जाता है। दूसरी ओर सेक्रेटरी संघाव से कहता है कि वो चिशी को सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो सेक्रेटरी चिशी से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के डॉक्यूमेंट्स देता है। जो देखकर चिशी तो फुल शॉक्ड होती है कि संघाव ने तो उसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए बुलाया था। अब सेक्रेटरी उसे आगे कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसे एक कॉल आ जाता है, तो वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। इसी बीच चिशी गुस्से से वहाँ से बाहर चली आती है, जहाँ वॉशरूम आकर वो संघाव के बारे में सोचने लग जाती है एंड संघाव की उसके साथ ऐसा करने के लिए वो काफी ज्यादा सैड भी होती है एंड गुस्सा भी थी। तभी वहाँ पर लूसी आती है, उसे बताती है कि संघाव ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जरूर टर्मिनेट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उसे एक रेप्यूटेड कंपनी जो सजेस्ट किया था, जिसके साथ आज वो
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि सॉन्ग तुम्हारे जैसे छोटे से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? जरूर वो तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए एक बार भी नहीं मिला होगा। इस पर चिशी को याद आता है कि सॉन्गाओ ने हर बार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से अवॉइड किया था। जो सुन चिशी को लगने लगता है कि सॉन्गाओ ने उसे स्टार्टिंग से ही धोखे में रखा था, तो वो यहाँ से बाहर आ जाती है और शुवान के बारे में सोचकर काफी ज्यादा सैड हो रही थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पैसों से ही वो शुवान का इलाज करा सकती है। तो वो गुस्से से सॉन्गाओ के ऑफिस चली आती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसके इतने दिनों की मेहनत को वो इतनी आसानी से कैसे कुचल सकता है। उसे गुस्से से बहुत कुछ सुनाकर वो चली जाती है। वहीं सॉन्गाओ को समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया। उसने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था, क्योंकि उसने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ चिशी के लिए कुछ और भी प्लान किया था। सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि मैं चिशी मेरी पूरी बात सुने बगैर ही चली गई और उनका नया कॉन्ट्रैक्ट तो यहीं पर रह गया। जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्गाओ ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके चिशी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिससे वो इंडिविजुअली इस प्रोजेक्ट पे काम करे। सॉन्गाओ उसे समझाने के लिए जाने ही लगा था, अभी यहाँ पर लूसी आती है और उसे बताती है उसके एड एजेंसी के बारे में, जिससे सॉन्गाओ समझ जाता है कि लूसी ने जानबूझकर आज ही उस एड एजेंसी को बुलाया था जिनके साथ सॉन्गाओ का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था। मगर चिशी को इससे गलतफहमी हो गई थी कि सॉन्गाओ ने उसकी कंपनी के बजाय लूसी का रिकमेंड किया हुआ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसलिए सॉन्गाओ जल्दी से बाहर जाने लगता है चिशी को समझाने के लिए। मगर सेक्रेटरी उसे रोकते हुए बताता है कि अभी उसे एक शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए सॉन्गाओ को मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है। इधर जॉन किंडरगार्टन आकर लेशन के नाम पे अनाउंस करा देता है कि कल मिस लेशन होटल रूम में अपनी बाइक की कीज भूल आई थी, जो सुनकर लेशन भागते हुए नीचे आती है और जॉन को लात वात मारने लग जाती है इस तरह अनाउंसमेंट कराने के लिए। अब लेशन को कल रात क्या हुआ तो वो पूरी तरह से याद नहीं था। ऊपर से जॉन तो उसे कह रहा था कि तुमने तो कल रात बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था, लेकिन लेशन एम्बेरसमेंट के मारे जॉन को यहाँ से निकलने के लिए कहकर खुद ही चली जाती है। इधर सॉन्गाओ रात को गर्लफ्रेंड को मनाने के तरीके पढ़ रहा था, तभी अचानक जॉन आ जाता है तो वो बुक को पीछे फेंक देता है, देन उसके साथ बात करने लग जाता है। तो जॉन उसे यहाँ पर लेशन के बारे में बताता है, इससे भाई को पहली नजर में ही प्यार हो गया है। दूसरी ओर चिशी दूसरी कंपनी के साथ बात करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए गई थी, जहाँ पर वो डर की बुड्ढे चिशी को पहले ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। चिशी इस प्रोजेक्ट के लिए ड्रिंक करने लग जाती है, मगर वो बुड्ढे तो उसे और ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे। तभी वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कहते हैं, मगर ज्यादा पी लेने की वजह से चिशी को उल्टी आने लग जाती है, इसलिए वेट्रेस आकर उसे वॉशरूम लेकर जाती है। तभी सॉन्गाओ उसे सॉरी कहने के लिए कॉल करता है, तो कॉल वेट्रेस उठाती है और सॉन्गाओ को इसके सिचुएशन के बारे में बताती है। सॉन्गाओ यहाँ आने के लिए निकल जाता है। इधर चिशी के बार बार मना करने पर भी वो बुड्ढे ड्रिंक कराए जा रहे थे, इसलिए वो उन्हें बाद में बात करके क्या कर जाने लगती है। मगर टर्की बुड्ढा तो उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकने ही लग जाता है। तभी यहाँ पर सॉन्गाओ पहुँच जाता है, जो बुड्ढे को सबक से अगर चिशी को लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे डांटने लगा था कि इतनी रात को अकेले वो यहाँ पर कैसे आ गई और इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये सब क्या कर रही थी। तो चिशी कहती कि तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, मगर इस प्रोजेक्ट के साथ एक जिंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन सॉन्गाओ उसे फिर भी डांटने लगा था, कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी यहाँ पर गलत हो जाता तो। इस पर चिशी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहती है कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसे बोलकर वो उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। सॉन्गाओ उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाता है कि मैंने तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था इसीलिए, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की हालत ठीक नहीं है, पर इसके साथ मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्लानिंग पर भरोसा है और ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन चिशी को उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, वो उसे कहती कि जरूर इसमें भी तुम्हारा कोई प्लान होगा। तभी चिशी को उसके कलीग से कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उनके बॉस तो पैसे वैसे लेकर भाग गए हैं और उन्होंने बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी है। जो सुन चिशी तो शॉक्ड होती है, क्योंकि उसकी जॉब तो चली ही गई, साथ में उसके पिछले महीने की पगार भी गई। तो चिशी सॉन्गाओ के साथ अपने ऑफिस आती है, जहाँ से सारी कलीग्स अपना अपना सामान लेकर जा चुके थे। तो चिशी भी अपना सामान ले लेती है और वहाँ पर शुवान की फोटो देखकर वो रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसकी नौकरी जा चुकी थी और अब वो अपनी बच्चे का इलाज भी नहीं करा पाएगी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और नया काम ढूंढने के जोश के साथ बाहर आती है, जहाँ सॉन्गाओ उसके बारे में पूछता है। चिशी बताती वो ठीक है, सॉन्गाओ उसे घर ड्रॉप कर देगा कहता है, मगर चिशी इसके लिए मना करती है और वो चल चल के जाने लगती है। तो सॉन्गाओ भी उसका बॉक्स उठा लेता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ सॉन्गाओ उसे कहता है कि वो उसकी जॉब ढूंढने में हेल्प कर सकता है। लेकिन चिशी मना करते हुए कहती है कि उसका एक्सपीरियंस है जॉब ढूंढने में और क्योंकि उसकी ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, इसलिए वो कोई बड़ी जॉब तो नहीं कर पाएगी, मगर वो खुद के लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लेगी। तो सॉन्गाओ उसके बॉस के बारे में पूछने लगा था। इस पर चिशी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे बॉस काफी अच्छे थे, उन्होंने मुझे उस टाइम पर जॉब दिया जब मुझे जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए बॉस के लिए वो हार्ड फीलिंग्स नहीं रखेगी। इस पर सॉन्गाओ कहता है कि हम कभी भी तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जिससे तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ काम कर सकती हो। चिशी उसे थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और वो बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट को अपनी मेहनत से करना चाहती है और अपने काम के जरिए ही वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती है, इसलिए अगर सॉन्गाओ उस पर तरस खाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहता है तो इसके लिए चिशी मना करती है। इस पर सॉन्गाओ कहता है कि मैं तुम्हें कोई तरस नहीं दिखा रहा, बल्कि मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुम इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगी। ये सुन चिशी इसके लिए मानती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है तो वो दोनों एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफी सारी बातें करते हैं। चिशी उसे अपने और शुवान के बारे में बताती है, जिस पर सॉन्गाओ फिर से इनडायरेक्टली उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, ये कहकर कि वो उसके साथ मिलकर सारी मुसीबतों को पार करना चाहता है। जो सुन चिशी उसकी और देखने ही लग जाती है। देन बारिश थोड़ी कम होने लगती है तो सॉन्गाओ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाता है। तो अगली
सुबह चिशी श्वान श्वान को रेडी करती है। वहीं दूसरी ओर सोंगहा अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इधर चिशी श्वान श्वान को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा ही रही थी कि श्वान श्वान उसे गोदी में उठाने के लिए कहती है। जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद श्वान श्वान अचानक कहती कि मुझे नीचे उतरना है, मेरा सर घूम रहा है। चिशी जैसे ही उसे नीचे उतारती है और उसे पूछने लगी थी कि उसे हुआ क्या, तभी श्वान श्वान अचानक से बेहोश हो जाती है। तो चिशी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि श्वान श्वान को तो ब्रेन ट्यूमर है जिसकी अब काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है और अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर्जरी कराने का। पर क्योंकि श्वान श्वान अभी बहुत ही छोटी है इसीलिए सर्जरी सक्सेस रेट काफी कम है, पर यह ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर शिव ही कर सकते हैं, इसीलिए वो डॉक्टर उसे डॉक्टर शिव को कॉन्टेक्ट करने के लिए कहती है। तो चिशी डॉक्टर शिव की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती है, मगर उसे पता चलता है कि डॉक्टर शिव का तो अगले 6 महीने तक का शेड्यूल पूरा फुल है। चिशी काफी ज्यादा रोते हुए उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, मगर वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, जो सुनकर चिशी काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी सोंगहा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, क्या हुआ। तो चिशी रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि श्वान श्वान को ब्रेन ट्यूमर है और बहुत जल्दी उसे सर्जरी करानी होगी। कहते हुए वो अपने आप को दोष देने लग जाती है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, अगर उसने अच्छे से श्वान श्वान का ध्यान रखा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब कहते हुए अपने आप को ब्लेम करते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सोंगहा उसे कम्फर्ट करता है, तभी ग्रैंडपा उन दोनों को देखते हैं, जिसके बाद चिशी श्वान श्वान से मिलने जाते हैं जिसे अब होश आ गया था। तो चिशी उसे प्रॉमिस करती है कि वो श्वान श्वान को कुछ भी नहीं होने देगी और दोनों साथ मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर को हरा देंगे। तभी नर्स आकर उसे हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए कहती है, मगर चिशी के पास अभी उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और कलीग्स को फोन लगाने लग जाती है, मगर उन सबसे इसे कोई भी खास हेल्प नहीं मिलती। इसलिए एट लास्ट वो डिसाइड करती है लोन लेने का, इसलिए वो प्राइवेट लोन के लिए कॉल करती है, जहाँ वो लोग तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। इसके लिए चिशी मान जाती है क्योंकि अभी उसके लिए श्वान श्वान को ठीक करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। मगर तभी सोंगहा आ जाता है, उसका कॉल काट देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे लोन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उससे बिल लेता है और काउंटर पर अपने कार्ड से पेमेंट करवा देता है। इसके लिए चिशी मना कर रही होती है तो सोंगहा कहता है कि ये मेरी तरफ से डिपॉजिट समझ लो। तो चिशी कहती है कि वो बहुत जल्दी उसके पैसे लौटा देगी। इस पर सोंगहा कहता है कि मैं तुम्हें ये लौटाने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि उस प्रोजेक्ट के लिए है जिस पर तुम काम करने वाली हो, इसलिए तुम्हें इन पैसों को लौटाने की जरूरत नहीं है। तो चिशी उसे थैंक यू कहती है। तो सोंगहा कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया है और उन्हें श्वान श्वान के बारे में भी पता है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा को श्वान श्वान के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा को भी ब्रेन ट्यूमर है जिनकी कुछ दिन में सर्जरी है और वो डॉक्टर शो ही करने वाले हैं, इसलिए ग्रैंडपा अपनी अपॉइंटमेंट श्वान श्वान को देने की बात करते हैं। इसके लिए चिशी तो उन्हें बहुत ज्यादा मना करने लग जाती है, मगर ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा श्वान श्वान को जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ जी चुका हूँ मगर श्वान श्वान को अभी तक दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिला है। ये सुन इन दोनों को ग्रैंडपा की फिक्र होती है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे इतने सालों से कुछ नहीं होगा तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, डॉक्टर शो की अपॉइंटमेंट वो बाद में ले लेंगे। चिशी तो ग्रैंडपा को मना करते हुए रोने ही लग जाती है। तो ग्रैंडपा भी इमोशनल होकर उससे कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करना, ना ही मुझे कुछ होगा ना ही चिशी को कुछ भी होगा, डॉक्टर शो के ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन चिशी को इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो बाहर बैठी हुई थी। सोंगहा उसके पास आकर कहता है, तुम ग्रैंडपा की चिंता मत करो, मैंने उनके लिए डॉक्टर शो की अपॉइंटमेंट ले ली है, तो उनकी भी सर्जरी जल्दी ही हो जाएगी। तो चिशी उसे थैंक यू कहती है और उसे थोड़ी देर श्वान श्वान का ध्यान रखने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे एक काम करने के लिए थोड़ा बाहर जाना था। तो सोंगहा श्वान श्वान की काफी अच्छे से ख्याल रखता है। तो श्वान श्वान उसे कहती है कि अंकल आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। तो सोंगहा कहता है कि अंकल भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब उन दोनों कैसे प्यार से बात करता हुआ चिशी देखती है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो पिछले कुछ दिन की बातें याद करती है जब सोंगहा श्वान श्वान की केयर कर रहा था। तो श्वान श्वान को इतनी ज्यादा खुश देखकर चिशी भी बहुत खुश होती है। वो श्वान श्वान के पास आती है तो श्वान श्वान उसे बताती है कि मम्मा क्या आपको पता है कि अब अंकल भी मेरे साथ मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर्स को हराएंगे, और लिटिल मॉन्स्टर्स का मतलब यहाँ पर ट्यूमर था। तो चिशी सोंगहा को थैंक यू कहती है, उसे श्वान श्वान को सुलाने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो सोंगहा के प्रपोजल के बारे में ही सोच रही थी कि वो श्वान श्वान को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करेगा। श्वान श्वान को एक फादर मिल जाएगा और चंचन को उसकी मॉम, जिससे अब वो लोग एक प्यारी सी फैमिली बनकर हैप्पीली रहेंगे। तो आज सोंगहा को देखकर उसे यकीन हो गया कि सोंगहा सच में अपने प्रपोजल को लेकर सीरियस है, इसलिए वो सोंगहा से शादी करने का डिसाइड करती है। तो थोड़ी देर बाद वो श्वान श्वान के रूम में वापस आती है, जहाँ वो दरवाजे के बाहर से देखती है सोंगहा ने श्वान श्वान को सुला दिया था। तो वो सोंगहा को मैसेज करके कॉरिडोर में बुलाती है, जहाँ चिशी हाथों में फूल लिए दुल्हन की तरह ड्रेसअप होकर आई थी। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इस बीच दोनों को अपने साथ वाले मेमोरीज याद आते हैं। तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चिशी उससे शादी वाले प्रॉमिसेस करती है। तो चिशी उसे यहाँ पर श्वान श्वान के बारे में बात करते हुए कहती है कि श्वान श्वान एक हेल्दी चाइल्ड नहीं है, क्या फिर भी सोंगहा उन्हें अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट करना चाहता है। इस पर सोंगहा हां में जवाब देता है। तो दोनों यहाँ पर शादी वाले कस्में वादे करते हैं। वहीं इस बार चिशी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। इसके लिए सोंगहा मान जाता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो लोग हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और हर सिचुएशन को साथ मिलकर फेस करेंगे। ये कहकर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ये दोनों
दोनों तो अगले ही दिन मैरिज रजिस्टर कराकर भी आ जाते हैं। तो दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स ग्रैंडपा को दिखाते हैं, जिसे देख पहली बार तो ग्रैंडपा को बिलीव ही नहीं होता। सोंगा उन्हें बताता है कि उन्होंने सच में शादी कर ली है और मैरिज सर्टिफिकेट में ऑफिशियल सील भी लगी हुई है, जिससे ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो चीशी से पूछते हैं कि मुझे ये तो पता है कि सोंगा तुम्हें पसंद करता है, मगर तुम इससे शादी करने के लिए कैसे मान गई, कहीं श्वान श्वान की वजह से तो नहीं? इस पे चीशी कहती है कि श्वान श्वान एक रीजन तो है, मगर अब वो सोंगा को लाइक करने लगी है। तो ग्रैंडपा उनसे ग्रैंड वेडिंग की बात करते हैं। इस पे चीशी कहती है कि अभी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है। इस पे सोंगा कहता है कि वो लोग जल्दी ही इस बारे में सोचेंगे। तो ग्रैंडपा चीशी की फैमिली से मिलने की बात करते हैं। इस पे चीशी कहती है कि वो पहले उनसे बात करेगी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी मिल सकते हैं। तो ग्रैंडपा उसे हायु के साथ मूविंग करने के लिए कहते हैं, ताकि पूरी फैमिली साथ मिलकर रह सके। इसके बाद दोनों ये बात बच्चों को बताने जाते हैं, जहाँ चंचन तो बड़ा खुश होता है कि मेरी अब मॉम एंड एक बहन भी है। तो सोंगा श्वान श्वान से कहता है कि अब से हम सभी एक फैमिली है। इस पर श्वान श्वान पूछती है, पर अंकल आप मेरी फैमिली क्यों बनना चाहते हो? इस पर हायु कहता है कि क्योंकि अंकल तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, जिस तरह से मम्मा आपका ख्याल रखती है और जिस तरह आप मम्मा का ख्याल रखती हो, उस तरह मैं भी मम्मा का ख्याल रखना चाहता हूँ। इस पर श्वान श्वान पूछती है, फिर क्या आप भी मुझसे मम्मा की तरह ही प्यार करोगे? इस पर हायु कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम एक फैमिली है और हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। जिस दिन श्वान श्वान मान जाती है, जो सुनकर चंचन सबसे ज्यादा खुश होता है कि अब उसे अपने मम्मा और बहना के साथ रहने को मिलेगा। तो अगले दिन चीशी और श्वान श्वान मूव इन कर जाते हैं, जहाँ श्वान श्वान तो इतने बड़े बड़े रूम्स देखकर हैरान ही हो जाती है। तभी हायु श्वान श्वान को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी चंचन वहाँ पर आता है और श्वान श्वान से पापा कहने के लिए कहता है, जिस तरह से वो चीशी को मॉम बुलाता है, लेकिन श्वान श्वान कुछ भी नहीं कहती। इस पर हायु चंचन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन को अपना टाइम लेने दो, श्वान श्वान को जो भी बुलाना है उसे बुलाने दो। तो श्वान श्वान से कहता है कि अंकल थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना प्यारा रूम देने के लिए। इसके बाद चंचन और श्वान श्वान तो बेड के ऊपर उठकर उछल कूद करने लग जाते हैं। तो चीशी श्वान श्वान को ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि अभी सारे लिटिल मॉन्स्टर्स को हमने नहीं हराया है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से हराने के बाद तुम भी चंचन की तरह अच्छे से खेल सकती हो। तो श्वान श्वान इसके लिए मान जाती है, फिर पूछती है कि यहाँ पर हम चारों कैसे सोएंगे। इस पर चंचन कहता है कि मम्मा पापा तो दूसरे रूम में सोएंगे, क्योंकि उनकी शादी हो गई है ना। लेकिन श्वान श्वान कहती है कि मुझे तो अपनी मम्मा के साथ ही सोना है। तो चंचन कहता है कि मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि उनके मॉम डैड साथ में सोते हैं, और वैसे भी हम लोग 5 साल के हो चुके हैं, इसलिए हमें अब से अकेले सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चंचन और श्वान श्वान इस रूम में सोने का डिसाइड करते हैं। तो चंचन उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे कहानियां सुनाऊंगा, इसीलिए श्वान श्वान भी मान जाती है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो आयु और चिशी के लिए तैयार किया हुआ नया रूम दिखाने के लिए जाते हैं, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करवाया था, क्योंकि आज इनके ऑफिशियल शादी के बाद फर्स्ट नाइट थी। तो ग्रैंडपा इन दोनों को रूम दिखाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब चिशी ये सब कुछ देख कर तो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, वही आयु का भी थोड़ा थोड़ा यही हाल था। अब यहाँ ग्रैंडपा ने डिस्को लाइट्स जैसा भी लगाए थे, जिन्हें आयु पहले बंद करने जाता है। वहीं तो चिशी तो सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आज रात उनकी कैसे जाने वाली है और वो लोग करेंगे क्या। इधर चंचन श्वान श्वान को उल्फ और पिगलेट की स्टोरी सुनाता है, जो श्वान श्वान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वहीं इधर चिशी को रूम में रोमांटिक कहानियों का पेपर मिलता है, जिसमें फर्स्ट नाइट के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो हायु की ओर देखती है, जहाँ वो अपनी शर्ट उतार रहा था। जो देखकर चिशी तो नर्वस होने लगती है। तभी हायु अपने शर्ट के बटन्स को खोलता हुआ उसकी ओर आने लगता है। तो उसे देखकर चिशी की नर्वसनेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इवन उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। पर उसके करीब आने से पहले ही चिशी उसे अपने पजामा ही दे देती है। इस पर हायु कहता है कि ये तो मेरे नहीं है, ये क्या कर वो चेंज करने के लिए चला जाता है और उसे भी फ्रेश होने के लिए कहता है। जिसमें चिशी तो हैरान होती है कि आखिर उसने मुझे फ्रेश होकर आने के लिए क्यों कहा। पर असली बात तो ये थी कि हायु खुद ही बहुत ही ज्यादा नर्वस हुआ पड़ा था, इसलिए वो चेंज करने के बहाने बच्चों के रूम में आ जाता है। वहीं चिशी इंटरनेट से वेडिंग नाइट को किस तरह से बातें शुरू करने के बारे में सर्च करने लगती है। दूसरी ओर हायु तो बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने उनके साथ रहने के लिए गया था, मगर चंचन तो उसे भगा देता है, क्योंकि वो तो अभी सिस्टर को कहानी सुना रहा था। वहीं चिशी तो इंटरनेट के टिप्स पढ़कर और ज्यादा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो भी श्वान श्वान को सुलाने के बहाने उसके रूम में चली जाती है, लेकिन श्वान श्वान भी उसे बाहर निकाल देती है, इसलिए उसे रूम में वापस जाना ही पड़ता है। वहीं सोंगा तो अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, हमारी तो लीगली शादी हो चुकी है, फिर तो हमें नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इसलिए वो भी रूम में वापस आ जाता है, फिर बाथरूम पहनकर नहाने के लिए जाता है। मगर बाथरूम में तो ऑलरेडी चिशी थी, जिसका नहाना हो गया था, मगर अचानक से हायु को देखकर वो उसके और कपड़े फेंकने लग जाती है, जिन्हें हटाने के चक्कर में हायु से लाइट्स ऑफ हो जाती है। तब चिशी तो और जोर से चिल्लाने लग जाती है, तो हायु उसे चुप कराने के लिए उसके क्लोज आता है। जहाँ पर लाइट्स ऑन करने के बाद वो चिशी की कमर की ओर हाथ बढ़ा रहा था, जिससे चिशी तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, इसलिए उसे कहती कि हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे को थोड़ा टाइम देकर अच्छे से जान लेते हैं, फिर इन सब के बारे में सोचेंगे। हायु कहता है, पर मैं तो बस दरवाजा खोल रहा था ताकि मैं बाहर जा सकूं और तुम आराम से चेंज कर सको। इसमें चिशी थोड़ा एम्बेरसिंग फील करती है और हायु भी फटाक से निकल जाता है। तब जाकर चिशी की हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होती है। देन चिशी के बाहर निकलने के बाद हायु नहाने के लिए आता है, जहाँ वो आईने में अपने आप को देखकर कहता है कि तुझे नर्वस नहीं होना है, मैरिड कपल के लिए ये तो नॉर्मल है। तो वो बाहर निकलकर बेड की दूसरी साइड बैठ जाता है। वहीं उसे भी वो फर्स्ट नाइट वाला पेपर मिलता है, जिसे वो पढ़ने लग जाता है, जो देखकर चिशी तो और ज्यादा नर्वस होने लगती है, लेकिन वो अभी भी फर्स्ट नाइट के बारे में नेट पर सर्च किए जा रही थी,
ये सोचने के चक्कर में अचानक से उसके फोन पर एक YouTube वीडियो चालू हो जाती है फर्स्ट नाइट के टिप्स के ऊपर। तो वो हड़बड़ाकर वीडियो को बंद करने जाती है तो वो नर्वस होकर हायू की ओर देखने लगी थी कि हायू तो सीधे उसके पास आ जाता है। तो चिशी जल्दी से पीछे हट जाती है ये कहते हुए कि मैंने कहा ना कि अभी हम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो हायू पास के सोफे पर बैठ जाता है। तभी दोनों साथ में कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी है। तो हायू पहले कहता है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है इसलिए सब कुछ नॉर्मल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, पर क्योंकि हम लीगली मैरिड है इसलिए हमें एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ के रोल को पूरा करना होगा और ड्यूटी पूरी करनी होगी, इसलिए आई होप कि तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी। ये सुन चिशी फिर से नर्वस होकर सोचती है कि आखिर किस चीज के लिए कॉपरेट करना होगा। तो चिशी कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो आयु कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब है और उन्हें हमारी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए हमें उनके सामने कम से कम हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे से प्यार से और करीब रहना होगा और फ्यूचर में हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे इसलिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना होगा, पर इससे पहले हमें ग्रैंडपा और बच्चों के सामने अच्छे कपल की तरह बिहेव करना होगा जिसके लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कहकर वो उसके करीब आकर बैठता है और बताता है कि उन्हें उनके सामने कैसे बिहेव करना है। इसके लिए वो पहले चिशी का हाथ होल्ड करता है और पूछता है कि हमें ऐसा भी करना होगा, फिर उसके बालों को ठीक करता है जो चिशी को काफी अजीब लग रहा था, मगर वो कहती है कि ठीक है। फिर आयु उसे साइड हग करता है, फिर उससे पूछता है कि हमें ऐसा भी करना हो सकता है। अब ऐसा करने से दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, स्पेशली चिशी की, इसलिए वो पहले से ही उठ जाती है। और इससे पहले कि आयु और कुछ करे वो बहाना मार के पीछे होने लगी थी जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन आयु उसे होल्ड कर लेता है जिससे दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। तो थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद चिशी उसे उठने के लिए कह रही थी, मगर हायू का हाथ हटाने पर चिशी के बाल फंस रहे थे जिससे उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए वो उसे आराम से हाथ निकालने के लिए कह रही थी, मगर हाथ हटाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही जोर से बाल खींच रहे थे इसलिए चिशी तो दर्द में चिल्लाने ही लग जाती है। तभी ग्रैंडपा भी उनके रूम की ओर से गुजर रहे थे। इधर हायू को हटाने के चक्कर में चिशी के पैर से भाई के गलत जगह पर लग जाती है जिससे वो भी जोर से चिल्लाता है। तो ग्रैंडपा भी स्माइल करते हुए अपने रूम की ओर चले जाते हैं। अब हायू को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई थी इसलिए वो कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, इसलिए दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह चिशी तो मस्त रोमांटिक सपना देख रही थी, हायू उसे मस्त किस करके जगाएगा, मगर हायू तो फुल रेडी होकर बैठा हुआ था जो चिशी को जगाता है, जल्दी से उसे फ्रेश होने के लिए भेज देता है। तो चिशी रेडी होकर बाहर आती है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाश्ता करने के लिए आते हैं, जहाँ शान शान और चंचन दोनों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। वो लोग उन दोनों को एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। तो मस्त फैमिली ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ चिशी अपने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और काम में लग जाती है। इसके बाद तो मस्त इनकी फैमिली लाइफ चल रही होती है। मम डैड दोनों साथ में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, वहीं चंचन और शान शान तो मम्मा से डैड को किस करने के लिए कहते हैं। तो चिशी को उसे किस करना पड़ता है। तभी जोन हायू से ऑफिस मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो चिशी को देखता है तो उसे सेक्रेटरी से पता चल जाता है उन दोनों के बारे में, जो सुन वो तो हैरान होता है। वहीं इधर चिशी गई थी लिशिन को बताने के लिए उनके शादी के बारे में, क्योंकि अभी तक उसने लिशिन को भी नहीं बताया था। जब वो लिशिन को बताती है तो लिशिन तो टोटल शॉक्ड रह जाती है, अचानक से उसने शादी कैसे कर लिया, वो भी बिना उसके मम्मी पापा को बताए। इस पर चिशी कहती है वो जल्दी ही बता देगी। तो लिशिन उसे सब कुछ पहले से बताने के लिए कहती है। चिशी उसे श्वान श्वान से लेकर सब कुछ बताती है। जैसे लिशिन कहती है कि जिस तरह से तुमने बताया उस हिसाब से तो वो सॉन्ग हायू अच्छा ही है, पर फिर भी वो खुद उसे सब कुछ कन्फर्म करना चाहती है, इसीलिए वो चिशी से हायू को अभी उससे मिलने आने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तो चिशी हायू को कॉल करके बुलाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलना चाहती है। अब जून जैसे ही सुनता है कि लिशिन उसके साथ है तो हायू के साथ जून भी वहाँ पर चला आता है, जहाँ लिशिन हायू से सवाल करने की जगह पर चुपचाप थी क्योंकि जून की वजह से उसे काफी एम्बेरसिंग लग रहा था उस रात ड्रिंक करने के बाद जो उसने कांड किया था उसके बारे में सोचकर। अब यहाँ हायू तो चिशी की काफी ज्यादा केयर करता है, जो देखकर लिशिन फाइनली उससे पूछती है कि आखिर उसने अचानक से चिशी से शादी क्यों किया, उसे चिशी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस पर वो कहता है कि चिशी हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाती है और हर काम अपने दम पर मेहनत से करती है, वो अपने आप को सभी के सामने स्ट्रांग दिखाती है मगर असल में तो वो उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव है। इधर वो चिशी से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसके सामने तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत ना पड़े और तुम मेरे साथ असली चिशी बनकर रहो। जो सुन चिशी तो सॉन्ग हाउ से इम्प्रेसिव हो जाती है, लेकिन जून को उसकी ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो सॉन्ग हाउ को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और अब उसकी ऐसी बातों से तो उसे भी डाउट हो जाता है कि चिशी से शादी करने के पीछे सॉन्ग हाउ का जरूर कोई दूसरा इरादा होगा। इस बारे में उससे पूछने पर सॉन्ग हाउ उससे कहता है कि शायद तू मुझे अच्छी तरह से नहीं जान पाया, मगर मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि सही है या नहीं। वहीं तो चिशी के दिल में तो सॉन्ग हाउ की जगह और ज्यादा बढ़ गई, वो तो उसे सच में लाइक करने लगी है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अब क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए या नहीं। लिशिन कहती कि वैसे तो मुझे प्यार व्यार पर भरोसा नहीं है, मगर सॉन्ग हाउ को देखकर कुछ गलत तो नहीं लगता और अब तो मुझे भी लगता है कि वो तुम्हें लेकर सीरियस है। तो चिशी उससे पूछती है कि फिर क्या मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए ताकि वो जैसा मेरे लिए फील करता है मैं भी उसे वैसा ही फील करा सकूं। इस पर लिशिन उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए कहती है, वो चाहती है कि चिशी हमेशा खुश रहे और उसे उसका ट्रू लव मिल जाए जिससे दोनों खुश होते हैं। तो अब चिशी अपने परफेक्ट फैमिली लाइफ से सिर्फ एक कदम दूर थी, जो कि था उसके मॉम डैड को उसकी शादी के बारे में बताना। तो घर लौटकर चिशी अपनी मॉम को कॉल करती है और जैसे ही वो उन्हें शादी के बारे में बताने चाह रही थी तभी दूसरे साइड से उसके डैड
डैड मॉम पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, जिससे हमें पता चलता है कि उसके डैड चिशी से किसी वजह से नाराज है। ऊपर से उसके डैड की तबीयत भी खराब थी, इसलिए चिशी अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो शोनशान को चेक करने जाती है, जहाँ वो दरवाजे के बाहर से देखती है कि शोनशान तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोंगहाओ और चिनचिन के साथ खेल रही थी। तो सोंगहाओ उससे पूछता है कि क्या उसे अंकल के यहाँ पर रहने में अच्छा लग रहा है। शोनशान कहती है हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन उससे पूछते कि क्या तुम्हें अंकल के साथ खेलना पसंद है और क्या तुम अंकल के साथ यहाँ पर रहना चाहती हो। इस पे शोनशान कहती कि मुझे तो आप सबके साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सब कुछ चिशी बाहर से सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो अब उसे सोंगहाओ और थोड़ा ज्यादा पसंद आने लगता है। तभी उसे अपनी ही बात याद आती है जब उसने लिशन से पूछा था क्या उसे सोंगहाओ को अप्रोच करना चाहिए। तो इसे याद करते हुए वो बहुत ही खुश होकर किचन जाती है, जहाँ पर वो डू आंटी से पूछती है सोंगहाओ को क्या चीजें अच्छी लगती है। तो आंटी उसे बताती है कि बेसमेंट में एक बिलियर्ड्स का रूम है, जहाँ पर यंग मास्टर हमेशा जाया करते हैं क्योंकि उन्हें बिलियर्ड्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चिशी बेसमेंट में बिलियर्ड्स रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो सोंगहाओ को खुश करने के लिए बिलियर्ड्स खेलना सीखने लग जाती है, लेकिन वो एक भी बॉल निशाने पे नहीं मार पाती। वहीं शोनशान अपने रूम में मम्मा का ट्रेजर बॉक्स साफ कर रही होती है। चंचन आकर उस बॉक्स को खोलकर दिखाने का जिद करने लग जाता है, लेकिन शोनशान उसे मना करती है क्योंकि मॉम ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। दोनों में पहले बहस शुरू हो जाती है, फिर तो छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो उनकी आवाज सुनकर सोंगहाओ वहाँ पर आ जाता है, चंचन को रोकता है, अपने सिस्टर को बुली करने से मना करता है। वो चंचन से उसे माफी मांगने के लिए भी कहता है। तो चंचन शोनशान को सॉरी कहता है, शोनशान सोंगहाओ को थैंक यू कहती है। तो चंचन डैड से भी ट्रेजर बॉक्स देखने की बात करता है। इस पर सोंगहाओ उसे कहता है कि पहले तुम्हें मम्मा से परमिशन लेकर आना चाहिए। तो चंचन सोंगहाओ को लेकर मम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में सोंगहाओ बिलियर्ड्स रूम में आ जाता है, तो उसे देखकर चिशी उसे कहती है कि तुम्हें बिलियर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बिलियर्ड्स खेलने के लिए सीख रही थी। तो सोंगहाओ कहता है कि जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिलियर्ड्स के बारे में कुछ भी पता है, इसीलिए सोंगहाओ उसे स्टिक पकड़ने के तरीके से लेकर सब कुछ सिखाने लग जाता है। मगर ये तो बस चिशी सोच रही थी। तभी वहाँ पर सच में सोंगहाओ आ जाता है, जो उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। चिशी उसे बताने जा रही थी, मगर सोंगहाओ तो उसकी ओर गुस्से से घूरे जा रहा था, स्पेशली चिशी ने उस स्टिक को पकड़ा था इसीलिए। फिर वो आकर उससे स्टिक छीन लेता है और उसे साफ करने लग जाता है। चिशी उसे सॉरी कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पर आना या फिर बिलियर्ड्स खेलना। इस पर सोंगहाओ तो अभी भी रूडली कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस पर चिशी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थोड़ा जानना चाहती थी इसलिए यहाँ पर आई थी। इस पर सोंगहाओ उसे फिर से रूडली कहता है कि ये मेरी प्राइवेट जगह है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो चिशी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। जिस पर सोंगहाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने तय किया था कि हमें बस ग्रैंडपा और बच्चों के सामने अच्छे मैरिड कपल बनने की एक्टिंग करनी है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसने चिशी शॉक्ड होकर पूछती की एक्टिंग, जिस पर सोंगहाओ कहता है हाँ वैसे भी तो हमने बच्चों के लिए ही शादी किया ना, इसलिए जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलने दो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर चिशी तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के क्यूट्स मोमेंट्स झलकते हैं जिन्हें वो अभी तक सच मानकर बैठी थी, लेकिन सोंगहाओ के लिए वो सब कुछ तो एक्टिंग था। चिशी तो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या बोले। अब वो अंदर से काफी सैड एंड गुस्से में थी, मगर उसके सामने फिर से स्ट्रांग बनकर कहती है कि अगर हमारी शादी सिर्फ एक्टिंग है तब तो मुझे और ज्यादा प्रोफेशनली एक्टिंग करनी होगी ना। इस पर सोंगहाओ कहता है कि अच्छी बात है, पर फ्यूचर में तुम इस रूम में कभी मत आना। चिशी गुस्से से जाने लगती है, मगर फिर से वापस आकर कहती है कि अब जब हमारी शादी बस एक नाटक है तो हमें इसके रूल्स भी डिसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि कभी बाद में हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस पर सोंगहाओ कहता है कि ठीक है बताओ फिर तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं। इस पर चिशी कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी फ्रेंड के सामने इतने केयरिंग हस्बैंड होने का नाटक किया वैसे ही तुम्हें सबके सामने रहना होगा, जिसके लिए सोंगहाओ मान जाता है। तो चिशी कहती है कि वो उसके पर्सनल लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। सोंगहाओ इसके लिए भी मान जाता है, पूछता है कि और कुछ बाकी है। तो चिशी बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सोंगहाओ उसके फ्यूचर के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस पर सोंगहाओ कहता है कि जब हम एक दूसरे के फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं करेंगे हम दोनों में पास्ट को लेकर भी कोई बात नहीं होगी, इसके लिए चिशी मान जाती है। सोंगहाओ उसे बॉल्स को रखने के लिए कहकर चला जाता है। वहीं चिशी काफी ज्यादा सैड एंड गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर चंचन आ जाता है, उसे गुस्से में देखकर समझ जाता है कि जरूर डैड ने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो भागकर सोंगहाओ के पास आता है। उसे पूछता है डैड अपने मॉम को क्यों गुस्सा दिलाया, मैंने उन्हें अभी रोते हुए देखा। तो सोंगहाओ उसे कहता है कि तुम्हें बड़ों के मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चंचन तो डैड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि आपने मेरी मॉम को रुलाया कैसे, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। क्या कर वो उसके सारे बुक्स को गिराने लग जाता है, फिर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो सोंगहाओ अपने आप से कहता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक फेक मैरिज है जो उसने सिर्फ बच्चों के लिए किया है। अब वैसे भी उसे ये शादी का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा, अब उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर सोंगहाओ को अभी चिशी के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। दूसरी ओर चंचन अपनी मम्मा के पास आकर कहता है कि वो अपनी मम्मा को पापा के साथ यहाँ पर नहीं रहने देगा क्योंकि पापा बहुत बुरे हैं ना, आपको उन्होंने रुलाया। तो चिशी उसे शांत कराते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चंचन कहता है कि नहीं, उनकी हिम्मत कहते हुए आपको रुलाने की, मैं अभी तो पापा को कुछ नहीं कह सकता मगर बड़ा होकर मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटूंगा। जिस उनके चिशी काफी खुश होते हैं, उसे कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यारा बेटा मिला जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन चिशी उसे कहती है कि वो बाद में पापा से जाकर माफी मांग ले क्योंकि बड़े उसे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो चंचन उससे कहता है कि मुझे आपका ट्रेजर बॉक्स देखना है। तो चिशी उसे अपना ट्रेजर बैग दिखाती है जिसके अंदर लड़कियों के रबर बैंड्स एंड क्लिप्स वगैरह होते हैं जिन्हें चिशी ने अपने हाथों से बनाया था एंड वो पार्ट टाइम इन्हें बेचा करती थी।
लेकिन वो सब कुछ देखकर चंचन कहता है कि यहाँ पर तो सारी लड़कियों की चीजें हैं जो मेरे ट्रांसफॉर्मर के टॉय से ज्यादा अच्छे नहीं है। तो चंचन उससे बहस करने लग जाती है कि लेकिन मम्मा ने ये सब अपने हाथों से बनाया है इसलिए ये सब बेस्ट है। तभी चंचन के हाथों से उसका टॉय टूट जाता है जिसे चिशी को ठीक करना नहीं आता था। इस पर चंचन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पापा या ग्रैंडपा को इस बारे में बताऊंगा तो वो मेरे लिए नया खरीद कर ला देंगे। चिशी उसे बताती है कि उसे अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए और उन चीजों की वैल्यू समझनी चाहिए जिसकी वैल्यू वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वो अपनी मेहनत के पैसों से कोई चीज खरीदेगा। इस पर चिशी उसे कहती है कि तुम्हें अपने पैसों से टॉय खरीदना होगा। चंचन कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं कैसे खरीदूंगा। चिशी उन दोनों को लेकर एक पार्क जाती है अपनी हैंडमेड चीजों को बेचने के लिए ताकि वो चौंचौन को इन चीजों की वैल्यू सिखा सके। तो चिशी अपना स्टॉल लगा देती है और चंचन और चौंचौन कस्टमर से बात कर रहे थे। चौंचौन को पानी पीना था तो चिशी उसे पानी पिलाने लग जाती है। तभी चौंचौन एक आदमी के पास टॉय देकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। चिशी नोटिस करती है कि आसपास चौंचौन नहीं दिख रहा तो वो चौंचौन के साथ मिलकर उसे ढूंढने लग जाती है। वो सारे लोगों से पूछने लग जाती है मगर किसी ने भी उसे नहीं देखा था इसलिए वो परेशान होकर सोंगा को इस बारे में बताती है। लेकिन थोड़ी देर में चंचन वापस आ जाता है जिसे एक आदमी यहाँ तक लेकर आया था। उसे देखकर चिशी की जान में जान आती है लेकिन घर पर सोंगा चिशी को बहुत ही ज्यादा डांटता है बच्चों को ऐसी जगह ले जाने के लिए। चिशी उसे समझाने जाती है मगर सोंगा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता जिस वजह से चिशी भी उस पर गुस्सा करती है और वो सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। तो सोंगा वो बाहर आता है जहाँ सीढ़ियों के पास उसे चंचन बैठा हुआ देखता है। तो चंचन रोते हुए डैड से कहता है कि डैड प्लीज अब मम्मा को मत डांटो, गलती मेरी थी, मैं खुद एक टॉय को देखते हुए उसके पीछे चला गया था। जिस सुन सोंगा को अब थोड़ा बुरा लगता है तो वो चंचन को सोने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो श्वान से मिलने जाता है जहाँ श्वान से उसे सारी बातें पता चलता है चंचन के टॉय तोड़ने से लेकर पार्क में उसके गायब होने तक। तो अब उसे चिशी को डांटने के लिए गिल्टी फील हो रहा था। हम चिशी को देखते हैं जो कुछ रिंग्स की डिजाइन बना रही थी जो उसने खास उसकी शादी के लिए बनाया था मगर सैडली वो अभी रिंग को उतार देती है। तभी सोंगा उससे बात करने आता है और उससे पूछता है कि वो अभी तक जाग क्यों रही है। चिशी कहती है वो अभी काम कर रही है पर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर सोंगा कहता है कि कल उसके प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन है जहाँ पे चिशी की जरूरत पड़ेगी। तो चिशी कहती है वो आ जाएगी और वहाँ से चली जाती है। तो सोंगा वहाँ पर चिशी के डिजाइन देखता है और उस रिंग को भी देखता है जिसे उसे याद आता है ईश्वान ने उसे बताया था कि उसकी मोम लड़कियों के सामान के अलावा रिंग्स भी डिजाइन करती थी जिन्हें वो स्टॉल में बेचा करती थी। वो दिन रात तो बस काम ही क्या करती थी। जो सब सुनकर सोंगा को रियलाइज होता है चिशी ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है श्वान को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। तो धीरे धीरे सोंगा के दिल में चिशी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग जाता है। तो अगले दिन ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है जहाँ फाइनली उनका प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है और वो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। चिशी अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट जाती है लेकिन सोंगा को ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ता है काम की वजह से इसलिए वो डू आंटी को कॉल करके चंचन को सुला देने के लिए कहता है। तो आंटी बताती है कि चिंता मत करिए चिशी मैडम ने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से सुला दिया है। जिसन सोंगा फिर से चिशी के बारे में सोचने लग जाता है। फिर रात को घर लौटकर वो चिशी को देखते हुए अपने आप से कहता है कि शायद चिशी को सच में उनकी फैमिली की फिक्र है। वह उसे अभी बहुत गिल्ट होता है चिशी के साथ बुरा बिहेव करने के लिए इसलिए अगली सुबह वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है जहाँ वो बच्चों के लिए पहले लोकेशन ट्रैकिंग वॉच लेकर आया था। तो चिशी को उठाकर वो उसका फोन मांगता है इसमें वो लोकेशन ट्रैकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। देन उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ प्रमोशनल मीटिंग में ले जाना चाहता है इसीलिए वो उसे तैयार होने के लिए कहता है और उसका गिफ्ट उसे देकर चला जाता है। तो गिफ्ट बॉक्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस होती है जिसे देखकर वो स्माइल करती है। तो दोनों मस्त कंपनी पहुंच जाते हैं। तो दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ सोंगा उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है। चिशी के पूछने पर वो बताता है हमने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों कोऑपरेट करेंगे इसलिए चिशी उसका हाथ होल्ड कर लेती है। लेकिन अगले फ्लोर पर लिफ्ट खुलने से उनके सामने लूसी होती है जो दोनों को साथ में इतना करीब देकर हैरान होती है। ऊपर से चिशी ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था इसलिए वो तो चिशी पे चिल्लाने ही लग जाती है। तो सोंगा उसे बताता है कि चिशी प्रमोशनल इवेंट के लिए आई है। लूसी पूछती है फिर ये तुमसे चिपक क्यों रही है। इस पर चिशी उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मैं इस प्रमोशनल इवेंट की प्लानर हूँ और मिस्टर सोंग हाउ की वाइफ मिसेस सोंग। जो सुन लूसी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है मगर उसे बिलीव नहीं होता। तो चिशी सोंग हाउ को किस कर लेती है मगर इस किस में वो दोनों कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं कि लूसी वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट भी बंद हो जाती है मगर इनका किस तो चली रहा होता है। तो थोड़ा ख्याल आने पर वो दोनों अलग होते हैं। तो दोनों ही थोड़ा ऑकवर्डली ब्लश कर रहे थे। सोंग हाउ कहता है कि तुमने अच्छी तरह से मैनेज किया। तो चिशी कहती है हाँ वो तो मैं थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल बन रही थी ताकि उसे कोई डाउट ना हो लेकिन वो तो ब्लश किए जा रही थी। अब इधर प्रमोशनल इवेंट में सोंग हाउ सभी के सामने चिशी को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करता है। जो सुन पहले तो चिशी शॉक्ड होती है मगर उससे खुशी भी हो रही थी। तभी सेक्रेटरी उसके होठों की ओर इशारा करते हुए बताता है कि उसकी लिपस्टिक बिगड़ गई है इसलिए उसे ठीक करने के लिए चिशी थोड़ा बाहर जाती है। अब उसके पीछे पीछे वहाँ पर लूसी भी आ जाती है जो आकर उसे कहती कि अच्छा एक्टिंग कर लेती हो तुम मगर मुझे पता है कि तुम्हारी शादी सच नहीं हो सकती क्योंकि मैं सोंग हाउ को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसने तुमसे शादी किया भी होगा तो उसका कोई और ही मतलब होगा। लेकिन चिशी भी उसे अच्छा जवाब देती है। तभी जुन वहाँ पर चिशी को ढूंढता हुआ आता है जो पहले लूसी को वहाँ से भगाता है। तो चिशी जुन से लूसी के बारे में पूछने लग जाती है। तो जुन बताता है कि वो लूसी थोड़ी गर्म दिमाग वाली लड़की है जिसे लगता है कि सोंग हाउ के लिए उससे बेहतर कोई और लड़की नहीं हो सकती। ऊपर से वो उसकी फैमिली फ्रेंड भी है इसलिए लूसी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। चिशी उससे पूछते है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। जिस पर जुन बताता है कि सोंग हाउ ने उसे पहले ही इशारा कर दिया था क्योंकि उसने चिशी के पीछे लूसी को जाते हुए देखा था। तो अब जुन उसे लेशन के बारे में पूछने लग जाता है लेकिन चिशी उसे लेशन के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताती। तो इवेंट के बाद सभी लोग ग्रुप फोटोज खिंचाते हैं। तो इवेंट सक्सेसफुल होने
होने की वजह से किसी को फ्लावर्स देकर सम्मान किया जाता है। युद्ध एक सॉन्ग हाउस बुके को लूसी को दे देता है, उसे बताता है कि मेरी वाइफ को एलर्जी है, इसलिए वो उसे अपने हाथों से आर्टिफिशियल फ्लावर देकर उसका सम्मान करता है। इवन वो लोग साथ में फोटोज भी खिंचाते हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सॉन्ग हाउस अचानक फिर से कैसे इतना स्वीट हो गया, तो वो घर पे आकर भी सॉन्ग हाउस के बारे में सोच रही थी, तो वो उन फ्लावर्स को भी संभाल कर रख देती है। इधर जून ने एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए डिशन के घर का एड्रेस निकाल लिया था, तो वो उसके लिए कुछ सामान डिलीवर करने जाता है, जहाँ वो अपनी आवाज बदल कर बात करता है। इसलिए लीशन दरवाजा खोल देती है, तो उसे देखकर लीशन फिर से चिढ़ने लग जाती है। फिर जून तो उससे मिलकर बहुत खुश था, तो लीशन उसे भगाने जाती है। तो जून उसे उनकी उस रात की एक वीडियो के बारे में बताता है, जिसमें लीशन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर हंगामे कर रही थी। तो लीशन उसे वीडियो डिलीट करवाने के लिए उससे बात करने लग जाती है, जहाँ जून तो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में इनडायरेक्टली बताता है, मगर लीशन को तो बस वो वीडियो डिलीट करवानी थी, इसीलिए वो उसे प्यार से बात कर रही होती है। देन जून उसे संभाल कर रहने के लिए कहता है, ऐसे ही किसी के बुलाने से दरवाजा वो ना खोले, वरना कुछ भी हो सकता है। अब जून वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा था, इसीलिए लीशन तो उसे मारने ही लग जाती है, जिस दौरान दोनों काफी क्लोज आते हैं, मगर लीशन उसे घर से भगा देती है। मगर जून उसके घर के बाहर के शू रैक पर अपने शूज रख कर जाता है, ताकि किसी गलत इंसान को ये ना लगे कि लीशन यहाँ पर अकेली रहती है। अब जून का ये बिहेवियर देखकर लीशन का गुस्सा उस पर से चला जाता है, फिर जून भी यहाँ से निकल लेता है। किसी घर से बाहर आती है, तो वो देखती है कि उसके ट्रेजर बॉक्स का सारा सामान तो कार के डिक्की में रखा हुआ था अच्छी तरह से सजा कर। तो किसी श्वान से इसके बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि अंकल हमारे साथ एक और टास्क करने जाने वाले हैं। तभी सॉन्ग हाउ वहाँ पर चंचन को लेकर आता है और कहता है कि मैं भी चंचन को चीजों की वैल्यू सिखाना चाहता हूँ। तो जिसके बाद वो चारों पार्क में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना कार स्टॉल लगाते हैं। अब चंचन वहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें बेच नहीं पाता, इसलिए वो हार मानकर कहता है कि मुझे ट्रांसफॉर्मर के टॉयज नहीं खरीदने हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि पैसे कमाने आसान नहीं है। तो वो डांट से सॉरी कहता है, बताता है कि मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आ गई है, और ये भी कि आप उन पैसों को कमाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, इसीलिए मैं भी मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा, फिर मैं अपने मम्मा पापा और बहना के लिए गिफ्ट्स खरीदूंगा। सॉन्ग हाउ श्वान की केयर करने लग जाता है, जो देखकर किसी सोचती है कि क्या श्वान के लिए उसकी केयर भी एक्टिंग है, या फिर वो सच में श्वान की केयर करता है। तो वो इस बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उन्हें उसकी शादी के बारे में पता चल गया है और वो दोनों कल ही उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सुन किसी तो शॉक्ड हो जाती है, और घर आकर वो इस बारे में सोचने लग जाती है कि वो अपने मॉम डैड को कैसे समझाएगी। तभी सॉन्ग हाउ आकर उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखेगा और वो दोनों मिलकर उसके मॉम डैड को समझा देंगे। लेकिन किसी कहती है कि तुम नहीं जानते उन्हें, अगर कल कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो हमारा डिवोर्स करा कर ही मानेंगे। तो सॉन्ग हाउ कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो अगले दिन किसी के मम्मी डैडी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो सॉन्ग हाउ एंड ग्रैंडपा ने उनका फेवरेट खाना बनवाया था। तो खाना शुरू करने से पहले सॉन्ग हाउ उनके लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है। डैड को चाय पसंद है, इसीलिए इम्पोर्टेड चाय पत्ती गिफ्ट करता है। वही मम्मी एक टीचर थी, इसीलिए वो उन्हें एक बहुत ही खास पेन गिफ्ट करता है। तो अब माता जी शुरू करती है सवालों की बौछार, वो दोनों पहली बार कब मिले थे, कब वो दोनों इतने क्लोज आ गए, और इतनी जल्दी कैसे उनकी शादी हो गई। फिर वो कहती है कि किसी को तो खाना बनाना भी नहीं आता, फिर तुम्हें वो पसंद कैसे आ गई। सॉन्ग हाउ एक एक करके उनके सारे सवालों का जवाब देता है, जहाँ शादी के बारे में वो उन्हें सच ही बता देता है कि ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, इसलिए मैंने चिशी को शादी के लिए प्रपोज किया। और जहाँ तक रही पहली मुलाकात की बात, तो पहली नजर में ही चिशी मुझे पसंद आ गई थी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ चिशी से ही। अब ये बात चिशी को तो फुल फेक लगती है। देन सॉन्ग हाउ कहता है कि चिशी के साथ टाइम स्पेंड करके कि चिशी कितनी अच्छी लड़की है। अब उसकी बातें सुन मम्मी जी तो इम्प्रेस हो जाती है, पर तभी चंचन मम्मा कहते हुए वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग हाउ चंचन का इंट्रोडक्शन उनसे कराता है कि चंचन मेरा बेटा है। ये सुनकर ही पापा जी तो शादी के लिए मना कर देते हैं और बताते हैं कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। चिशी के डैड शादी के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सॉन्ग हाउ का डिवोर्स हो गया है, और अगर शादी के बाद चंचन की मॉम वापस आ गई तो। इस पर चिशी उन्हें पास्ट की बातें करने से मना करती है, तो सॉन्ग हाउ कहता है कि चिंता मत करिए, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो चंचन भी कहता है कि मेरी मॉम तो वापस आ चुकी है और चिशी ही मेरी मॉम है। ये सुन चिशी उसे गले लगा कर कहती है कि अब पास्ट की बातों को डिस्कस करना ठीक नहीं है, और वो चंचन की मॉम बनकर ही रहना चाहती है। तो चंचन उनसे कहता है कि आप मेरे मम्मा के मॉम डैड हो ना, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहकर बुलाता है और उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करता है। देन उन्हें कहता है कि मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आप आराम से मेरी मम्मा का हाथ मेरे डैड के हाथों में दे सकते हो। अब मम्मी जी को तो चंचन की बातें बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी ग्रैंडपा उसे उसके रूम में भिजवा देते हैं। तो सॉन्ग हाउ उनसे कहता है कि चंचन ने हमेशा से ही चिशी को अपनी मॉम समझा है। इस पर मॉम कहती है कि अभी वो छोटा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब। इस पर चिशी कहती है कि चाहे फ्यूचर में जो भी हो, लेकिन वो चंचन की मॉम बनकर रहना चाहती है। जो सुन सॉन्ग हाउ तो उसे देखते ही रह जाता है। देन वो मॉम डैड को प्रॉमिस करता है कि वो चिशी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा और अपने हस्बैंड की ड्यूटीज को अच्छी तरह से फुलफिल करेगा, कहकर उन्हें भरोसा दिलाता है। तो डैड अब फाइनली उनकी शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन अपनी एक कंडीशन रखते हैं कि शादी उनके होम टाउन में ही होगी, उनके वहाँ के ट्रेडिशनल तरीके से, जिसके बाद सब मिलकर खाना वाना खाते हैं। देन चिशी और सॉन्ग हाउ जगह पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ चिशी उसे कहती कि उसने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन वो कहती कि उसकी बातें सुनकर तो उसे बातों पर बिलीव हो गया था। देन उसे थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहती कि लेकिन तुम तो वो सब कुछ एक्टिंग कर रहे थे ना। इस पर सॉन्ग हाउ उसे कहता है कि तुमने भी सब कुछ अच्छी तरह से संभाला, लेकिन चिशी उसे वार्न करती है कि मेरे डैड काफी ज्यादा जिद्दी हैं, इसीलिए उनसे बचकर रहना। इसके बाद चिशी
उसकी मामू से बात करने जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो जिस वजह से तुमने इतनी जल्दी शादी कर लिया। जिसे उन्हें बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। तो मॉम कहती है कि मुझे सीनियर ली से पता चला तुम दोनों की शादी के बारे में। तो मॉम कहती है अच्छी बात है, तब मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम शादी अपनी मर्जी से कर रही हो। और वैसे भी अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम लोगों ने शादी भी तो रजिस्टर करा दी है। तो शिशि उन्हें यकीन दिलाती कि डोंट वरी मॉम, मैं यहाँ पर बहुत खुश रहूंगी। दूसरी ओर डैड दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर वो ट्रेडिशन के नाम पर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं और उसे शिशि के बारे में सवाल करने लग जाते हैं ताकि उन्हें सच का पता चले अगर सोंगा उसके बारे में कुछ और सोचता हो तो। लेकिन सोंगा तो बस शिशि की तारीफ ही करता है। वहीं तो शिशि मॉम को एक और खुशखबरी बताती है कि शोन की सर्जरी कुछ दिन बाद होने वाली है, जिसमें उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है। तो शिशि उन्हें बताती है कि किस तरह से ग्रैंडपा ने अपने सर्जरी का अपॉइंटमेंट शोन के लिए छोड़ दिया। तो मॉम ग्रैंडपा को अच्छी तरह से थैंक यू कहने के लिए कहती है। तो मॉम कहती है कि सोंगा की फैमिली सच में बहुत अच्छी है, वो शोन की कितनी केयर करते हैं, इसीलिए वो कहती है कि अब मुझे चिंता नहीं है। लेकिन वो बताते हैं कि पहली बार जब उन्हें इस बारे में पता चला था तब उन्हें चिशी पर बहुत गुस्सा आया था, मगर फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि चिशी ने श्वान को अकेले पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कितनी स्ट्रगल किया है, तो अब वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करती है। देन वो चिशी से सॉरी भी कहती है कि उसे श्वान की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ी और वो चिशी की कोई हेल्प नहीं कर सकी। तो यहाँ पर वो चिशी की किसी बहन के बारे में बात करती है, बताती है कि कभी कभी वो सोचती है चिशी को भी अपनी बहन की तरह सेल्फिशली लाइफ जीनी चाहिए थी, तो अभी उसे इन सालों में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो अब चिशी की सिस्टर कौन है ये भी हमें धीरे धीरे कहानी में ही पता चलेगा। इस पर चिशी कहती कि ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है मॉम, उल्टा श्वान की वजह से ही उसे हिम्मत मिली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इधर डैड तो सोंगा को ड्रिंक करा कर एकदम टल्ली कर देते हैं और उसे पूछते हैं कि वो चिशी के बारे में क्या सोचता है। लेकिन तब भी सोंगा चिशी की तारीफ ही करता है और उन्हें बताता है कि चिशी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हर काम वो अपनी मेहनत से खुद से ही करती है, स्पेशली श्वान के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, वो सबके सामने अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती है, पर असल में तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी बातें सुनकर डैड को भी यकीन हो जाता है सोंगा का शादी के पीछे कोई और इरादा नहीं है। इधर चिशी की मॉम उससे डैड के बारे में बात करती है कि 5 साल पहले जब से तुमने घर छोड़ा है तुम्हारे और डैड के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर वो तुम्हारी हमेशा केयर करते हैं, इसलिए वही ज्यादा परेशान थे तुम्हारी शादी की बात सुनकर, इसलिए तुम्हें अब उनसे बात कर लेनी चाहिए। इधर लीशन उसी पब में बैठी हुई होती है, तभी उसे अचानक पियानो की म्यूजिक सुनाई देती है जिसमें उसे एक लड़की की याद आती है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है कि कोई पियानो बजा रहा है, तो उसे लगा कि शायद वो लड़का वही है, तो वो उसके पास जाकर उसे बैकअप करती है, कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन वो लड़का तो जून था, जिसे देखने के बाद लीशन उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसे उस म्यूजिक के बारे में पूछती है। तो जून कहता है कि ये सॉन्ग उसके फ्रेंड सर्कल में काफी शेयर हो रहे थे, इसलिए उसने ये गाना लीशन को डेडिकेट किया। लेकिन लीशन उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है, पर लीशन तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिससे दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और जून भी गुस्से से चला जाता है। वहीं चिशी डैड को ढूंढते हुए आती है, तो वो देखती है कि सॉन्ग तो एकदम टल्ली पड़ा है। वो डैड को थोड़ा डांटती है ऐसे ड्रिंक कराने के लिए और अब उन्हें भी वो ड्रिंक करने से मना करती है। ये सुन डैड तो एक ही बार में ड्रिंक छोड़ देते हैं। तो चिशी सॉन्ग को सुलाने के लिए जाती है, जहाँ सॉन्ग तो उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाता है, उसे फाइनली सॉरी कहता है उसके बुरे बर्ताव के लिए। देन उसे गले लगा कर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बार सॉरी कहना चाहता था और तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और मुझे सबका ख्याल भी रखना होता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं हमेशा से किसी के साथ शेयर करना चाहता था, मगर तब मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकूं, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है और अब मैं तुमसे वो सारी दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ, इसीलिए थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। देन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब हर काम पूरे दिल से करता हूँ, तो क्या हम ऐसे ही हमेशा रह सकते हैं? ये कहकर वो चिशी को किस करने चाहता है, लेकिन वो उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है। तो उसकी बातें सुनकर चिशी भी हैप्पी होती है। तो उनकी शादी की डेट आ जाती है, इसलिए सभी लोग चिशी के होम टाउन पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी शादी की जबरदस्त तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं सोंगा तो अपनी शादी में खुद ही काम करना पड़ता है चिशी की आंटियों की वजह से। इसके बाद सोंगा ड्रेसअप होने के लिए जाता है। वहीं लीशन और जून तो एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर शादी में उनका बहुत सारा साथ में काम था, इसलिए उन्हें साथ में रहना ही पड़ता है। सोंगा रेडी होकर बाहर आता है तो श्वान उससे बात करने आती है, जहाँ वो उसे कहती है कि अंकल मेरी मम्मा बहुत अच्छी है और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं मेरी मम्मा को आपको देती हूँ, तो प्लीज आप उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। तो सोंगा उसे प्रॉमिस करता है। तभी चिशी के डैड भी उनकी बातें सुन रहे थे, वो सोंगा को कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो भी उसे अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो सोंगा उनसे भी प्रॉमिस करता है। तो डैड उसे चिशी के लिए लिखा हुआ एक लेटर देते हैं, जिसे वो चिशी को देकर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है चिशी से इन सब के बारे में बात करने की, इसलिए उन्होंने अपनी सारी दिल की बातें चिट्ठी पर लिख दिया था, जिसे सोंगा चिशी को देने के लिए जाता है। अब चिशी तो उस लेटर को पढ़ के इमोशनल हो जाती है, क्योंकि डैड ने इस चिट्ठी में बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें लिखी थी कि चिशी के आने के बाद से वो कितने ज्यादा खुश थे। वहीं उसमें उन्होंने 5 साल पहले की भी बात लिखी थी, जब चिशी ने डिसाइड किया था श्वान को लेकर शहर आने का। तब डैड ने उस पर गुस्सा किया था, क्योंकि डैड को उसकी फिक्र थी, क्योंकि तब वो सिर्फ कॉलेज ड्रॉप आउट थी। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं बताया जाता श्वान की बायोलॉजिकल मॉम कौन है। लेटर के अंत में उन्होंने चिशी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया था और एक हैप्पी मैरिड लाइफ विश किया था। तो लेटर पर की चिशी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। इसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से इनकी शादी की शुरुआत होती है, जहाँ डैड तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद शादी के दूसरे रिचुअल शुरू होते हैं, जिसमें से एक होता है ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर चलना, जहाँ हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना होता है। अब चिशी को तो
अपने ड्रेस की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो तो सोंगहो के गोदी पे चढ़ जाती है और मॉम डैड से कहती कि इसने मुझे कहा कि ये मुझे चलने नहीं देगा। ये सुनसार लोग तो बड़े खुश होते हैं और सोंगहो से इम्प्रेस ही हो जाते हैं, लेकिन सोंगहो की तो खुद की बैंड बजी पड़ी थी, पर फिर भी वो सबके सामने एम्बेरस नहीं होना चाहता था, इसीलिए चिशी को उठाकर वो चलने लग जाता है। मगर एक जगह पर एक पत्थर पर पैर लगने की वजह से वो चिशी के साथ ही गिरने वाला होता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 का एंड यहीं पर होता है। चिशी और सोंगहो के शादी के रिचुअल्स चल रहे थे, तो सारे एक्स्ट्रा रिचुअल्स पूरा करने के बाद वेडिंग वाउज पढ़े जाते हैं, जिसमें उन दोनों को एक दूसरे को सारे सुख दुख में साथ देने का प्रॉमिस होता है। अब चिशी तो इन्हें पढ़ लेती है, मगर हायू इसे नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसे जुन की बात याद आ जाती है, जब उसने उसे कहा था कि सोंगहो चिशी को कोई प्यार नहीं करता और उसने किसी दूसरे इरादे से ही उससे शादी किया है। मगर सोंगहो चिशी को लाइक तो करता था, पर किसी वजह से वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता था। वहीं सोंगहो के पास्ट में कुछ तो हुआ था, इस वजह से वो चिशी को सिंसियरली अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहा था और इसीलिए आज वो वेडिंग वाउज भी नहीं पढ़ पाता। मगर उसे चिशी के डैड से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो चिशी का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, इसीलिए वो चिशी के मॉम डैड से कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। जो सुन चिशी उसे ही देखने लग जाती है और ये सुनकर तो सारे लोग ताली बजाने लग जाते हैं, स्पेशली चिशी के डैड। इसके बाद रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होती है, जहाँ चिशी अब थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रही थी, तो श्वान श्वान सोंगहो को आकर वेडिंग रिंग देती है जो सोंगहो चिशी को पहनाने जाता है। तो चिशी उस रिंग को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो वही रिंग थी जो चिशी अपने शादी के लिए डिजाइन कर रही थी और इसे सोंगहो ने बनवा लिया था। इसे देख चिशी काफी इमोशनल होती है। तो इस तरह से इनकी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी पूरी होती है, फिर सभी लोग उन्हें किस करने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। फाइनली वो लोग किस करते हैं। अब देखकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो लिशन और जुन हो रहे थे। तो इस तरह से उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है, देन सब लोग मिलकर फैमिली फोटोज खींचाने लग जाते हैं। इधर सोंगहो अपने वेडिंग रिंग को खोलकर रख देता है और कुछ सोचने लगता है। जिशी उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए जाती है, वहीं जाते हुए वो नीचे से लिशन की आवाज सुनती है जो ड्रंक होकर फिर से हंगामे कर रही थी, तो जुन उसे संभाल रहा था, मगर लिशन तो उसका बैंड ही बजा देती है। तो लिशन को चिशी की वेडिंग देखकर उसे भी किसी से प्यार करने का मन होता है, तो वो तो जुन के गले ही पड़ने लग जाती है और बार बार उसे कहने लगती है कि मुझे भी प्यार करना है, मुझे भी अपने ट्रू लव के साथ शादी करनी है। तो यहाँ पर लिशन तो पहली बार जुन की तारीफ करने लग जाती है उसके घर के बाहर सूस रखने के लिए, तो उसे कहती है कि उसे जुन का जेंटलमैन एटीट्यूड काफी अच्छा लगा, देन फिर से उसके गले लगने लग जाती है। लेकिन अभी जुन तो उसे उसके रूम जाने के लिए कह देता है, तो उन्हें देखकर चिशी स्माइल करती है। फिर वो किचन में सोंगहो के लिए खाना बनाने लग जाती है। लिशन को उसके रूम में छोड़ने के बाद जुन सोंगहो से बात करने आता है, जहाँ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आज की तरह कभी नहीं देखा, तुमने जितने सीरियस होकर चिशी को अपनी फीलिंग्स बताई, अब लगता है शायद तुम सच में उसे पसंद करने लगे हो और ये अच्छी ही बात है कि तुम मूव ऑन कर सके। तुम्हें अपने पास्ट को भुलाकर तुम्हें अपने सामने जो नया प्यार है उसे फेस करना चाहिए। अब जुन सोंगहो की किस पास्ट के बारे में बात कर रहा था वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन सोंगहो कहता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, तो वो उसे अपनी शादी की सच बता देता है कि ये उसके लिए बस एक फेक मैरिज है जो उसने बच्चों के लिए किया है, और उसने चिशी के साथ भी एक डील किया है कि दोनों एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही पास्ट या फ्यूचर की बातें करेंगे, और बस सबके सामने मैरिड कपल होने का एक्टिंग करेंगे, इसलिए आज बस वो मेरे साथ शादी की एक्टिंग कर रही थी। तभी चिशी भी खाना लेकर दरवाजे पर पहुंच गई थी और वो ये बातें सुन लेती है, तो जुन सोंगहो को चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम पास्ट को बुलाकर हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ नहीं जी सकते। इस पर सोंगहो कहता है कि हमारी शादी में प्यार ही नहीं है, सब कुछ फेक है। जो सुन चिशी का दिल फिर से टूट जाता है क्योंकि वो फिर से सोच रही थी कि सोंगहो अब उसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है, मगर वो सारी बातें सुनकर चिशी इस बार काफी हर्ट होती है, तो वो अकेले ही घर के बाहर सैड होती है। तो अगले दिन ये सभी शहर आने के लिए निकलते हैं, जहाँ चिशी अब सोंगहो को थोड़ा अवॉइड कर रही थी, बस अपने मॉम डैड के सामने उसके साथ होती है, फिर अकेले जाकर कार में बैठ जाती है। अब घर पहुंचकर भी चिशी सोंगहो को कुछ भाव नहीं दे रही थी, तो उससे पूछता कि आखिर उसे हो क्या गया। चिशी कहती है मुझे क्या होगा। सोंगहो कहता है कि तुमने मुझे ग्रैंडपा के सामने भी अवॉइड किया, क्या तुम इसे प्रोफेशनल एक्टिंग कहती हो। चिशी कहती कि मुझे अब तुम्हारे कहने पर कोऑपरेट नहीं करना है क्योंकि मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा। सोंगहो पूछता कि क्या तुम ठीक हो। इस पर चिशी कहती कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सोंगहो कहता है कि मैं अपनी वाइफ की केयर कर रहा हूं जो हस्बैंड की ड्यूटी है। चिशी पूछते क्यों। मेरे मॉम डैड से तुमने प्रॉमिस किया है सिर्फ इसीलिए ना, इसीलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरी केयर करनी पड़ रही है। सोंगहो उसे कुछ कहने जाता है, पर इससे पहले चिशी कहती है कि अब से मैं बस अपना काम करूंगी, श्वान-श्वान और चंचन का ख्याल रखूंगी और उनकी एक अच्छी मॉम बनूंगी, और ग्रैंडपा के सामने तुम्हारी अच्छी वाइफ होने का एक्टिंग करनी है। ये क्या कर चली जाती है। सोंगहो को समझ नहीं आता कि चिशी का बिहेवियर अचानक से इतना क्यों बदल गया। अब चिशी ने तो अपनी वेडिंग रिंग भी उतार दी थी जो सोंगहो उसके पास लेकर आता है, तो चिशी कहती कि वो इसे पहनकर काम नहीं कर पा रही है इसीलिए उसने उतार दिया। सोंगहो उसके हाथ में रिंग दे देता है, तभी चंचन वहां पर आ जाता है और ग्रैंडपा भी बाहर से आते हैं, तो ये लोग एक दूसरे के क्लोज आकर एक्टिंग करने लग जाते हैं। मगर जैसे ही ग्रैंडपा जाते हैं दोनों अलग हो जाते हैं, तभी चिशी को हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि 3 दिन बाद श्वान-श्वान की सर्जरी होने वाली है, इसलिए एक बार चेकअप कराने के लिए आने के लिए कहते हैं। तो चिशी सोंगहो को इस बारे में बताती है और बताती है कि बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए उसे जाना होगा, तो सोंगहो कहता है कि वो जल्दी से ऑफिस से वापस आ जाएगा, फिर वो लोग साथ में जाएंगे। इस पर चिशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें ये बताना था। ये कहकर वो चली जाती है। तभी सोंगहो को कंपनी से कॉल आता है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, जहाँ केएल ग्रुप नाम की एक बड़ी कंपनी का कोई इंचार्ज उनके मॉल की इंस्पेक्शन
इंस्पेक्शन के लिए आ रहा था जिसका नाम है चिंतियान, जो मॉल की इंस्पेक्शन करके चला भी जाता है, लेकिन उसके रिव्यूज कुछ खास नहीं थे। फिर सॉन्ग हाउ केल ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयारी करने लग जाता है। इधर चीशी श्वान श्वान को लेकर हॉस्पिटल तो आ जाती है, जहाँ श्वान श्वान का पहले ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। तो डॉक्टर श्वान श्वान के लिए हेल्दी फूड्स बनाने के लिए कहते हैं। चीशी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सॉन्ग हाउ उनका वेट कर रहा था। उसे यहाँ पर देखकर श्वान श्वान बहुत खुश हो जाती है और उसे जाकर गोदी में उठाने के लिए कहती है। तो श्वान श्वान और सॉन्ग हाउ की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी, मगर चीशी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि अब तो उसे लग रहा था कि सॉन्ग हाउ अभी भी नाटक कर रहा है। चीशी घर आकर डॉक्टर के कहे मुताबिक हेल्थी फूड बनाने लग जाती है, मगर वो श्वान श्वान की सर्जरी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी, पर वो खुद ही अपने आप को संभालने लगती है। तो सॉन्ग हाउ उसके पास अगर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, दर बताता है कि उसने डॉक्टर शू से बात कर ली है, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इसलिए चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चीशी उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि अभी उसे खाना बनाना था, मगर उसके दिमाग में बस सर्जरी की ही बात चल रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। सॉन्ग हाउ अगर उसे बैक हग करता है उसे कम्फर्ट करने के लिए। चीशी पूछते कि क्या ग्रैंडपा है आसपास, ग्रैंडपा तो नहीं थे, मगर सॉन्ग हाउ उसे झूठ बोल देता है और उसका माइंड शांत होने तक उसे हग किए रहता है। वहीं सॉन्ग हाउ के फेस को देखकर हमें साफ समझ आ रहा था इसके दिल में चीशी के लिए फीलिंग्स तो है, पर शायद सॉन्ग हाउ इसे लेकर कंफ्यूज था। तो अगले दिन भी चीशी श्वान श्वान का रेगुलर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सॉन्ग हाउ को पता चलता है कि उसे कल ही एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा, जो सोच सोच कर वो परेशान हो रहा था। चीशी श्वान श्वान के साथ ही सो जाती है। सॉन्ग हाउ को आधी रात को ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना पड़ता है, इसलिए वो श्वान श्वान को देखने के लिए आता है, जहाँ वो चीशी के हाथों से कहानी का बुक हटा देता है और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। तभी श्वान श्वान की नींद खुल जाती है, तो सॉन्ग हाउ उसे धीरे बात करने के लिए कहता है। उसके पास जाकर बताता है कि उसे अभी थोड़ी देर बाहर जाना पड़ेगा, मगर वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर वो दोनों साथ में मिलकर लिटिल मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। तो श्वान श्वान उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो जरूर आएंगे। तो सॉन्ग हाउ उसे पिंकी प्रॉमिस करता है। अगली सुबह चीशी उठती है तो उसके मोबाइल पर सॉन्ग हाउ ने मैसेज कर दिया था कि उसे एक इमरजेंसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है, मगर वो सर्जरी से पहले ही वापस आ जाएगा। तो चीशी और ग्रैंडपा श्वान श्वान को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ श्वान श्वान तो सर्जरी कराने से मना कर रही थी क्योंकि उसे पहले अपने अंकल से मिलना था। तभी डॉक्टर आकर चीशी को ऑपरेशन अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे अग्रीमेंट पर लिखी हुई सारी बातें बताती है। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की सर्जरी होने वाली है, ऊपर से श्वान श्वान अभी बहुत ही छोटी है और सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ही कम है। अब इतना सुनकर ही चीशी की तो हालत ही खराब हो गई थी, पर डॉक्टर तो उसे सर्जरी के दौरान कुछ भी गड़बड़ होने से 10-20 और प्रॉब्लम बता देती है, लाइक वो कोमा में जा सकती है, सुनने देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है या और भी बहुत कुछ। ये सब सुनकर चीशी की तो जान ही हलक पे आ जाती है और फिर से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लग जाती है। उससे तो साइन करने के लिए पेन पेपर भी पकड़ा नहीं जा रहा था, और सच में सर्जरी अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए लोगों की हालत खराब हो जाती है, उसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़कर। तभी यहाँ पर सॉन्ग हाउ की एंट्री होती है, जो चीशी को आकर संभालता है और चीशी की जगह पर वो श्वान श्वान का फादर बन के साइन करता है और चीशी को कम्फर्ट करता है। अभी श्वान श्वान भागते हुए बाहर आ जाती है और सॉन्ग हाउ के गले लग जाती है, क्योंकि वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे कहती कि अंकल आपने मेरा प्रॉमिस रखा। तो सॉन्ग हाउ भी उसे देखकर खुश होता है। श्वान श्वान को फाइनली खुश देखने के बाद चीशी भी काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर हम उसी चिंतियान को देखते हैं, जो उसी पार्क में आकर चीशी के बारे में पूछताछ कर रहा था। अब ये चिंतियान कौन है और चीशी को कैसे जानता है, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। श्वान श्वान को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, जिस दौरान श्वान श्वान तो एकदम बिंदास थी, वहीं चीशी को बहुत टेंशन हो रहा था। तो श्वान श्वान उससे कहती कि आप चिंता मत करना, मैं उन लिटिल मॉन्स्टर से अच्छे से फाइट करूंगी। देन वो सॉन्ग हाउ से मामा का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले वो सॉन्ग हाउ को हाथ पकड़कर उसे पहली बार डैड बुलाती है और कहती कि मॉम डैड आप मेरा इंतजार करना। जिस सुनकर सॉन्ग हाउ तो बहुत ज्यादा खुश होता है और चीशी भी खुश होती है। इसके बाद श्वान श्वान को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। वहीं बाहर सॉन्ग हाउ चीशी को संभालता है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीशी और सॉन्ग हाउ बच्चों के साथ उनके किंडरगार्टन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि श्वान श्वान की सर्जरी सक्सेसफुल रही है और वो अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसीलिए वो चंचनन अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में बिजी होती है। वहीं चीशी भी उनके साथ खेल रही थी और सॉन्ग हाउ बैठकर उन्हें देखते हुए स्माइल कर रहा था। तभी चंचन और श्वान श्वान उसकी ओर भागते हुए आते हैं और उसे कहते हैं कि मम्मा तो हमारे साथ परी बनकर खेल रही है, फिर आप भी कपड़े बदल कर हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ। सॉन्ग हाउ इसके लिए मना कर रहा था, मगर श्वान श्वान कुछ ज्यादा ही जिद कर रही थी और अब तो वो उसे डैड भी बुला रही थी, इसलिए सॉन्ग हाउ ड्रेस चेंज करके आ जाता है उनके साथ खेलने के लिए। इसके बाद उनकी क्लास शुरू होती है तो पेरेंट्स साइड में बैठे हुए थे, जहाँ चीशी तो अम्ब्रेला के नीचे बैठी हुई थी, इसलिए सॉन्ग हाउ उसकी ओर थोड़ा खिसकने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है तो उसे बात करने के लिए वो थोड़ा दूर चला जाता है। तो सॉन्ग हाउ को उसके लॉयर फ्रेंड ने कॉल किया था, जहाँ पर लॉयर उसे कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था आप दोनों की शादी को अब थोड़ा टाइम हो चुका है और श्वान श्वान के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, इसीलिए अब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जो सुन सॉन्ग हाउ श्वान श्वान और चीशी की ओर देखता है और लॉयर से अभी के लिए बात टाल देता है, पर वो लॉयर से इस बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्ग हाउ लॉयर के साथ कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन वो जो करने जा रहा है वो ठीक है या नहीं वो सॉन्ग हाउ चीशी और श्वान श्वान को देखकर सोच रहा होता है। तो क्लास के बाद वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ अगले दिन चीशी श्वान श्वान और चंचन को बताती है कि उसने जॉब ढूंढने का डिसाइड किया है। जो सुन ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं चंचन कहता है कि अब तो हम बहुत सारे टॉयज खरीद सकते हैं, लेकिन चीशी उन्हें कहती है कि अगर वो जॉब करने गई तो वो ज्यादा टाइम उनके साथ खेल नहीं पाएगी। इस पर ये दोनों कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम लोग अब बड़े हो चुके हैं। श्वान श्वान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चंचन भैया के साथ खेलूंगी।
जो सुन चिशी भी काफी खुश होती है। फिर वो तीनों तो मस्ती करने लग जाते हैं। इसके बाद चिशी लीशन से मिलने जाती है, जहाँ पर लीशन अब उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। इशवान शॉन की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। देन उसे कहती कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यहाँ चिशी उसे नहीं बताती कि उसकी फेक मैरिज है, उनके शादी में कोई प्यार नहीं है। देन वो सोंगहाओ के साथ अपनी मेमोरीज को याद करती है, जहाँ वो सोचती है कि क्या सच में उसकी चॉइस सही है, क्योंकि कभी कभी उसे फील होता है कि सोंगहाओ उसकी केयर करता है, वहीं कभी कभी लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो लीशन से कहती कि हाँ वो लोग काफी खुश है और शवान शवान ने भी सोंगहाओ को डैड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, जो सुन लीशन उनके लिए खुश होती है। तो चिशी उसे बताती है कि वो अब अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है, एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने का, वो भी अपनी मेहनत से। तो लीशन कहती कि वो उसे पूरा सपोर्ट करेगी। तो चिशी अपना सीवी बनाकर बहुत सारी कंपनी में मेल भेजती है, पर क्योंकि उसने डिजाइनर का कोर्स नहीं किया होता है, इसीलिए उसे जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। पर वो हार नहीं मानते, अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग पर काम करने लग जाती है। वो ज्वेलरी डिजाइनिंग के रिलेटेड बुक्स भी पढ़ने लग जाती है। चिशी को ऐसे ही दिन रात पढ़ाई करते और लैपटॉप पे बैठा देख कर सोंगहाओ सोचने लग जाता है कि आखिर ये कर क्या रही है, क्योंकि उसने कल से तो सोंगहाओ से कुछ बात ही नहीं किया है, बस काम ही करे जा रही है। इसीलिए वो अगली सुबह उसके लैपटॉप की ओर ताका जाके करने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो जॉब ढूंढ रही है। वहीं चिशी समझ चुकी थी कि उसे डायरेक्टली डिजाइनर का जॉब तो नहीं मिलेगी, इसलिए वो पहले सेल्स डिपार्टमेंट में ट्राई करती है। इसके लिए उसने बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स में अप्लाई किया था, मगर किसी के भी ओर से उसे रिप्लाई नहीं आ रहा था, इसलिए वो परेशान थी। लेकिन तभी उसे माउलिन मॉल से रिप्लाई आता है। अब माउलिन का नाम सुनकर वो पहले तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, मगर फिर भी वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सोंगहाओ को बिना बताए माउलिन मॉल चली जाती है, जहाँ की एक ज्वेलरी शॉप से उसे रिप्लाई आया था। लेकिन इधर सोंगहाओ को भी पता चल जाता है कि चिशी माउलिन मॉल में एक ज्वेलरी शॉप में जॉब के लिए आई है। इधर चिशी को वो जॉब मिल जाती है, मगर इधर सोंगहाओ तो उन्हें कॉल करके चिशी का रिक्रूटमेंट कैंसिल करा देता है। फिर उसे माउलिन के डिपार्टमेंट मैनेजर से कॉल करवाता है और प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से जॉब ऑफर करवाता है, मगर चिशी अब इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो तो बस अपना पैशन फॉलो करना चाहती थी। अब इस मॉल में बहुत सारे ज्वेलरी शॉप थे, इसलिए चिशी उन सारे शॉप में जाकर जॉब की बात करती है। लेकिन सोंगहाओ ने तो सारे शॉप मैनेजर्स को मैसेज कर दिया था कि कोई भी चिशी को जॉब पे ना रखे, लेकिन एक शॉप में जाकर उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ सोंगहाओ जानबूझकर करवा रहा है। इसीलिए वो फानी कंपनी की ज्वेलरी शॉप में जाकर जॉब के लिए अप्लाई करती है, जहाँ की स्टोर मैनेजर को उसका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो उसे कल से ही जॉब पे आने के लिए कहती है। पर जब ये बात सेक्रेटरी सोंगहाओ को बताता है कि चिशी ने फानी कंपनी में अप्लाई किया है, सोंगहाओ उसे रोकने के लिए जा रहा था, क्योंकि फानी कंपनी लूसी की है और अगर चिशी उसके शॉप में काम करेगी तो लूसी उसे किसी न किसी प्रॉब्लम में जरूर डालेगी। वो सेक्रेटरी को भेज कर उसे अपने ऑफिस बुलवाता है, जहाँ वो उसे फानी ज्वाइन करने से मना करता है। चिशी उससे पूछती है कि तुम्हें उन्हें ऑर्डर दिया था ना मुझे जॉब ना देने के लिए। सोंगहाओ कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इससे अच्छा काम कर सकती हो और एक बेटर जॉब डिजर्व करती हो। तो चिशी उससे पूछती है कि फिर क्या वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से तुम्हें मुझे कॉल करवाया था। तो सोंगहाओ कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। इस पे चिशी उससे बताती कि वो अब एड एजेंसी में काम नहीं करेगी, वो तो अब अपने ज्वेलरी डिजाइनर बनने के ड्रीम को पूरा करेगी। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती कि अगर वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसके ड्रीम के बीच में प्रॉब्लम भी ना खड़ी करे। इस पर सोंगहाओ कहता है कि ठीक है फिर, पर तुम फानी ज्वेलरीज में काम मत करो, वो उसके लिए कोई दूसरी शॉप ढूंढ देगा। लेकिन चिशी कहती कि उसे अपने काम पे दम पर ये जॉब मिला है, इसलिए वो वहीं से काम शुरू करना चाहती है, इसलिए वो उसे इसमें सपोर्ट करने के लिए कहती है। ठीक है, अगर वो चली जाती है। लेकिन सोंगहाओ को उसकी फिक्र होती है क्योंकि लूसी कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो सेक्रेटरी से चिशी पर नजर रखने के लिए कहता है, ताकि उसे शॉप में कोई प्रॉब्लम ना हो और खास करके वो किसी मुसीबत में ना पड़े, इसका ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी इधर हम चिशी को देखते हैं जो मॉल के कैंटीन में बैठी हुई थी, जहाँ पर उसे चिंतियान मिलने के लिए आता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है चिंतियान ने ही उस दिन पार्क में चंचन को ढूंढ कर लाया था और उसने उस दिन चिशी से कुछ ज्वेलरीज भी खरीदे थे, जिनकी डिजाइन चिंतियान को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, दोनों बात करने लगते हैं। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं, जहाँ चिंतियान तो चिशी का नाम सुनकर हैरान होता है। तो चिंतियान उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर शॉपिंग करने आई है। तो चिशी उससे बताती कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आई थी और उसे एक ज्वेलरी शॉप में सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है। जिस दिन चिंतियान कहता है कि तुम्हें तो डिजाइनर होना चाहिए था, क्योंकि सच में तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन काफी यूनिक है। तो चिशी को थोड़ा परेशान देकर वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, उसे बता सकती है। तो चिशी उससे बताती है कि उसकी फैमिली सेल्स डिपार्टमेंट में उसके काम करने पे सपोर्ट नहीं करते। तो चिंतियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये पसंद नहीं। चिशी कहती है हाँ, शायद उनको ये बात पसंद नहीं कि उनकी वाइफ एक सेल्स गर्ल का काम करे। इस पर चिंतियान उसे कहता है कि किसी ने मुझे कहा था कि आप चाहे कोई भी काम करो या फिर कहीं पर भी हो, तो आपको उस काम को और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और यही एग्जैक्ट बात चिशी को भी किसी ने कहा था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी और अपने पैशन को ही फॉलो करेगी। दोनों की यहाँ पर बातें करते हुए दोस्ती हो जाती है। तो चिशी के जाने के बाद चिंतियान कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया चिशी, तो आखिर इससे इसका क्या मतलब था, आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। इधर लूसी को पता चल जाता है कि उसके एक शॉप पर चिशी काम करने वाली है, तभी उसे सोंगहाओ का भी कॉल आता है। सीन कट होता है, हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ चिशी तैयार होकर शॉप के लिए निकलती है। लेकिन सोंगहाओ को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो अपनी कार से उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ चिशी के बस में बैठने के बाद वो चला जाता है। वहीं ऑफिस में उसे लूसी मिलने आती, जो काफी गुस्से में लग रही थी। तो हमें पता चलता है कि सोंगहाओ ने उसे एक फेवर मांगा था कि वो चिशी को उसकी शॉप पर काम पे रख ले और शांति से उसे काम करने थे, मगर लूसी इसके लिए एक शर्त रखती है कि अगर आज उसने उनके शॉप पर आने वाली मिस यू से कोई ज्वेलरी खरीदवा सकी तो उसे जॉब पर रख लेगी। वहीं जाते हुए वो सोंगहाओ से कहकर जाती है कि तुम्हारी पसंद बहुत ही बुरी है। इस पर सोंगहाओ चिशी की फोटो देखते हुए कहता है कि ये उतनी बुरी भी तो नहीं है। देन वो कहता है कि मैं तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकता था उतना मैंने कर दिया, अब आगे
सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तो इधर मिस यू शॉप पर आ जाती है जिसे पहचानने में चिशी गलती कर देती है। सारे स्टाफ उसे ज्वेलरी दिखाने लग जाती है जिसमें चिशी उसे एक सिंपल ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है क्योंकि वो उसकी स्किन टोन के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रहा था। मगर मिस यू को तो उसका ब्रोश पसंद आ जाता है तो वो उसे ब्रोश खरीदने की बात करती है। उससे उस ब्रोश की कीमत बताने के लिए कहती है। इस पर चिशी कहती है कि ये मेरी पर्सनल चीज है जो बेचने के लिए नहीं है। लेकिन मिस यू तो जिद पर अड़ जाती है उस ब्रोश को खरीदने की जिससे अब चिशी परेशान में फंस जाती है। मिस यू गुस्से से बाहर आती है तभी वहाँ पर लूसी भी पहुँचती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों तो दोस्त हैं। और मिस यू को गुस्से में देखकर वो स्टोर मैनेजर को डांटने लग जाती है। अब चिशी उसे देखकर हैरान होती है स्पेशली ये जानकर कि ये शॉप लूसी की है। अब लूसी इनडायरेक्टली चिशी को इंडिकेट करते हुए कहती है कि जिसने भी मिस यू को गुस्सा दिलाया है वो उसे फायर कर देगी। तो स्टोर मैनेजर उसे सच बताती है कि किसी ने कोई गलती नहीं की है बल्कि चिशी की वजह से तो मिस यू ने एक डायमंड नेकलेस बुक किया है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब मिस यू उस ब्रोश को लेने के पीछे पड़ी थी तब स्टोर मैनेजर ने मामला संभाल लिया था ये बोलकर कि ये ब्रोश तो काफी ज्यादा पुराना है और चिशी ने तो इसे काफी बार पहना भी है इसीलिए यहाँ पर ये सूट नहीं करेगी। तो मिस यू उस ब्रोश को एक बार देखना चाहती थी तो इसके बारे में चिशी से पूछने पर वो बताती है कि ये ब्रोश उसे एक खास इंसान ने दिया है इसीलिए चिशी के लिए बहुत खास है। तब मैनेजर ने फिर से अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से मिस यू को डायमंड नेकलेस दिखाते हुए उलझा दिया था। वही चिशी उन्हें अपने ज्वेलरी के ज्ञान से एक अच्छा खासा डायमंड नेकलेस सजेस्ट करती है जिसे मिस यू ने खरीद लिया था। और मिस यू थोड़ी गुस्से से इसीलिए बाहर आई थी क्योंकि वो नेकलेस उन्हें कुछ दिन बाद मिलने वाला था। अब ये सब कुछ जानकर तो लूसी हैरान होती है कि चिशी ने मिस यू की जैसी लड़की से डायमंड नेकलेस कैसे खरीदवा लिया। तो इसीलिए लूसी को चिशी को यहाँ पर जॉब पे रखना ही पड़ता है। तो ये खुशखबरी उधर सोंगाओ तक भी पहुँच जाता है। तो सेक्रेटरी उसे एक और खुशखबरी देता है, बताता है कि केएल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाइना वापस आ चुके हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट केएल ग्रुप के साथ खत्म हो चुका है और अब वो यहीं पर रहेंगे। तो उन्हें हायर करने के लिए बहुत सारी कंपनियां उनके पीछे पड़ी है। तो सोंगाओ भी उन्हें अपनी कंपनी में हायर करने की कोशिश में लग जाता है और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि चिंतियां था जिसे सोंगाओ कॉल करके उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसे जो भी पोजीशन चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार था। इस पर चिंतियां तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन मांग लेता है जिस पोजीशन पर एक बहुत ही पुराने भरोसेमंद एम्प्लॉय काम कर रहे थे। इसलिए सोंगाओ उसे कोई दूसरा पोजीशन मांगने के लिए कहता है मगर चिंतियां तो कॉल काट देता है क्योंकि उसे अभी एक फ्रेंड से मिलने जाना था। तो इधर सोंगाओ को चिशी कॉल करके बुलाती है देन उसे बताती है कि उसे पता चल गया कि लूसी यहाँ की बॉस है इसीलिए तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर काम करूँ। तो वो उसे गलत समझने के लिए सॉरी कहती है फिर कहती है कि अगर तुम्हें पता था तो मुझे बता देना चाहिए था। सोंगाओ कहता है मैंने कहा तो था कि तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है और यहाँ काम करने की वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम ठीक हो या नहीं फिर बच्चों को भी तुम्हारी फिक्र होती। तो चिशी कहती है ठीक है ठीक है। तो अब हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो चुकी है। तभी वहाँ पर चिंतियान भी पहुँच गया था चिशी से मिलने के लिए मगर उन्हें साथ में बात करता हुआ देखकर वो समझ जाता है कि सोंगाओ उसका हस्बैंड है और सोंगाओ को देखकर ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता है जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। चिशी घर आती तो उसे पता चलता है कि उसके आइडल मास्टर लॉन्ग का एग्जीबिशन लगने वाला है जिससे वो तो बहुत खुश होती है। चंचन उससे मास्टर लॉन्ग के बारे में पूछता है। इस पर चिशी उन्हें बताती है कि वो तुम्हारी मम्मा की सबसे फेवरेट आइडल है। दोनों उससे पूछते हैं कि क्या वो आपको डैड से भी ज्यादा पसंद है। चिशी कुछ कहने जाती है तभी सोंगाओ यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये दोनों उससे कहते हैं कि डैड क्या आपको पता है कि मम्मा आपसे ज्यादा किसी और को पसंद करती है। जो सुन सोंगाओ तो जेलेसी के साथ पूछता है कि वो कौन है। तो चिशी उसे बताती है कि वो उसकी फेवरेट आइडल है जिनसे इंस्पायर होकर ही उसने ज्वेलरी डिजाइनिंग शुरू किया था। तभी वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और एग्जीबिशन के पास खरीदने की बात करती है मगर सारे सोल्ड आउट हो चुके थे तो वो फ्रेंड के साथ बात करते हुए चली जाती है। इसके बाद सोंगाओ किसी को कॉल लगाता है और उस एग्जीबिशन का एक पास खरीद लेता है। तो वो पास वो चिशी को मैसेज करके भेज देता है और चिशी का रिप्लाई का इंतजार करने लग जाता है। काफी देर हो जाती है लेकिन चिशी का कोई रिप्लाई नहीं आता इसलिए वो बार बार फोन को चेक करने लगता है। तभी चिशी भागते हुए उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा मगर तुमने ये कैसे किया एग्जीबिशन के टिकट्स तो काफी ज्यादा मुश्किल है खरीदना। सोंगाओ कहता है लेकिन मैंने तो बस एक फोन किया और मुझे टिकट मिल गया। तो चिशी बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसे थैंक यू कहकर वो उसके लिए फ्रूट छोड़ कर जाती है। तो सोंगाओ उसे रोकते हुए कहता है कि बस थैंक यू देन वो इशारा करके अपने हाथों से उसे फ्रूट खिलाने के लिए कहता है मगर चिशी तो कुछ और ही समझ कर भाग जाती है। वहीं इधर हम चिंतियान को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से के साथ पंचिंग बैग पर वार कर रहा था। वहीं वो गुस्से के साथ सोंगाओ को याद कर रहा था जिसमें हम देखते हैं सोंगाओ किसी लड़की के साथ था। तो चिंतियान कह रहा था कि तुम अब चिशी के साथ हो पर मैं तुमसे तुम्हारी गलतियों का बदला लेकर रहूंगा जिसके लिए उसने काम भी शुरू कर दिया था। उसने मालिन के मार्केटिंग डायरेक्टर को केएल ग्रुप में हायर पोजीशन दिला दिया था और अब उसे भरोसा था सोंगाओ उसे मार्केटिंग डायरेक्टर का पोजीशन ऑफर करेगा। तो सोंगाओ के साथ वो लड़की कौन थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा और चिंतियान के गुस्से का रीजन भी। अब यहाँ चिंतियान को ये भी पता था चिशी कल मास्टर लॉन्ग के एग्जीबिशन में आने वाली है। तो अगले दिन चिशी एग्जीबिशन में आती है कि ज्वेलरी डिजाइन को देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर चिंतियान भी उसे मिल जाता है। तो चिंतियान बताता है कि वो भी मास्टर लॉन्ग के डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद करता है। फिर बताता है कि अभी मास्टर लॉन्ग यहीं पर है तो वो चाहे तो उससे मिल सकती है। इस पर चिशी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे मिलने जाती है। हमें पता चलता है कि चिंतियान तो मास्टर लॉन्ग का फ्रेंड है। यहाँ पर चिशी मास्टर लॉन्ग से काफी सारी एडवाइस लेती है ज्वेलरी डिजाइन के ऊपर जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो एग्जीबिशन से बाहर आकर चिंतियान का बहुत सारा शुक्रिया अदा कर रही थी एनीवन उसे ट्रीट देने की भी बात करती है। तभी रास्ते की दूसरी ओर से सोंगाओ कार का हॉर्न बजाकर उसे बुलाता है। चिशी को उसके साथ वापस जाना पड़ता है लेकिन पूरे रास्ते वो तो बस चिंतियान की तारीफ ही करी जा रही थी। जो सब सुन सोंगाओ तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था।
अब सोंगा सोच रहा था कि चिशी उसे थैंक यू कहेगी, उसने उसके लिए टिकट खरीदा, तभी वो मास्टर लॉन्ग से मिल पाई, लेकिन चिशी कहती कि उसे तो अपने फ्रेंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर सोंगा जेलसी के साथ उससे पूछता कि आखिर वो तुम्हारा फ्रेंड करता क्या है। चिशी कहती कि वो जो भी करता हो मगर काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है। जो सुन सोंगा तो और जेलस हो रहा था। अब घर आकर तो वो चिशी के पिलोज पर ही गुस्सा उतारने लग जाता है और कहता है कि टिकट्स मैंने खरीद दी और तारीफें बस उसकी किए जा रही है। तभी चिशी बेडरूम में आती है तो वो अभी चिंतियन के साथ चैट करते हुए स्माइल कर रही थी, जो देखकर सोंगा को फिर से जेलसी होती है, इसीलिए वो पिलोज को पटक के सोफे पर ही सो जाता है। तो चिशी कहती है कि ठीक है फिर मैं बेड पर सो जाती हूँ। ये कहकर वो लोग सो जाते हैं। वहीं जुन तो आज लेशन को प्रपोज करने के लिए लाया था उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट कहकर, जिसमें उसने लेशन के 28 सालों तक हर एज के हिसाब से उसके लिए गिफ्ट लाकर प्रपोज करने का प्लान बनाया था। मगर उसे देखकर लेशन तो उल्टा काफी हर्ट होती है और पूछती है कि मैंने उस दिन ड्रिंक करने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना, पर फिर भी तुमने मुझे हर्ट करने के लिए ये सब किया। लेशन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करके बहुत सैड होकर वहाँ से चली जाती है। इस पर जुन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, पर असल में लेशन को ये देखकर अपने चीटर एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर सोंगा तो नींद में चलते हुए बेड पर आकर सो जाता है। इवन उसने चिशी को पिलो समझकर हग करके रखा था, जिससे थोड़ी देर में चिशी की नींद खुल जाती है। तो चिशी उससे पूछती कि आखिर वो क्या कर रहा है। इस पर सोंगा तो एम्बेरस होकर सोने का नाटक कर रहा था। तो चिशी कहती कि फिर वो सोफे पर सोने के लिए जा रही है। जो सुन सोंगा खुद ही उठकर सोफे पर सोने के लिए चला जाता है, जहाँ जाकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी दोबारा से उस एग्जीबिशन में जाना हुआ मुझे पहले ही बता देना, मैं हम दोनों के लिए टिकट बुक कर दूंगा। जो सुन चिशी हैरान होती है, अपने आप से कहती कि आखिर इसे हो क्या गया। तो अगले दिन जुन चिशी को कॉल करके बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उसे कल के बारे में सब कुछ बताता है। पूछता है कि क्या लेशन को किसी बात का दुख है कि जब भी मैं उसे प्रपोज करता हूँ वो मुझे रिजेक्ट कर देती है, और उसकी आंखों में देखकर मुझे फील होता है कि वो अंदर से बहुत दुखी है। जुन उसे लेशन के बारे में बताने के लिए कहता है। तो चिशी उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब उसे एक पियानो प्ले करने वाली लड़की से प्यार हुआ था, जिसके लिए उसने अपना करियर और अपनी ड्रीम तक छोड़ दिया था सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड के म्यूजिशियन बनने के सपने के लिए। तब वो 22 साल की थी और तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे उसके हर एज के हिसाब से 22 गिफ्ट देकर उसे प्रपोज किया था। उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया था, मगर लेशन के पेरेंट्स उनके शादी के खिलाफ थे और लेशन ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का डिसाइड किया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के दिन ही छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और इसी वजह से लेशन को प्यार में भरोसा नहीं रहा। ये सुनकर जुन को तो उस लड़के पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। चिशी उससे पूछते कि क्या वो अब भी लेशन को लाइक करता है। जुन कहता है हाँ, मैं उसे फिर से प्यार का एहसास कराऊंगा और हम दोनों भी तुम्हारी और सोंगाओ की तरह हैप्पी रहेंगे। ये सुन चिशी कहती है कि ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने हमारी शादी के दिन सोंगाओ के साथ तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। सोंगाओ के लिए हमारी शादी फेक है और उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसन जुन हैरान होता है, जुन उसे बताता है कि तुमने आधी ही बात सुनी है इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इस पर वो बताता है कि सोंगाओ ने जब उसे कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है तब उसके कहने का मतलब था कि उसने पहले तो फेक मैरिज समझकर ही शादी किया था, मगर अब उसे रियलाइज हो गया था कि वो भी चिशी को पसंद करने लगा है और जो भी उसने अब तक चिशी के साथ किया उसके लिए उसे रिग्रेट है। तो जुन उसे बताता है कि सोंगा तुम्हें सच में बहुत चाहता है, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसके लिए वो अब तुम्हें अपनी रियल फीलिंग्स दिखाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। तुमने एक बार भी इतने दिन में उसमें कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे लिए अब उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है। तो चिशी घर लौटकर इसी बारे में सोच रही होती है तो उसे सोंगा के साथ उसके कुछ दिन पहले वाले मोमेंट्स याद आते हैं। चिशी के लिए एग्जीबिशन के टिकट्स खरीदना, उसके जॉब पे जाने के लिए फिक्र करना और सोंगा उसके जब भी करीब आता था तब उसे सच में कुछ अलग ही फील होता था। जो सब याद करके चिशी तो काफी शॉकिंगली खुश होती है, फिर अपने आप से पूछती कि फिर अभी तक उसने मुझे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताया। वहीं तो सोंगा तो ऑफिस में रिलेशन टिप्स वाले बुक्स पढ़ रहा था, इस पर वो अब चिशी को कैसे जेन्युइनली अप्रोच करे इसके बारे में पढ़ रहा था। तभी सेक्रेटरी आता है तो वो जल्दी से बुक को छुपा देता है। तो सेक्रेटरी उसे यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्टर के फाइनेंशियल रिमाइंडर लेटर के बारे में बात कर रहा था, जिसे सोंगा मैनेजिंग डिपार्टमेंट में भिजवाने के लिए कहता है। देन उसे चिशी के बारे में पूछता है कि वहाँ पर उसे काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इस पर सेक्रेटरी उसे बताता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर मैंने नोटिस किया कि वो काफी टाइम से कहीं खोई खोई से रहती है, जैसे वो किसी को मिस कर रही हो। तो सेक्रेटरी कहता है कि शायद वो आपको मिस कर रही है। जिसन सोंगा तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि क्या सच में। देन वो स्माइल करते हुए कहता है कि फिर तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो चिशी से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ तो चिशी तो सच में अभी भी सोंगा के बारे में ही सोच रही थी एंड कंफ्यूज थी कि क्या सच में सोंगा की फीलिंग्स मेरे लिए रियल है। देन वो खुद ही कहती है कि पर उसने तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तभी वहाँ पर चिंतियन आ जाता है, तो चिशी उसे कुछ ज्वेलरी डिजाइन दिखाने लग जाती है और तभी वहाँ पर सोंगा भी पहुँच जाता है, जो उसे देखकर कहता है कि आखिर ये चिंतियन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसे पता चलता है कि चिंतियन ही चिशी का दोस्त है। तो चिंतियन उसे पिछली बार की फोन कॉल के लिए माफी मांगता है कि वो थोड़ी जल्दी में था इसलिए उनकी बात नहीं हो पाई, तो वो लोग फिर से उस बारे में बात कर सकते हैं। तो सोंगा उसे कहता है कि अभी वो कंपनी के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अभी अपनी वाइफ के साथ लंच करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो चिशी को लेकर लंच करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो तो फुल जेलसी मोड में था। उससे पूछता है कि वो चिंतियन को कैसे जानती है। तो चिशी उसे बताती है कि वही था जिसने पार्क में चैनचैन को ढूंढा था और तब से ही हम लोग दो तीन बार और मिले और हमारी दोस्ती हो गई। जो सुन सोंगा तो जेलस होता है और चिंतियन के बारे में बुरा कहने लग जाता है। तो चिशी उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, पर सोंगा कुछ भी नहीं कहता, लेकिन चिशी समझ जाती है उसका फेस देखकर कि वो अभी जेलस है। तो सोंगा कहता है कि वो कल शॉपिंग करने जाने वाला है, इसलिए वो चिशी को गिफ्ट खरीदने में उसकी हेल्प करने के लिए बुलाता है और कल शॉप पे जाने से मना करता है। तो चिशी गिफ्ट खरीदने का रीजन पूछती है, जिस पर सोंगा उसे बताता है कि उसके एक दोस्त का बर्थडे है
जिस पर चिशी कहती कि तुम तो जाकर खरीद सकते हो और वैसे भी मुझे अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है, इसलिए मैं कल शॉप से छुट्टी नहीं ले सकती। जिस पर सोंगा कहता है कि लेकिन तुम तो उस चिंतियान को गिफ्ट चूज करने में उसकी हेल्प कर रही थी और उसे कितने डिटेल में बता रही थी, तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर चिशी कहती कि वो तो बस मेरा काम है। जिस सोंगा को उस चिंतियान पे गुस्सा भी आ रहा था, वो जेलस भी हो रहा था, इसीलिए उसका खाने का मूड ही चला जाता है। वो चिशी को ऑफिस का काम बताकर चला जाता है, लेकिन सोंगा ने इतना सारा महंगा खाना जो ऑर्डर किया था उसे चिशी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सोंगा ने थोड़ा सा भी नहीं खाया था, इसीलिए वो सारा खाना पैक करा लेती है। वहीं इधर सोंगा तो ऑफिस में जिन से कह रहा होता है कि वो चिंतियान की हेल्प कर सकती है लेकिन मेरी नहीं, लेकिन जिन तो अपने ही गम में डूबा हुआ था, तो वो भी उसे अपनी दुख भरी लव स्टोरी सुनाता है किस तरह से उसे लीशन ने रिजेक्ट किया, जबकि उसने तो सब कुछ लीशन को खुश करने के लिए किया था। जिन सैड होकर बताता है कि उसका ख्याल तो मेरे दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा, हर वक्त मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, तो उसे मेरी फीलिंग समझ क्यों नहीं आती। सोंगा भी उससे काफी रिलेट कर पाता है क्योंकि उसकी भी हालत अभी थोड़ी वैसी ही है। तभी जिन को सोंगा की लव डेप्स वाली बुक मिल जाती है, इसमें सोंगा ने बहुत सारी लाइन्स मार्क कर रखी थी, जो तक जिन से कहता है कि क्या तू ये सब पढ़ के ट्राई कर रहा है। सोंगा तो पहले बहाने माने लग जाता है कि ये किताब तो मेरी नहीं है, ये तो सेक्रेटरी की है। जिन कहता है कि अब ज्यादा बन मत, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, पर चिंता मत कर, मैं तेरी भी हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर वो उसके लिए उस बुक में से काफी अच्छे अच्छे टिप्स पढ़ के बताता है, जो सोंगा को काफी पसंद आता है। तो वो चिशी के साथ घर लौट आता है, जहाँ वो तो उसे प्यार से होल्ड करता है। तभी चिशी देखती है कि रूम में से तो सोफा गायब हो चुका है, तो वो सोंगा उसे सोफे के बारे में पूछती है। इस पर सोंगा बहाना मारते हुए कहता है कि कल रात मेरे सोने की वजह से थोड़ी डैमेज हो गई थी, इसीलिए मैंने रूम से निकाल दिया। इस पर चिशी उसे कहती कि फिर तुम सोओगे कहाँ। सोंगा बेड की ओर इशारा करता है। इस पर चिशी कहती वहाँ पर तो मैं सोऊंगी, देन उसे फ्लोर की ओर इशारा करती है। सोंगा कहता है मैं नीचे नहीं सोने वाला, इसीलिए दोनों बीच में एक टॉय रख देते हैं, जो सोंगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे जुन का टिप्स याद आता है कि तुम्हें उसे अप्रोच करने के लिए पहले उसे थोड़ी सिंपैथी हासिल करनी होगी और उसे अपनी केयरिंग दिखानी होगी। इसीलिए सोंगा थोड़ा टोन डाउन करके कहता है कि चिशी मुझे तुम्हारी काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज लूसी के शॉप में काम मत करो। चिशी पूछती कि क्या लूसी की वजह से। सोंगा कहता है वो तो है ही, मगर एक और रीजन है, मगर बताने से पहले उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। चिशी कहती कि आखिर इससे और किस बात की टेंशन हो रही है, या फिर इससे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। लेकिन वो अपने ये सारे थॉट्स बंद करके काम के बारे में सोचने लगती है और अगले दिन से ही शॉप पर वो मन लगाकर काम करने लग जाती है, जिससे वो तो काफी अच्छी सेल्स करती है। और लूसी ने उसे जो सेल्स टारगेट दिया था वो उसके काफी करीब भी पहुंच चुकी थी। लेकिन इधर चिंतियान ने मॉलिन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक बंदे के साथ कुछ तो सेटिंग किया था, जिस पर वो कहता है कि दो दिन बाद सोंगा के साथ कुछ तो बड़ा होने वाला है। इधर सोंगा चिशी को पिक करने चाहता है, मगर चिशी कहती कि अभी उसे ओवरटाइम वर्क करना होगा उसकी सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए। सोंगा उसकी हेल्प करने की बात करता है, जिस पर चिशी कहती कि अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो तुम जल्दी से घर चले जाओ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। इसीलिए सोंगा को अकेले ही घर जाना पड़ता है। अब बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, जो बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हुए खेल रहे थे, इससे सोंगा तो परेशानी हो गया था, इसीलिए वो उन्हें थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहता है। मगर ये दोनों तो अपने डायनासोर डॉल के साथ खेलने में बिजी होते हैं, जो चंचन के पास थी। इसीलिए श्वान श्वान भी डैड से कहने लग जाती है कि मुझे भी एक डायनासोर टॉय चाहिए। इसके बाद तो ये दोनों सोंगा को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं, जिससे सोंगा को एक आइडिया आता है। इसीलिए वो चिशी को कॉल करता है कि श्वान श्वान डायनासोर टॉय लाने की जिद कर रही है, इसीलिए वो अभी उसे लेकर आने के लिए कहता है। लेकिन चिशी अभी काम में बिजी होती है, इसलिए वो उन्हें संभालने के लिए कहकर कॉल काट देती है। तो ये दोनों फिर से खेलने लग जाते हैं। सोंगा उन्हें सोने जाने की बात करता है, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि अभी उन्हें नींद नहीं आ रही है, अभी तो वो लोग खेलेंगे। इससे सोंगा की परेशानी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। हॉल रूम की हालत तो इन लोगों ने खराब कर ही दिया था। सोंगा उन्हें उनके बेडरूम ले जाता है, वो लोग वहाँ पर भी उछल कूद करके रूम की हालत ही बिगाड़ देते हैं। ऊपर से चिंचन तो बेड पर जूस भी गिरा देता है, जो सोंगा के ऊपर आकर भी गिरते हैं। अब वो परेशान तो बहुत हो रहा था, मगर वो बच्चों पे गुस्सा भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो फिर चिशी को कॉल लगाता है और बताता है कि चंचन ने बेड को गंदा कर दिया और अब ये लोग मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, इसीलिए प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन शॉप पर फिर से कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं, इसीलिए चिशी उन्हें सुलाने के लिए कहकर कॉल काट देती है। तो सोंगा उन्हें सुलाने के लिए डरावनी कहानी सुनाने लग जाता है, जो सुन श्वान श्वान को तो डर लग रहा था, इसीलिए वो फिर से चिशी को कॉल करता है और बताती है कि श्वान श्वान को बहुत डर लग रहा है। ये बात वो श्वान श्वान से भी कहलवाता है ताकि चिशी जल्दी से घर वापस आ जाए। तो कुछ देर बाद चिशी घर वापस आ जाती है, तब तक सोंगा ने दोनों बच्चों को सुला दिया था। तो चिशी अपने रूम में सोने के लिए आ जाती है, जहाँ सोंगा ने उसके साइड पर एक ग्लास गर्म दूध रखा था, जिसके लिए वो सोंगा को थैंक यू कहती है। तो सोंगा उसके लिप्स पर से मिल्क लेयर साफ कर देता है, जिससे दोनों थोड़े करीब आते हैं। वहीं एक दूसरे की आंखों में देखकर थोड़े खुश हो जाते हैं। अब रोमांटिक मोमेंट बनी रहा था, तभी टॉय के ऊपर हाथ पड़ने की वजह से टॉय में से आवाज निकलती है, जिससे उनके रोमांटिक मोमेंट का बैंड बज जाता है। तो सोंगा कहता है कि ये टॉय बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए वो टॉय को हटा देता है। मगर चिशी तो टॉय लेकर ही सो जाती है, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। अब सोंगा इस बार भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता और उसे नहीं जगाता, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। पर अगले दिन सोंगा के ऑफिस में हंगामा हो जाता है, कुछ लेबर्स आकर उनकी मजदूरी देने का डिमांड करने लग जाते हैं, और ये सब चिंतियान के प्लान का ही हिस्सा था, जिसने
उसने मालून के एक डायरेक्टर के साथ मिलकर ये काम करवाया था। अब सौगान ने तो पहले ही वर्कर्स का बिल पास करवा दिया था, इसलिए वो उन मजदूरों को समझाने के लिए आता है। अब चिंतिया ने यहाँ पर रिपोर्टर्स भी बुला लिए थे। वही तो चिशी को भी इन सब के बारे में पता चलता है। मालून आने के लिए भागती है। इधर सौगा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वहाँ पर चिशी भी भागते हुए पहुँचती है और वर्कर्स को समझाने लग जाती है, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, सौगा कभी ऐसा नहीं करेगा। तभी वर्कर्स में से कोई चिशी को एक बॉटल फेंक कर मारता है, मगर चिशी फिर भी उन्हें समझा रही होती है। पर वर्कर्स तो गुस्से से स्टील बाल्टी उनके और फेंक देता है, लेकिन सौगा चिशी को बचा लेता है, मगर उसके हाथ पर चोट लग जाती है। वहीं तो चिंतियान के साथ जो लोग मिले हुए थे, चिंतियान उन्हें रिजाइन देने के लिए कह देता है। चिशी को सौगा के चोट की काफी फिक्र हो रही थी, तो उस चोट को देखकर वो तो रोने ही लग जाती है। वहीं सौगा उसे थोड़ा डांटने लग जाता है कि आखिर वो ऐसे कैसे उनके सामने आ सकती है बिना कुछ सोचे समझे, अगर कुछ बड़ा हो जाता तो। चिशी रोते हुए कहती कि उसे सौगा की बहुत फिक्र हो रही थी। जो सुन सौगा उसके आंसू पोंछता है और आखिरकार उसे किस करता है, जिससे चिशी तो पहले शॉक्ड हो जाती है, पर सौगा अब अपने फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने किस के जरिए अपनी फीलिंग्स को समझा ही दिया था। अब इनका रोमांस चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर सेक्रेटरी नॉक करता है, तो वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और एकदम प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो चिशी वहाँ से बाहर निकलने के बाद तो ब्लश कर रही थी, तो सेक्रेटरी आकर उसे एम्प्लॉइज के रेजिग्नेशन की बात बताता है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इसीलिए सौगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोच रहा था। इधर चिशी पर अटैक वाली वीडियो देखकर लेशिन तो उसके पास भाग कर आती है, जहाँ उसे सही सलामत देकर वो काफी खुश होती है। लेकिन चिशी तो अभी भी ब्लश कर रही थी उस किस के बारे में सोचकर, तो बातों ही बातों में लेशिन को जिनका ख्याल आता है, लेकिन वो अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उससे थोड़ी नाराज थी। तो चिशी उसे समझाती है कि वो तो तुम्हें खुश करना चाहता था, मगर उसे पता नहीं था कि तुम्हें इससे बुरा लगेगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता, और मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। इस पर लेशिन कहती है वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो उससे अभी थोड़ा नाराज है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन लेशिन तो प्यार के बारे में ही बात करने लग जाती है। इस पर चिशी तो सौगा के बारे में ही सोचने लग जाती है। लेशिन प्यार के बारे में बात कर रही थी, तो चिशी उसे टिप्स मांगती है सौगा को अप्रोच करने के लिए, ताकि दोनों क्लोज आ सके। इस पर लेशिन उसे रोमांटिक ड्रामास दिखाने लग जाती है कि किस तरह से उसे सौगाओ के साथ बातें करनी है, आई कांटेक्ट करना है। चिशी तो ड्रामे में सौगाओ के साथ अपने आप को इमेजिन करने लग जाती है, लेकिन वो ये सब सोचकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। लेशिन उसे बिल्कुल इसी तरह से करने के लिए कहती है, और अगर उसे नर्वस फील हुआ तो उसे थोड़ी वाइन पी लेने के लिए कहती है। तो चिशी रात को घर पहुँच कर लग जाती है काम पे, जहाँ वो सौगाओ से पूछने ही वाली उसके फीलिंग्स के बारे में, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, इसीलिए वो एक बॉटल वाइन पी जाती है, फिर थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने लग जाती है। तो सौगाओ के आने के बाद उस ड्रामे की तरह 45 डिग्री अपना सर ऊपर उठाती है और 5 सेकंड तक उसे देखने के बाद उसके हैंडसमनेस पे तो खो ही जाती है। सौगा को तो वाइन की स्मेल आ जाती है, पूछने पर वो बताती कि बस थोड़ी सी पी है। देन ड्रामे की तरफ फिर से 5 सेकंड देखने के बाद वो उसे सोफे पर गिराती है और उसे रोमांटिक बातें करने लग जाती है। तो उसकी बातें सुन सौगा कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए अगली बार से ज्यादा मत पीना। ये कहकर उसे उठाकर बेड पर सुलाने के लिए जाता है, मगर चिशी तो उसे होल्ड कर लेती है और उसे किस करने जाती है। जो देख सौगा पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। चिशी कहती है हाँ मुझे पता है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। देन उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। जो सुन सौगा तो थोड़ा शॉक्ड होता है, मगर उसके कुछ जवाब देने से पहले ही चिशी टल्ली होकर सो जाती है। तो सौगा उसे देखकर स्माइल करता है, पर अगली सुबह चिशी को जब ये सब कुछ याद आता है तब तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग फील होता है। इधर जुन भी लेशिन को मनाने में लगा हुआ था, इसके लिए वो भी लव टिप्स वाली किताब पढ़ रहा था और किंडरगार्टन के बाहर आया हुआ था, जहाँ उसे चिंचन को देखकर एक आइडिया आता है। वहीं तो सौगा चिंतियान के साथ मीटिंग करने गया था, जहाँ चिंतियान ने तो उसे एक लोकल फूड शॉप में बुलाया था, और जैसा चिंतियान ने सोचा था मार्केटिंग डायरेक्टर के रिजाइन करने के बाद सौगा उसे एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर ही कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं तो जुन चिंचन के साथ डील करता है कि आज उसे टीचर लेशिन के सारे फेवरेट चीजों के बारे में पता करना है, जिसके लिए वो उसे एक टॉय गिफ्ट करता है। तो हमारा जासूस चिंचन लग जाता है काम पर, लेशिन को फॉलो करते हुए उसे काफी सारी बातें पता चलती है, लाइक लेशिन को छोटा भाई पसंद है। वहीं एक बच्ची ग्रीन सब्जी नहीं खा रही थी, तो लेशिन उसे ग्रीन सब्जी खाने का इम्पोर्टेंस बताती है, और ये भी कि मुझे ग्रीन सब्जियां खाना बहुत पसंद है, जिससे चिंचन को लगता है कि लेशिन को ग्रीन चीजें पसंद है। इसके बाद वो उसे बात करते हुए सुनता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो ये सारी बातें जाकर जुन को बताता है। तो जुन टीनेजर की तरह ड्रेसअप होकर आ जाता है, वही हाथों में बहुत सारी ग्रीन चीजें भी लेकर आया था। तो वो सीधे लेशिन के पास जाता है और उसे सिस्टर सिस्टर बुलाने लग जाता है। लेशिन उसे पूछते है कि हेलो कौन है तुम्हारी सिस्टर, तो जुन उसे उसके सारे लाए हुए ग्रीन चीजें दिखाने लग जाता है। उसने तो लिपस्टिक तक ग्रीन लेकर आया था, जो सब देखकर लेशिन एम्बैरस होकर उसे बाहर खींच कर ले जाती है, जहाँ उसे पूछती कि आखिर उसे ये सब करने के लिए किसने कहा। तो जुन उसे सब कुछ सच बता देता है कि मैंने चंचन से इन सब के बारे में पता किया था। तो जुन उसे यहाँ पर फिर से कन्फेस करता है, बताता है कि वो सच में उसे लेकर सीरियस है, इसलिए प्लीज मुझे एक चांस दो। लेकिन लेशिन तो उसे रिजेक्ट कर देती है, बताती है कि उसे अब प्यार व्यार पे भरोसा नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और चिशी को जाकर ये सब बताती है। चिशी भी उसे बताती कि वो सच में तुम्हें लेकर सीरियस है और जुन एक अच्छा लड़का है, इसलिए तुम्हें अब अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और जुन को एक चांस देकर देखना चाहिए। पर असली बात तो ये थी कि
लिशन अभी भी उसके उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। तो लिशन कहती कि अगर मैंने जुन को एक्सेप्ट कर लिया और तब अगर वो वापस आ गया तो चिशी कहती कि तुम उस धोखेबाज के लिए मूव ऑन क्यों नहीं करना चाहती। इस पर लिशन कहती कि अगर चंचन की मॉम वापस आ गई तो क्या तुम्हें लगता है कि सोंगा की फीलिंग्स नहीं बदलेगी। अब ये कहने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो चिशी से रोते हुए सॉरी कहने लग जाती है कि वो ये बोलना नहीं चाहती थी। तो चिशी उसे कंसोल करते हुए कहती कि कोई बात नहीं। अब चिशी चंचन की मम्मा के बारे में सोचना तो नहीं चाहती थी मगर एक पल के लिए उसे उसका ख्याल आता है। लेकिन वो उसे अपने दिमाग से हटाकर कल रात के बारे में सोंगा से बात करना चाहती थी पर वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी इसीलिए वो थोड़ी प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी सोंगा वहाँ पर आता है तब तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। सोंगा उसे कल रात के बारे में बात करने ही जा रहा था। चिशी कहती कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं पर फिर हिम्मत करके पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हें मैंने कल रात कुछ पूछा था। सोंगा जानबूझकर पूछता है कि क्या पूछा था। इस पर चिशी तो उसे बता ही नहीं पा रही थी तो वो टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है कि तुमने मुझसे शादी करने के बारे में कैसे सोचा। जो सुन सोंगा तो बहुत नर्वस हो गया था क्योंकि उसने शादी तो शॉन शॉन की कस्टडी पाने के लिए किया था पर अभी तो वो चिशी को लाइक करने लगा है। लेकिन सोंगा उसे सच्चाई नहीं बता पाता और उठकर बाहर चला जाता है जिससे चिशी सोच में होती है कि सोंगा सच में मुझे लाइक करता है या फिर नहीं। तो अगले दिन भी वो इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होती है। तभी मिस यू यहाँ पर फिर से कुछ खरीदने के लिए आती है तो चिशी उन्हें एक डायमंड रिंग सजेस्ट करती है पर मिस यू के स्किन टोन के हिसाब से अगर रिंग में थोड़े से चेंजेस होते तो वो मिस यू पर बहुत अच्छा दिखता और ये बात मिस यू को भी काफी अच्छी लगती है इसलिए वो उस रिंग पर थोड़े चेंजेस करने के लिए कहती है। तो वो इस बारे में स्टोर मैनेजर से बात करने जाती है। लूसी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि रिंग्स को डिजाइनर के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता लेकिन मिस यू को तो उसमें चेंजेस कराने ही थे। तभी वो इसे खरीदती। तभी यहाँ पर चिंतियान आ जाता है जो अब मॉरिन का मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया था और वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। तो यहाँ पर मिस यू अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है। इस पर चिंतियान तो चिशी को उस रिंग को रीडिजाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसे तो पता ही था कि चिशी कितनी अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर है। अब मिस यू को भी चिशी पर भरोसा था इसीलिए लूसी उसे कहती कि ठीक है फिर तुम इसे रीडिजाइन कर सकती हो मगर याद रखना इसकी प्राइस क्या है जो कि 35 लाख युआन थी। अब आज चिशी के प्रोबेशन पीरियड का आखिरी दिन था तो लूसी उसे कहती कि आज के तुम्हारे परफॉर्मेंस पर ये फैसला होगा कि तुम यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बनती हो या नहीं। तो उस रिंग को रीडिजाइन करने के लिए उसे रात के 10 बजे तक का टाइम देती है। तो चिशी लग जाती है काम पर। वहीं इस बारे में जब सोंगा को पता चलता है तो वो चिशी के काम के लिए मॉल का एक रूम खुलवा देता है। अब चिंतियान भी उसके साथ ही था। वहीं जब सोंगा उसे चेक करने के लिए आता है तो चिंतियान को उसके साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि 30 लाख ऊपर की चीजों के डीलिंग के टाइम मार्केटिंग डायरेक्टर का वहाँ पर रहना जरूरी है इसीलिए वो यहाँ पर है। जो सुन सोंगा कहता है कि ये कितना बेकार रूल है। अब चिशी तो काफी देर तक मेहनत करने के बाद रिंग को रीडिजाइन कर लेती है। बस 5 मिनट बाकी थे तो वो भागकर पहुंच जाती है मिस यू के पास जिन्हें अब वो अंगूठी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है इसीलिए वो अब इसे खरीदने के लिए मान जाती है और इस तरह से वो यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाती है। लेकिन लूसी को तो अभी भी उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था इस वजह से उसे वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो अब चिशी तो इससे बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे अपनी ड्रीम की और पहली सक्सेस मिल गई है। इधर सोंगा को ये खबर मिलती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं से सेलिब्रेट करने के लिए वो चिशी को लेकर कैंडल लाइट डिनर पे जाने का प्लान करता है। अब चिशी काम खत्म करके बाहर आ रही थी तभी उसे चिंतियान मिलता है। तो चिशी उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उसके एनकरेज करने की वजह से ही चिशी को वो रिंग रीडिजाइन करने का मौका मिला। वहीं चिशी उसे ऐसे थैंक यू ट्रीट देने की बात करती है। वहीं मॉल के बाहर तो सोंगा उसका इंतजार कर रहा था और आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चिशी को अपनी फीलिंग्स बता देगा कैंडल लाइट डिनर पे। और इसी के साथ सोंगा ऑफिस के बाहर चिशी के आने का वेट कर रहा था लेकिन वो जब फोन पर किसी से बात कर रहा था तभी चिशी चिंतियान को ट्रीट देने के लिए ले जाती है। वहीं सोंगा तो उसका इंतजार बाहर ही करता रह जाता है। बहुत देर हो जाती है इसीलिए वो चिशी को कॉल करता है तो उसे बताती है कि वो तो अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई है। तो सोंगा पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर चिशी उसे बताती है कि मैं पिछली बार तुम्हें जहाँ पर लेकर आई थी वहीं पर हूँ मैं अभी। पर वो उसे घर जाकर बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है लेकिन सोंगा तो कॉल करके चिशी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं तो चिंतियान तो उसके साथ सोंगा के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है क्योंकि पिछली बार उसने बताया था कि चिशी का हस्बैंड उसे सपोर्ट नहीं करता। चिशी अपने मन में कहती कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि सोंगा के साथ मेरा रिलेशन कैसा है पर चिंतियान को वो कुछ नहीं बताती। तभी सोंगा वहाँ पर पहुँच जाता है जो चिंतियान को उसके साथ देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो तो चिशी का कब से इंतजार कर रहा था और यहाँ पर वो चिंतियान के साथ डिनर कर रही थी। चिशी बताती कि तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं था। लेकिन सोंगा तो चिंतियान पे ही गुस्सा करने लग जाता है जो देख चिशी को लगता है कि शायद वो जेलस है। तो सोंगा उसे अपने साथ ले जाने लगता है जहाँ वो तो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी रात को किसी और आदमी के साथ डिनर कैसे कर सकती हो क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। चिशी कहती वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसे डिनर पे इन्वाइट करना चाहती थी बस आज थोड़ी ज्यादा देर हो गई। सोंगा कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो फिर तुम हमेशा उसके करीब करीब क्यों घूमती हो। जिस दिन चिशी को अब गुस्सा आता है उसे पूछती है कि आखिर तुम अपनी इन बातों से मुझे कंफ्यूज करना बंद करो। चिशी पूछती है क्या तुम जेलस हो। सोंगा कहता है नहीं तो। तो चिशी आज उनके बीच सब कुछ क्लियर करना चाहती थी इसलिए वो उसे साफ साफ पूछती है कि हमारा रिश्ता कितना अजीब है ना। जब हमारी शादी हुई उस वक्त पहले मुझे लगा था कि तुम मुझे थोड़ा सा ही सही मगर लाइक करते होगे अगर वो भी नहीं तो कम तो मुझे लगता था कि शायद मैं तुम्हें अच्छी लगती होंगी पर वो सब कुछ तो तुम्हारे लिए फेक था ना। पर फिर भी तुमने मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया मुझे श्वान को एक्सेप्ट किया और हमारा ख्याल भी रखा। कई बार तुमने मुझे फील भी करवाया कि शायद तुम सच में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखते हो जिस वजह से मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हें अप्रोच करने का तुम्हारे करीब आने का मगर तुम्हारी ओर से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सोंगा थोड़ा शांत होकर उसे समझाने जाता है मगर चिशी अपने आप को उसे छुड़ाती है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे मेरी उम्मीद बढ़ जाती है पर मैं अब उन
छोटी उम्मीदों के सहारे नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो बस उससे एक जवाब मांगती है कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह है। सोंगा अभी भी कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो अभी भी गिल्टी फील कर रहा था उनकी शादी के बारे में सोचकर, क्योंकि उसने तो चिशी के साथ फेक मैरिज की थी। अब कोई जवाब ना मिलने पर चिशी वहाँ से सैड होकर चली जाती है, तो सोंगा भी सैड होकर जून के घर चला जाता है जहाँ वो उसे सब कुछ बताता है। इवन उसने पहले शादी क्यों किया था ये भी बता देता है कि उसने सिर्फ श्वान की कस्टडी पाने के लिए ही चिशी से शादी किया था। सोंगा कहता है कि उसे पता है कि उसने शुरुआत से ही चिशी के साथ गलत किया, मगर अब उसे रियलाइज हो गया है, मगर अब उसे चिशी के साथ उसके रिश्ते और उनकी शादी की बहुत फिक्र है। जून कहता है कि तुझे उससे प्यार हो गया है ना, तो फिर तू उसे बता क्यों नहीं देता, तू सारी पुरानी बातें भूल जा और बस उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। अब उसकी बातें सुन सोंगा को भी रियलाइज हो जाता है कि अब उसे चिशी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अगली सुबह जब वो घर पहुंचता है तो डू आंटी उसे बताती है कि चिशी तो सुबह सुबह ही बैग पैक करके साउंड ब्रिज की ओर गई है। अब सोंगा को उसकी फिक्र होती है इसीलिए वो उसे कॉल लगाता है, पर चिशी का कॉल नहीं लगता तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो चिशी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं चिशी पहाड़ के ऊपर साउंड ब्रिज की ओर जा रही थी, मगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं था और रास्ता आगे जाम था। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो वहीं जा रहा था और उसे एक शॉर्टकट रास्ता पता था, तो चिशी वहाँ तक जाने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, तो वो लड़का उसे अपने साथ ले जाता है, मगर रास्ते में तो वो उसके साथ बदतमीजी पर उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर सोंगा पहुँच जाता है तो उसे पीट कर भगा देता है। देन वो चिशी को कंपनी देते हुए ब्रिज की ओर जाने लगता है, पर चलते चलते तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तो वो लोग एक जगह रुकते हैं और थोड़ा खाना पीना करते हैं। सोंगा पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर जाना क्यों चाहती है, तो चिशी उसे बताती है कि उस जगह पर उसकी अपनी बहन के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो वो हर साल यहाँ पर आती है अपनी सिस्टर से बात करने। तो चिशी उसे बताती है कि साउंड ब्रिज पर उन्हें अपनी दिल की सच्ची बातें वहाँ पर बतानी चाहिए, तो वो बात उन तक जरूर पहुँचती है जिन्हें वो कुछ कहना चाहते हैं। तो चिशी उसे खास कर बताती है कि वहाँ पर किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन वो लोग ब्रिज पर पहुँच जाते हैं। इसके ऊपर चलने से सोंगा को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसे हाइट का डर था, तो चिशी उसे साइड में ही रुकने के लिए कहती है और वो ब्रिज के बीचों बीच जाकर अपनी सिस्टर का नाम पुकारने लग जाती है। चिशी उसे बताती कि वो यहाँ बहुत खुश है और श्वान भी अभी ठीक है, उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुली हो गई है और वो भी अब नॉर्मल बच्चों की तरह ही खेलने कूदने लगी है। उसकी बातों से तो हमें यही लगता है कि शायद श्वान उसकी सिस्टर की ही बेटी है एंड मे बी उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, पर जो भी सच है वो तो हमें आगे कहानी में पता चली जाएगा। तो चिशी को देखकर सोंगा भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और फाइनली वो चिल्लाकर अपनी दिल की बात बताता है कि वो चिशी को बहुत लाइक करता है और उससे शादी करके बहुत खुश है। जिस उनको चिशी उससे कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर झूठ मत बोलना। सोंगा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमने मुझे प्यार का एहसास कराया, तुमसे मिलने के बाद ही मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई, तुमने मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना सिखाया और फाइनली तुम जवाब चाहती थी ना। ये कहकर वो उसे अपने दिल की बात बता देता है और उनका यहाँ पर पैचअप हो जाता है। इधर जिन तो लेशिन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, मगर लेशिन तो उसे कोई भावी नहीं दे रही थी। इधर पहाड़ी इलाका होने की वजह से रात को बहुत तेजी से बारिश होने लगी थी। अभी लोग चल चल के बहुत थक चुके थे इसलिए ये लोग आराम कर रहे थे, मगर सोंगा इतने रोमांटिक माहौल को कैसे वेस्ट करता, इसलिए वो पहले बात शुरू करते हुए कहता कि मैं थका नहीं हूँ, मगर चिशी कहती कि वो बहुत थक चुकी है इसलिए वो सोना चाहती है। सोंगा कहता कि फिर मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ये कहकर वो उसके पैर दबाने लग जाता है। चिशी कहती है फिर मैं भी तुम्हारे पैर दबा दूंगी। अब ये करते करते माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है, तो सोंगा और टाइम वेस्ट नहीं करता और उनका रोमांस चालू हो जाता है। मगर रोमांस के बीच में उन्हें बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि स्टंट हाउस के अंदर पानी जा रहा था, तो ओनर आकर उनका दरवाजा नॉक करने लगा था, तो सोंगा को पानी रोकने के लिए जाना पड़ता है। मगर वो जाने से पहले चिशी को कहकर जाता है कि सो मत जाना, वापस आकर हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन चिशी तो सो जाती है। तो अगली सुबह वो दोनों चिशी के होम टाउन चले जाते हैं जो कि उस साउंड ब्रिज के थोड़े पास ही थी। अब पानी की वजह से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, तो मॉम डैड उन्हें फ्रेश होने के लिए भेज देते हैं, तो दोनों साथ में नहाने के लिए चले जाते हैं। अब चिशी के हस्बैंड से मिलने के लिए उसकी सारी आंटियां आ जाती है जो लोग यहाँ पर साथ में मसाले वगैरह भी बनाते हैं। इधर नहाने के बाद इनका रोमांस चल ही रहा था, तो चिशी इससे पहले पर्दे बंद करने के लिए कहती है। अब सोंगा सारे पर्दे बंद करने जा ही रहा था, पर्दे बंद करने से पहले ही उसे चिशी की एक आंटी बाहर बुला लेती है और उसे स्पाइसी मसाले बनाने के काम में लगा देती है। अब सोंगा तो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भाई को अपना रोमांटिक मूड हटाकर इस काम पे लगना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद चिशी उसे चेक करने के लिए बाहर आती है। सोंगा को इतने मेहनत से काम करता देखकर वो उसका मसाज करने लग जाती है। अब इतना काम काफी नहीं था तो उसे ससुर जी के साथ तीखे अचार बनाने के काम में लगना पड़ता है। अब ससुर जी तो उसे टेस्ट करने के लिए अचार खिला देते हैं जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, तो वो बहुत तेज खांसने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर चिशी भागते हुए यहाँ पर आती है और सोंगा को पानी पिलाने ले जा रही थी, तो उसे ले जाते हुए चिशी उसे लेक्चर दे रही थी कि उसे सोच समझ कर कुछ भी खाना चाहिए। तो सोंगा कहता है कि फिर तुम भी एक बार टेस्ट कर लो, ये कहकर उसे किस कर देता है, पर इस वजह से चिशी को भी जलन होने लग जाती है। तो दोनों पानी ढूंढने के लिए भागते हैं जहाँ पर ये दोनों तो पानी के साथ खेलने ही लग जाते हैं। इधर ऑफिस में चिंतियान एक और बड़े डायरेक्टर से मिलकर उनके ब्रांड के लिए एक स्पोक्स पर्सन हायर करने का फैसला करते हैं, जहाँ पर चिंतियान किसी जिनशी नाम के एक फेमस सेलिब्रिटी को स्पोक्स पर्सन बनाने की बात कर रहा था और कहता है कि वो यहाँ आकर कुछ तो हंगामा करने ही वाली है। यानी कि जिनशी को स्पोक्स पर्सन हायर करना चिंतियान के ही प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद हम जिनशी को देखते हैं जो अब्रॉड से चाइना 5 साल बाद आई है। वो एक काफी फेमस सेलिब्रिटी है जो आती है अपने ड्राइवर से कहती है कि उसने बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने वगैरह
ले लिया है ना। तो ड्राइवर बताता है कि जैसा आपने कहा था, मैंने 5 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है। इस पर जिनशी कहती है कि चिंचिन तो अभी बहुत बड़ा हो गया होगा ना, तो वो मुझे देखकर काफी खुश होगा। ये कहकर वो अपने फोन के वॉलपेपर को देखती है, जिसमें हम देखते हैं कि जिनशी के साथ सॉन्ग हाउ की एक पिक्चर होती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 का एंड यहीं पर होता है। तो आखिर ये जिनशी है कौन, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। मैं जो लिशिन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करके लंच में इन्वाइट करता है, तो लिशिन जाकर उससे कहती की आज छुट्टी थी इसलिए वो आ गई, वरना वो तो नहीं आने वाली थी। अब जुन ने यहाँ पर अपने कुछ फीमेल फ्रेंड्स को बुलाया था ताकि लिशिन को थोड़ी सी जेलस फील करा सके, मगर लिशिन पे तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो लड़कियाँ तो लिशिन के साथ दोस्ती कर लेती है। वहीं तो सॉन्ग और चिशी डिनर करने के बाद सोने के लिए रूम में आते हैं, जहाँ चिशी को तो अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो दोनों सच में साथ है। तो सॉन्ग उसका हाथ अपने फेस पर टच करा कर कहता है कि ये सच है और हम दोनों अब हमारी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहेंगे। तो फिर से इनमें रोमांटिक मोमेंट बनता है। दोनों किस करने जा रहे थे कि चिशी उसे रोक देती है और उसे कहती कि क्या वो आज उसके डैड के रूम में सोने के लिए जा सकता है, क्योंकि उसे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसके मॉम डैड भी पास ही के रूम में है। तो सॉन्ग तो सच में स्टार्ट होकर जाने लगा था, मगर चिशी तो उसे खुद ही जाने से रोक लेती है एंड फिर से उनका रोमांस चालू हो जाता है। इधर लिशिन के साथ उन लड़कियों की तो अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिस वजह से जुन की फ्रेंड्स ही जुन का मजाक बना देती है। तो चिशी उसे डिनर कराने के लिए थैंक यू कहते हैं, बाइक लेकर निकल लेती है। तो जुन अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि यार तुम लोगों को मैंने किस लिए बुलाया था और तुम लोगों ने तो मेरी ही बेइज्जती कर दी उसके सामने। तो वो लोग कहते हैं कि लिशिन कितनी अच्छी लड़की है, अगर तुम उसे सच में चाहते हो तो अगली बार से ऐसी चीप हरकतें मत करना, जिसके बदले तुम उसे अपनी फीलिंग्स जाकर बता दो। मगर इन्हें क्या पता कि जुन तो लिशिन से 2-3 बार रिजेक्ट हो चुका है। वहीं इधर लिशिन तो अपने घर आकर सच में जुन पर गुस्सा उतार रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ वो दोनों ही डिनर पे होंगे। जो सुनो में तो यही समझ आता है कि लिशिन सच में थोड़ी सी जेलस थी। इधर सोंगहा को रात में सपना आता है कि उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा रहे हैं, जिनके जाने पर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, अकेला पड़ जाता है। लेकिन तभी उसके सपने में चिशी आती है, जो उसे कहती कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दिन तुम्हें अपनी खुशियाँ जरूर वापस मिलेंगी, जो की अब सोंगहा को मिल चुका है। तो इस सपने का मतलब वही था कि जो खुशियाँ सोंगहा की जिंदगी से गायब थी वो अब उसे चिशी और बच्चों के आने से वापस मिल गई है। तो अगले दिन ये दोनों शहर वापस जाने वाले थे, इसीलिए चिशी के मॉम डैड उनके यहाँ के बहुत सारे स्पेशल फूड्स उनके लिए पैक कर देते हैं और चिशी के आंटी की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट के बारे में उन्हें बताते हैं, जो कि एक बतख होता है। तो सोंगहा उसे पकड़ने में लगा हुआ था, लेकिन वो तो उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। तब बतख तो उस पर उड़कर झपटे मारने लग जाती है, जिससे सोंगहा तो भागने ही लग जाता है। भागते हुए वो चिशी के पीछे छुप जाता है। तो चिशी बतख की आवाज निकाल कर बतख को शांत कराती है, जिसके बाद ये लोग अपना सारा सामान कार में पैक करते हैं और शहर जाने की तैयारी करते हैं। तो सोंगहा चिशी को कार में बैठने के लिए कहता है और उसके मॉम डैड को थैंक यू कहता है चिशी को अपनी जिंदगी में आने देने के लिए, कहता है कि वो उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। देन वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में चिशी उसे रिंग दिखाती है जो उसे उसके मॉम ने दिया था। तो ये दोनों एक दूसरे को वो रिंग्स पहनाते हैं एंड घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों घर पहुँचते हैं तो बच्चे उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बताते हैं कि उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया। वहीं चंचन अपनी मम्मा को बताता है आप नहीं थी इसीलिए मैं श्वान को कहानी पढ़ के सुनाता था और उसे सुनाने के बाद ही मैं सोता था ताकि आपको हमारी फिक्र ना हो। जो सुन चिशी तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। तभी ग्रैंडपा भी आते हैं, जिन्हें बतख की आवाज सुनाई देती है। चिशी बताती कि वो मेरी आंटी की तरफ से गिफ्ट है। तो दोनों बच्चे उसे देखने के लिए भागने लग जाते हैं, तो उनके पीछे चिशी भी जाती है। वहीं ग्रैंडपा सोंगहा को बताने जाते हैं कि वो वापस आ गई है। सोंगहा पूछते हैं कौन, लेकिन ग्रैंडपा उसे अभी नाम नहीं बताते, तो उसे फ्रेश होकर सोने जाने के लिए कह देते हैं। अगली सुबह सोंगहा और चिशी को उसी लोकल स्ट्रीट मार्केट में ब्रेकफास्ट कराने ले जाता है, जहाँ पर दोनों काफी एंजॉय करते हुए खाना खाते हैं। देन चिशी को काम पर जाना था, लेकिन अभी थोड़ा टाइम था, इसीलिए सोंगहा उसे अपने ऑफिस ले आता है, जहाँ पर ऑलरेडी जुन रिलेशन टिप्स का बुक पढ़ रहा था। लेकिन इन दोनों ने तो उसे नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि वो चेयर उल्टी करके बैठा हुआ था। अब चिशी को 5 मिनट में यहाँ से निकलना था, इसीलिए सोंगहा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे किस करने जा ही रहा था। जो देख जुन तो खांसने लग जाता है, उसे अचानक से देखकर ये दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। जुन कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बिना बताया आ गया, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं देखा। चिशी जल्दी से वहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों तो गप्पे मारने बैठ जाते हैं। सोंगहा उसे अब थोड़ा ऑफिस का काम भी सीख लेने के लिए कहता है, लेकिन जुन तो बहाने करने लग जाता है, क्योंकि भाई को तो लिशिन के बारे में सोचने में ही फुर्सत नहीं है। वहीं इधर किंडरगार्टन में चंचन और श्वान नोटिस करते हैं कि आज लिशिन मैडम तो उनके रेगुलर डांस स्टेप्स में तो बहुत गलती कर रही है। तो ये दोनों सोचते हैं कि शायद वो थोड़ी परेशान होंगी। तो चंचन इस बारे में जल्दी से जुन को कॉल करके बताता है, लेकिन जुन को लगता है कि चंचन तो बस मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहकर कॉल काट देता है। तो सोंगहा और जुन को अपने साथ एक मीटिंग पे ले जाता है, जो कि चिंतियान और उसके पार्टनर डायरेक्टर ने बुलाया था, जहाँ पर चिंतियान तो जिनशी को स्पोक्स पर्सन बनाने के बारे में कहता है, क्योंकि वो अभी अभी पूल गेम्स में वर्ल्ड चैंपियन बनी है एंड वो अभी इंटरनेट पे सेंसेशन बनी हुई है। अब सोंगहा तो इसके लिए मना कर रहा था, पर क्योंकि चिंतियान मार्केटिंग डायरेक्टर था, इसीलिए उसके पास ब्रांडिंग से रिलेटेड फैसले लेने का ज्यादा पावर था। तो वो उस दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर एक शेयर होल्डर मीटिंग बुलाने की बात करता है, जिसमें इसके बारे में वोटिंग किया जाएगा। तो सोंगहा को इस बात को मानना ही पड़ता है। चिशी घर में खाना वाना बना रही होती है, तभी सोंगहा भी पहुंचता है ग्रैंडपा के पास आकर बैठता है। मगर तभी टीवी पर जिनशी के मैच की हाइलाइट्स चालू हो जाती है, जिसमें वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। अब चिशी की भी नजर उस पर जाती है, वो तो उसे देख काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती है कि उनके देश की एक लड़की वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो ग्रैंडपा जल्दी से चैनल चेंज कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जिनशी को देखने के बाद सोंगहा के फेस के एक्सप्रेशंस भी गायब हो गए थे। तो वो फ्रेश होने का कहकर अपने रूम में चला जाता है।
और वहाँ अपने लैपटॉप पे जिनची के बारे में नेट पर सर्च करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो चाइना वापस आ गई है। जो देख सोंग हाओ खुश नहीं होता, जहाँ वो अपने आप से कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस क्यों आई है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पास्ट की वजह से मैं अपनी प्रेजेंट फैमिली पर कोई इफेक्ट पड़ने नहीं दूंगा, सोंग हाओ ये डिसाइड कर लेता है। अब एग्जैक्टली सोंग हाओ और जिनची के बीच क्या हुआ है वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जिनची अकेले गार्डन में बैठी हुई होती है, तभी सोंग हाओ आता है उसके साथ सूप पीने लग जाता है। तो दोनों यहाँ पर भी काफी मस्ती करते हैं, मगर इन्हें नहीं पता कि आगे चलकर इनकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स आने वाली है। शुरुआत होती है अगली सुबह से, जहाँ ग्रैंडपा बत्तख को खाना वाना खिलाने के लिए आते हैं। वहीं तो चिशी सोंग हाओ को मॉर्निंग किस देकर जगाती है, जिसके बाद दोनों ब्रश करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर भी उनका रोमांस चालू ही रहता है। फिर दोनों साथ में बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ चिशी लीशन को साइड में लाकर उसे बताती है कि उसने सुना कि हाउजन बहुत ही ज्यादा बीमार है। लीशन कहती कि अगर वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। चिशी कहती वो नहीं जाना चाह रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड सा लग रहा था। सोंग हाओ ने तो मुझे ये भी बताया कि अपने ट्रिप से आने के बाद वो अकेले ही स्की करने चला गया था, जहाँ के स्टाफ ने सोंग हाओ को बताया था कि जुन तो आधी रात को स्कीइंग करने के बीच में जोर जोर से रोने लग गया था और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी थी, इसीलिए वो बीमार पड़ गया है। सोंग हाओ ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी बात की, पर उसने सैड होकर मना कर दिया। मुझे लगता है कि शायद वो किसी वजह से डिप्रेस्ड है। अब लीशिन तो ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे जुन की फिक्र भी हो रही थी, मगर चिशी के सामने वो एक्सप्रेस नहीं करती। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद ही वो प्रिंसिपल से बहाना करके छुट्टी ले लेती है और जुन से मिलने के लिए चली जाती है। फिर चंचन सारे बच्चे जब क्लास में होते हैं, तभी टीचर अगर चंचन से कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी फैमिली से कोई आया है। चंचन कहता है कि मेरे मम्मा पापा तो अभी चले गए, क्या ग्रैंडपा मिलने आए हैं। टीचर बताते हैं कि नहीं तो वो कोई लेडी है। तो चंचन उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो तो जिनशी थी। तो चंचन जाकर उससे पूछता है कि वो है कौन। जिनशी उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके पास आकर कहती है काफी टाइम बाद हम मिले और तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो। चंचन पूछता है कि पर आप हो कौन। जिनशी कहती है कि 3 साल हो गए, इसीलिए शायद मैं तुम्हें याद नहीं, मगर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहकर वो उसे टॉय गिफ्ट करती है। जो देख चंचन कहता है कि आप मुझे किडनैप करना चाहती हो ना ये टॉय का लालच दिखाकर, पर मैं अभी कोई बच्चा नहीं हूँ इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकती। जिनशी कहती है कि मैं तुम्हें कैसे किडनैप कर सकती हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर अपना आईडी कार्ड देकर आई हूँ। तो चंचन पूछता है कि फिर आप किस इरादे से मुझसे मिलने के लिए आई हैं। तो जिनशी कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं। ये क्या कर वो उसे अपने साथ चंचन के 3 साल पुराने वाली फोटो दिखाती है, कहती है कि तुम्हें याद है तुम किस तरह से मेरे पीछे मम्मी मम्मी कहकर आते थे। लेकिन चंचन कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, आप मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम मेरे साथ है। ये क्या कर वो भाग जाता है। वहीं शॉप में चिशी और बाकी के स्टाफ जिनशी के बारे में ही बात कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो स्नूकर टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन बनी है। एक लड़की तो बताती है कि उसने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जिनशी ने 3 साल पहले अब्रॉड में स्नूकर टूर्नामेंट के ट्रेनिंग के लिए अपने फर्स्ट लव पर गिव अप कर दिया था। जो सुन दूसरी लड़की तो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसने अपने एथलीट बनने के सपने के लिए अपने फर्स्ट लव को भी सेक्रीफाइस कर दिया। अब चिशी भी उसकी तारीफ कर रही थी, तभी वहाँ पर लूसी पहुँच जाती है जो उन्हें यहाँ पर गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए डांटने लग जाती है, स्पेशली चिशी को जिनशी की तारीफ करने की वजह से। तो वो चिशी से पूछती कि क्या तुम्हें जिनशी के बारे में कुछ नहीं पता। चिशी पूछती कि क्या नहीं पता, तो लूसी उसे कहकर जाती है कि तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। मैं चिशी को तो समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। इधर जुन तो सच में बहुत बीमार था, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे बुला रहे थे, इसलिए वो कैसे भी करके उठता है और उनसे मिलने जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि लीशिन भी इसके घर तक पहुंच गई थी, मगर वो दरवाजे की घंटी नहीं बजा रही थी। अब उसे जुन की फिक्र तो थी, मगर वो अभी थोड़ा कंफ्यूज थी। अब काफी देर सोचने के बाद वो डोरबेल बजाने जाती है, मगर तभी जुन अंदर से दरवाजा ओपन करता है। अब वो अपने इस साल में भी दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था। अब अचानक लीशिन को अपने सामने देख कर जुन को तो वो हेलुसिनेशन लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तो लीशिन उसके कान पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और पूछती कि वो इस हालत में कहाँ जा रहा है। देन उसे रेस्ट करने के लिए बेड पर बिठा देती है। तो लीशिन उसके इस हालत के बारे में पूछती है। जुन कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, पर क्योंकि लीशिन को चिशी ने बताया था इसलिए वो समझ गई थी कि जुन उसकी वजह से ही स्कीइंग करते टाइम रो रहा था, जबकि जुन का तो रोने धोने का कोई सीन ही नहीं था। वो तो चिशी ने बस इन दोनों को क्लोज लाने के लिए झूठ कहा था, लेकिन लीशिन तो उसे सच समझकर इसकी केयर करने लग जाती है। तो जुन भी थोड़ा ज्यादा ही लाड़ में आ जाता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता क्योंकि ये पहली बार था जब लीशिन उसकी केयर कर रही थी। तो लीशिन उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है, देन उसका टेम्परेचर चेक करके उसके बॉडी पर गर्म पानी का सेंक लगाने लग जाती है। जो देख हमारा जुन तो बहुत ही सरप्राइजली हैप्पी होता है। इधर सेक्रेटरी सोंग हाओ को जिनशी के साथ होने वाली उसकी कोलेब्रेशन मीटिंग के बारे में बताता है। जब सोंग हाओ का मूड थोड़ा ऑफ सा लग रहा था, तभी सोंग हाओ पे गुस्सा करते हुए लूसी यहाँ पर आ जाती है, इसलिए असिस्टेंट उन्हें छोड़कर बाहर चला जाता है। अब लूसी उस पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वो जिनशी को ब्रांड स्पोक्स पर्सन बना रहा था। सोंग हाओ कहता है कि ये हमारी कंपनी का मैटर है। तो लूसी कहती कि क्या तुम भूल गए कि 3 साल पहले उसने तुम्हें कितना हर्ट किया था और तुम उसे अपनी कंपनी की स्पोक्स पर्सन बनाना चाहते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि लूसी सिर्फ सोंग हाओ को लाइक ही नहीं करती थी, बल्कि वो उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। 3 साल पहले
जब जिनची सोंगाओ को छोड़कर गई थी तब सोंगाओ बिल्कुल दिल टूटे आशिकों की तरह हो गया था और उसकी वो हालत लूसी से देखी नहीं गई थी और इसी वजह से वो जिनची से नफरत करती थी। सोंगाओ कहता है कि अब मैं मैरिड हूँ इसलिए अब मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो लूसी कहती कि फिर तुम उसे कंपनी की स्पोक्स पर्सन क्यों बना रहे हो, क्या तुमने चिशी की फीलिंग्स के बारे में सोचा है? मुझे तो पहले से ही डाउट हो रहा था कि तुमने जरूर चिशी से किसी और वजह से ही शादी किया है, पर वो बहुत भोली है इसलिए उसे धोखा मत देना, ये क्या कर चली जाती है। इसके बाद हम जिनची को देखते हैं जो कंपनी में आई थी मीटिंग करने के लिए, लेकिन सोंगाओ और जिनची एक दूसरे के आमने सामने से पार हो जा रहे थे। तभी जिनची उसे पहचान लेती तो उसका नाम लेती है। सोंगाओ रुकता है मगर उसकी ओर देखता भी नहीं। अब जिनची का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर वो लोग कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। सोंगाओ सेक्रेटरी से कहता है कि इन्हें मीटिंग रूम की ओर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ, ये कहकर वो चला जाता है। इधर चंचन तो घर में बहुत ही शांत बैठा हुआ था, तो श्वान उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन इसका भी मूड ऑफ था जिनची से मिलने की वजह से। तभी ग्रैंडपा आते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर उससे हुआ क्या। चंचन बताता है कि वो आज किसी से मिला था लेकिन वो ग्रैंडपा को यहाँ पर नहीं बताता और इस बारे में बात करने के लिए वो उन्हें गार्डन लेकर जाता है, जहाँ वो उन्हें सब कुछ बताता है कि एक आंटी आई थी मुझसे मिलने के लिए जिन्होंने मुझे उनके साथ मेरी बचपन की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं उन्हें मम्मा मम्मा कहकर बुलाया करता था, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था चिशी के लिए क्योंकि उसने बचपन में किसी और को मम्मा कहा था। जिस उन ग्रैंडपा से समझाते हैं कि तुम तब 2 साल के थे इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब ग्रैंडपा तो समझ जाते हैं कि जिनची उसके स्कूल आई थी इसीलिए वो चंचन से कहते हैं कि अगर वो दोबारा तुमसे स्कूल मिलने आई तो तुम इस बारे में अपनी मम्मा पापा और बहन को मत बताना, तुम मुझे आकर बताना। तो चंचन इसके लिए मान जाता है। इधर सोंगाओ मीटिंग के लिए पहुंचता है जहाँ पर वो जिनची से ऐसे बात करता है जैसे कि वो उसे पहचानता ही नहीं, इवन वो तो उसे अच्छे से हैंडशेक भी नहीं करता। देन वो उसे अपने कंडीशंस बता देता है कि जिनची को किसी भी ऑफलाइन प्रमोशन के लिए उसके कंपनी या फिर उसके कंपनी के किसी भी मॉल्स में किसी भी तरह की एक्टिविटीज में आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए ही सब कुछ काम करेगी। तो ये सब बताकर वो जाने लग जाता है। तभी जिनची उसे कुछ बात अकेले में कहने के लिए रुकने के लिए कहती है, लेकिन सोंगाओ बिजी है कहकर चला जाता है, इससे जिनची थोड़ी अपसेट होती है। इधर मिस यू वापस से शॉप पे आ जाती है जहाँ इस बार तो वो चिशी को एज ए डिजाइनर अपने फ्रेंड्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन करने का ऑफर देती है क्योंकि उसने जो रिंग डिजाइन किया था वो उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इसलिए वो उसे अपने फ्रेंड्स के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन करने का ऑफर देती है। अभी यहाँ पर लूसी आती है और उसकी बातें सुन लेती है, तो वो आकर मिस यू को सॉरी कहती है कि चिशी अभी बहुत बिजी होने वाली है क्योंकि वो अब फानी ज्वेलरीज की डिजाइनर है। जो सुन मिस यू के साथ साथ चिशी भी शॉक्ड होती है। मिस यू पूछती कि ये कब हुआ, लूसी बताती कि अभी अभी मैंने चिशी को प्रमोट कर दिया है और अब वो हमारी कंपनी की ऑफिशियल डिजाइनर है। जो सुनकर चिशी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, तो मिस यू यहाँ से निकल लेती है। चिशी को लगता है कि शायद लूसी ने मजाक किया होगा, लेकिन लूसी बताती कि यही सच है। जो सुन बाकी के स्टाफ तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं, वहीं चिशी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर जिन तो सीधे अगली सुबह सोकर उठता है तो उसे टेस्टी खाने की खुशबू आती है, इसलिए वो बाहर आता है जहाँ पर वो देखता है लेशी ने तो उसके लिए खाना बनाया था। वो अपने घर के चारों ओर देखता है कि लेशी ने तो उसके घर की अच्छी तरह से साफ सफाई भी कर दिया था, इवन उसके लिए फ्रूट सब्जी वगैरह भी खरीद कर लाई थी, तो वो उसके लिए सूप बना देती है। तो जुन उसके केयर करने के लिए उसे थैंक यू कहता है, तो लेशिन उसे सूप पीने के लिए देती है जो जुन को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर मेरे बीमार होने से तो मेरा इतना केयर करोगी तब तो मैं हमेशा के लिए बीमार होना पसंद करूंगा। तो लेशिन उससे पूछते कि वो यहाँ पर अकेला क्यों रहता है और उसके मॉम डैड कहाँ पर है। जुन बताता है कि वो जब स्कूल में पढ़ता था तभी उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और उन्होंने अपनी नई फैमिलीज बना ली, इसीलिए मैं तभी से अकेला रहता हूँ। जो सुन लेशिन को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है तो वो उससे पूछते कि क्या वो लोग तुमसे मिलने नहीं आते। तो जुन बताता है कि हम लोग कभी कभार साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, वो उन दोनों को बहुत मिस तो करता है लेकिन जिस दिन वो अपने मॉम डैड से मिलता है उस दिन वो बहुत हैप्पी होता है। तो लेशिन कहती है कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास है इसलिए वो तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। जुन कहता है मुझे पता है इसीलिए तो डैड ने अपने माउलिन कंपनी के सारे शेयर्स मुझे दे दिए, इसीलिए मैं अब अपनी आजादी के साथ रहता हूँ और ये घर भी मेरा है। लेशिन कहती है कि पर फिर भी तो तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो। तो जुन कहता है कि फिर तुम मेरे घर रहने आ जाओ। जो उसने ऑब्वियसली लेशिन उसे डांटती है। जुन कहता है कि मेरे लिए बुरा मत फील करो, मेरी तो आदत हो गई है अकेले रह रहकर, मेरे लिए तो मेरा ये बेडरूम ही घर है। इस पर लेशिन उसे कहती है कि एक घर तो वही होता है जहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ रहती हो, जब आप बीमार पड़ते हो तो सभी आपकी केयर करते हैं, कोई खुशी की बात हो तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं और इन सब से मिलकर बनता है एक घर। जो सुन हमारा भाई तो उसे गले ही लगा लेता है और कहता है कि मुझे भी एक फैमिली चाहिए, तो क्या तुम तो मेरी फैमिली बनना चाहोगी, पर उसके लिए तो हमें शादी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं हम कर लेंगे। जो सुन लेशिन उसे दूर हटाकर कहती है कि अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई। तो जुन उसे फिर से पूरे दिल से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जो सुन लेशिन तो एक पल के लिए खो ही जाती है, थोड़ा उनके बीच रोमांटिक मोमेंट बनता है तो जुन उसे किस करने जा ही रहा था मगर लेशिन पीछे हट जाती है। देन उसे सॉरी कहकर बताती है कि वो अभी भी किसी का वेट कर रही है, ये कहकर वो चली जाती है। वहीं जुन एक और बार सैड होता है और यहीं पर एपिसोड 17 का एंड होता है। तो पार्ट 18 की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है जहाँ पर जिनची को मालविन कंपनी का स्पोक्स पर्सन अनाउंस किया जाता है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसके बाद प्रेस मीटिंग होती है। तो रिपोर्टर्स उससे उसके एथलीट करियर के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं जहाँ उससे उसके सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछा जाता है। अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, इवन उसका प्यार भी। अब सॉन्ग
लूंगा। तो ये सब सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि चिशी भी यहीं पर थी। तो प्रेस मीटिंग खत्म हो जाती है तो सोंगा चिशी और जिंची के साथ वापस आने लगा था। अब चिशी तो जिंची की फैन ही बन चुकी थी उसके सक्सेस स्टोरी को सुनकर, इसीलिए वो जिंची को एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करती है। तो सोंगा उनका फोटो खींच देता है। तो यहाँ जिंची सोंगा से कहती है कि अब तो मीटिंग भी खत्म हो गई है, फिर क्या हम अभी बात कर सकते हैं। जो सुन सोंगा तो फिर से अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, इसलिए वो उससे कहता है कि अभी क्या बात करनी है। तो जिंची बताती है कि वो कल चंचन से मिलने के लिए गई थी और वो तो इन 3 सालों में काफी बड़ा भी हो चुका है, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली थी एंड फाइनली इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये सब सुन चिशी तो हैरान होती है, लेकिन जिंची तो सीधे सोंगा के करीब आकर उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया। जो सुनकर चिशी तो टोटल शॉक्ड रह जाती है। अब जिंची उससे और कुछ कहने ही जा रही थी मगर चिशी से इससे ज्यादा देखा नहीं गया, इसीलिए वो उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि एक्सक्यूज मी मिस जिंची, शायद मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, मैं सोंगा की वाइफ हूँ। जो सुन जिंची तो शॉक्ड हो जाती है, उससे पूछती है कि क्या तुमने शादी कर लिया। तो सोंगा चिशी का हाथ होल्ड करता है, कहता है हाँ हमारी शादी हो चुकी है। तो जिंची उसे शॉकिंगली पूछती है कि फिर तुमने शादी कब की, लेकिन सोंगा उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि आज वो जल्दी में है इसीलिए अभी उन्हें जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चिशी को लेकर चला जाता है। वहीं जिंची तो हैरान रह जाती है। अब सोंगा चिशी को इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करे यही सोच रहा था कि चिशी उसे कहती कि अभी लिशन ने उसे कॉल किया था इसीलिए उसे अभी मिलने जाना होगा। तो ये बहाना देकर वो चली जाती है क्योंकि वो अभी बहुत बड़े कन्फ्यूजन में थी और वो अभी सोंगा के साथ ऑकवर्ड मोमेंट को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो लिशन को कॉल करके बात करने के लिए बुलाती है। सोंगा भी समझ चुका था कि चिशी को जिंची के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में डाउट हो गया होगा, इसीलिए वो जुन को बात करने के लिए बुलाता है। तो चिशी लिशन को सब कुछ बताती है जो कुछ थोड़ी देर पहले जिंची ने किया। जो सुन लिशन तो हैरान होती है। अब लिशन को तो फुल डाउट हो गया था उन दोनों पर, लेकिन चिशी तो अभी भी सोंगा के सपोर्ट में ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि पास्ट में जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो था ही। इवन उसे तो अब ये भी डाउट हो रहा था कि जिंची चंचन की बायोलॉजिकल मॉम है। तभी चिशी को लूसी कॉल करती है, पूछती कि तुमने ये कैसे होने दिया, उस जिंची को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोका क्यों नहीं, या तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया। चिशी पूछती है क्या बात कर रही हो। तो लूसी उसे मिलने आने की बात करती है। तो ये दोनों उसे यहाँ पर बुला लेते हैं। वहीं जुन सोंगा उसे बात करने आता है जहाँ उसे बताता है कि शायद चिशी को डाउट हो गया है मेरे और जिंची के रिलेशन के बारे में। जुन कहता है तो उसे कुछ भी बहाना देकर समझा देना, जिस पर सोंगा कहता है कि लेकिन अब उसे तो ये भी डाउट होगा जिंची चंचन की बायोलॉजिकल मॉम है और तुझे तो पता ही है कि अगर मैंने चिशी को सच बता भी दिया कि जिंची चंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो वो उसके बारे में पता करके रहेगी। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि चंचन की बायोलॉजिकल मॉम कोई और ही है, लेकिन उसके बारे में अभी सोंगा यहाँ पर कुछ नहीं बताता। वहीं इधर लूसी पहुँच जाती है और उसे कहती कि क्या तुम सच में स्टूपिड हो जो तुमने उस जिंची को स्पोक्स पर्सन बनने दिया, क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तो लूसी यहाँ पर उसे बता देती है कि सोंगा और जिंची हाई स्कूल से कॉलेज तक लवर्स थे, एक दूसरे का पहला प्यार, जिसमें चिशी शॉक्ड होती है। लूसी उसे बताती है कि सोंगा ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था मगर उनके रिलेशनशिप को ग्रैंडपा ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जिंची काफी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, पर फिर भी सोंगा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस जिंची को जैसे ही अब्रॉड में ट्रेनिंग का मौका मिला तो वो अचानक से सोंगा को बिना कुछ बताए चली गई और आज वापस आकर फिर से उसे चोट पहुंचाना चाहती होगी। तो चिशी पूछती है फिर क्या वो चंचन की बायोलॉजिकल मॉम है। लूसी बताती है बिल्कुल नहीं। वहीं सोंगा जुन को बताता है कि अगर मुझे चिशी ने चंचन की मॉम के बारे में पूछा फिर मुझे नहीं पता कि मैं उसे किस तरह से समझाऊंगा। तो अब इन सब के पीछे कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन चिशी तो लूसी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाती है जहाँ वो उससे पूछती है कि अगर जिंची चंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो क्या इसका मतलब एक और लड़की है। लूसी कहती है जरूर होगी पर मुझे इस बारे में पता नहीं है। जिसमें चिशी तो और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। वहीं ये दोनों भी उसे कंपनी देने के लिए ड्रिंक कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में सोंगा को कॉल आता है पब से जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ टल्ली पड़ी हुई हैं इसीलिए वो जल्दी आकर इन्हें ले जाए। तो सोंगा अपने साथ जुन और सेक्रेटरी को भी बुला लेता है। अब वहाँ पहुंचकर ये तीनों देखते हैं कि ये तीनों तो फुल टल्ली होकर सैड सॉन्ग्स गा रही थी। तो सोंगा चिशी को घर चलने के लिए उठाने आता है मगर चिशी ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था इसीलिए वो सोंगा को तो धक्का ही मार के गिरा देती है एंड कहती कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। जुन लिशिन को संभालने जाता है तो लिशिन तो उसके बाल पकड़ कर खींचने ही लग जाती है। तो सोंगा लूसी से पूछता है कि आखिर तुम इनके साथ कैसे। जो सुन लूसी तो अपना पर्स वगैरह फेंक कर मारने ही लग जाती है। तो ये तीनों कैसे भी करके उन सभी को कार में बिठाते हैं। वही सेक्रेटरी लूसी को घर छोड़ने के लिए जाता है। वही तो चिशी और लिशिन तो अपने दुख भरी लव स्टोरी सुना रहे थे पर इस बार लिशिन तो जुन के बारे में बात कर रही थी। पर फिर टल्ली होकर दोनों ही सो जाते हैं। तो सोंगा पहले जुन के साथ लिशिन को उसके घर पर ड्रॉप करता है फिर चिशी को घर ले आता है। वहीं इधर हमें चिंतियान को दिखाया जाता है जो कि एक रिंग निकालता है जिसे देखकर वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर किसी लड़की ने उसे ये रिंग पहनाई थी। लेकिन तभी सोंगा उन दोनों के बीच आ गया था और उस लड़की का हाथ छुड़ा लिया था। तो अब इन दोनों का क्या सीन था ये भी हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तो चिंतियान जिंची को कॉल करता है और कल माउलिन कंपनी में आने के लिए कहता है क्योंकि उसे उसके साथ कुछ डिस्कशन करना है। अगली सुबह चिशी काफी देर तक सो रही थी वहीं सोंगा उसके पास बैठा हुआ था। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि चिंतियान ने सोंगा को कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तो उधर सोंगा कॉल में बिजी होता है वहीं इधर चिशी की नींद खुल जाती है फोन की आवाज से
अब उन तीनों ने रात को एक ग्रुप बना लिया था जहाँ पर तीनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं आखिर वो लोग अपने अपने घर कैसे पहुँचे। लूसी के पूछने पर ये दोनों बताते हैं कि उन्होंने तो उसे नहीं छोड़ा। तभी लूसी को उसकी मेड बताती है कि सोंगहाओ का सेक्रेटरी उसे छोड़ने के लिए आया था। वही लेशिन को लग रहा था कि शायद वो खुद ही घर वापस आई थी तो जेशी उन्हें कहती कि शायद उन तीनों ने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था जो सुन लूसी को तो बिलीव नहीं हो रहा था। टाइम देखने पर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं इधर ये दोनों भी अपने अपने काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं इधर चिंतियान सोंगहाओ से बात करने के लिए आता है जहाँ वो उसे उनके ब्रांड की मार्केटिंग को लेकर बात करने के लिए आया था ताकि जिनसे उनके मॉल वगैरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे जिससे उनका सेल्स बहुत बढ़ेगा। इसलिए वो उसे इस बारे में जिनसे से डिस्कस करने के लिए कहता है। इसलिए सोंगहाओ को उसे मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन वो तो यहाँ पर अपनी पर्सनल बातें ही करने के लिए आई थी। जिसन सोंगहाओ वहाँ से जाने लगता है मगर जिनसे उसे बस 2 मिनट उसकी बातें सुनने की रिक्वेस्ट करती है तो सोंगहाओ उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। इस पर जिनसे उसे पहले अपने कॉलेज दिनों के प्यार व्यार के बारे में याद दिलाती है। दिनों से बताती कि उसके जाने का एक रीजन था क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी जिसके मॉम डैड डेली वर्कर्स थे तो उन्हें हाई स्कूल में दोस्ती से प्यार हुआ फिर कॉलेज में आकर ये दोनों रिलेशनशिप में आए। पर जिनसी के बारे में सभी लोग बुरा भला ही कहते थे इवन ये भी कि वो सिर्फ उसके पीछे पैसों के लिए पड़ी है जिसन जिनसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जब उसे अपने बिलियर्ड्स के स्किल्स के बारे में पता चला तब उसने उस पर बहुत मेहनत की और स्नूकर टूर्नामेंट जीतना उसका ड्रीम बन गया। तो वो इससे सबको प्रूफ करना चाहती थी कि सोंगहाओ के लिए उसका प्यार पैसों के लिए नहीं था और वो इसी में अपना करियर भी बनाना चाहती थी आगे से कोई भी उसके बारे में कुछ भी बुरा ना बोल सके। इवन उसे अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना था जबकि सोंगहाओ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मगर तब जिनसी नहीं चाहती थी कि वो उसके लिए बोझ बने। इसीलिए वो अपने दम पर अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहती थी। इसीलिए जब उसे अब्रॉड से ट्रेनिंग का ऑफर आया तो वो अपना करियर बनाने के लिए चली गई मगर सोंगहाओ को तब इससे बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि जिनसी ने उसे बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए चली गई थी। तो इसीलिए जिनसी अब उससे माफी मांगती है उसके लिए मगर सोंगहाओ तो अब मूव ऑन कर चुका था। इसीलिए वो उसे कहती कि अब मेरी शादी हो चुकी है। जिसन जिनसी उससे पूछती कि क्या तुम सच में हमारा पास्ट भूल गए लेकिन सोंगहाओ कहता कि तुम्हारे 2 मिनट पूरे हो गए ये कहकर वो चला जाता है जिससे जिनसी सैड होती है। लेकिन फिर तो वो उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए ही चली जाती है। ग्रैंडपा उससे अच्छे से बात करते हैं तो जिनसी उससे सोंगहाओ की शादी के बारे में पूछती है सोंगहाओ ने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उनकी किस्मत है दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन जिनसी कहती कि वो सोंगहाओ को अच्छे से जानती है वो इतनी जल्दी किसी से कैसे प्यार कर सकता है और शादी तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी मैंने पता लगाया जिनसी और वो तो एक दूसरे को ज्यादा टाइम से जानते भी नहीं है। ग्रैंडपा वही कहते हैं कि इन दोनों की किस्मत में लिखा हुआ था दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ इसलिए उनकी शादी हो गई कि क्या अगर वो उठ कर चले जाते हैं। वहीं ड्यू आंटी को मेहमान को बाहर तक छोड़ाने के लिए कहते हैं लेकिन जिनसी तो ग्रैंडपा की बातों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। इधर चिशी को अपना नया स्टूडियो मिल जाता है जहाँ पर वो बैठकर अपने डिजाइन बना सकती है। अब इतने बड़े स्टूडियो को देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने डिजाइनिंग का काम शुरू करने बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे जिनसी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि उसे चिशी से कुछ बात करनी है इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 18 का एंड होता है। तो पार्ट 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिनसी चिशी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वहीं से जुन ने लीशिन के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाला था जिससे वो लीशिन के सामने जाकर माफी मांगने के लिए कहता है और लीशिन को उसके ऐसा करने का रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। पर एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने किए पर गिल्टी फील तो हो रहा था मगर अब क्योंकि वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुका है इसलिए अब वो लीशिन के पास नहीं जाना चाहता। एक्स बॉयफ्रेंड जुन से पूछता है कि क्या वो अभी तक मुझे भूल नहीं पाई है मैंने तो सोचा था कि वो मूव ऑन कर जाएगी जिससे हमें पता चलता है कि इसे तो लीशिन की कोई फिक्र ही नहीं है जिससे जुन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपना एक एल्बम देता है और बताता है कि ये लीशिन ने मेरे लिए रिकॉर्ड करके मुझे गिफ्ट किया था तो तुम इसे लीशिन को लौटा देना और मेरी तरफ से उसे मूव ऑन करने के लिए कह देना। अब जुन को उसकी बातें सुन बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है पर वो उस एल्बम को लेकर चला जाता है क्योंकि उसे अभी लीशिन की फिक्र थी। वहीं तो चिशी पहुंचती है जिनसी से मिलने के लिए जहां पर जिनसी उसे एक फेवर मांगती है कि वो कुछ दिनों में एक रियलिटी शो करने वाली है तो उसके लिए वो चाहती है कि चिशी एक स्पेशल ब्रोच बनाए जिसके लिए चिशी मना करती है क्योंकि एक तो वो अभी फाइनी ग्रुप की ज्वेलरी डिजाइनर है और लूसी के परमिशन के बिना वो नहीं बना सकती इसीलिए वो उसे सॉरी कहकर जाने लगती है। तो जिनसी कहती है कि मैंने तुम्हें असल में यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूँ क्योंकि तुम्हें वो गुड लक है जिस वजह से तुम सोंगहाओ से शादी कर पाई इसलिए मैं तुम्हें अपना डिजाइनर बनाना चाहती थी ताकि तुमसे मुझे थोड़ी गुड लक मिले और इससे मुझे भी अपनी खुशियाँ मिले जो मैं चाहती हूँ। पर चिशी उसे कहती कि वो लूसी के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती ये कहकर वो चली जाती है मगर उसे डाउट तो हो गया था कि जिनसी के कहने का कुछ और ही मतलब होगा। इधर लीशिन अकेले घर लौट रही थी और उसके माइंड में बस जुन की ही बातें चल रही थी। जुन की प्रपोजल का उसे बार बार ख्याल आ रहा था तभी उसे उनके बिल्डिंग के बाहर जुन बैठा हुआ मिलता है तो जुन उसे सीधे पूछता कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। अब लीशिन उसे लाइक तो करने लगी थी मगर उसे बता नहीं पा रही थी क्योंकि उसे अब भी प्यार पे भरोसा नहीं हो रहा था। तो जुन उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता है जिसमें लीशिन काफी ज्यादा अपसेट होती है। वही जुन उसे दोबारा से अपने सच्चे प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि मेरा प्यार उसके जैसा नहीं है इसलिए प्लीज ट्रस्ट मी मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा।
तो लीशिन भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी फीलिंग्स भी उसे बता देती है एंड फाइनली ये दोनों साथ में होते हैं। अब घर जाते हुए इनका रोमांस चल ही रहा था, तभी लीशिन की नेबर उन्हें देख लेती है, तो लीशिन जल्दी से छुप जाती है। फिर उनके जाने के बाद तो इनका रोमांस दोबारा चालू हो जाता है। वहीं सॉन्ग हाउ चिशी के बारे में सोच रहा था कि चिशी उसे कितना ज्यादा सच में प्यार करती है, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो चिशी को सब कुछ सच बता देगा। वहीं चिशी लूसी को आकर सब कुछ बताती है उस जिंची ने उसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में। अब लूसी को तो पहले से उसकी बातों पर डाउट था क्योंकि वो जिंची को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी और उसे उसकी कोई भी बातों पर भरोसा ही नहीं था। तो वो चिशी को बताती है कि जिंची इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, वो कुछ न कुछ तो प्लान कर रही है तुम्हें सॉन्ग हाउ से दूर करने का। चिशी कहती है उसे जो भी करना है करने दो, मैं भी उसे समझा दूंगी कि सॉन्ग हाउ की वाइफ कौन है। चिशी इसीलिए मान जाती है जिंची की डिजाइनर बनने के लिए। तभी चिशी को पिकअप करने के लिए सॉन्ग हाउ आ जाता है, तो चिशी उसके साथ चली जाती है। तो सॉन्ग हाउ उसे लेकर एक लेक के पास आता है क्योंकि उसे कुछ बताना था। तो वो चिशी से कहता है कि वो जिंची के बारे में उसे सच बताना चाहता है। चिशी उसे कहती है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कभी बाद में बताना। लेकिन सॉन्ग हाउ कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो उसे बता देता है कि जिंची चंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, चिशी कहती है ये तो मुझे पता है, मुझे लूसी ने इस बारे में बता दिया था। देन सॉन्ग हाउ कहता है कि पर मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तो यहाँ पर वो बता देता है कि चंचन उसके बड़े भाई का बेटा है। जब चंचन बहुत ही छोटा था तभी उसके भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था, तभी से सॉन्ग हाउ ने चंचन को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जिसन चिशी थोड़ा हैरान होती है मगर फिर उसे बताती है कि उसने भी अभी तक उसे एक बात नहीं बताई कि श्वान श्वान उसकी बड़ी बहन की बेटी है। तो श्वान श्वान भी जब छोटी थी तभी उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और तभी से चिशी ने श्वान श्वान की जिम्मेदारी उठा ली। जिसन सॉन्ग हाउ तो टोटली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि श्वान श्वान और चंचन का तो डीएनए मैच करता है। इसका मतलब है कि वो दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर है। इसका ये भी मतलब है कि चंचन और श्वान श्वान की मॉम एंड डैड सॉन्ग हाउ का बड़ा भाई और चिशी की बड़ी बहन थी। अब सॉन्ग हाउ तो समझ गया था लेकिन चिशी को अभी तक पता नहीं था कि उसकी बड़ी बहन का हस्बैंड सॉन्ग हाउ का बड़ा भाई था। और अभी के लिए सॉन्ग हाउ भी उसे नहीं बताता क्योंकि आखिरकार चिशी की सिस्टर की डेथ सॉन्ग हाउ के बड़े भाई के गाड़ी चलाते वक्त ही हुआ था, इसीलिए उसे डर था कि कहीं चिशी ये सुन सॉन्ग हाउ को छोड़कर ना चली जाए। तो चिशी उसे कहती है मैं हमारे दोनों बच्चों को बराबर प्यार करूंगी। तो सॉन्ग हाउ उसे हग करके कहता है कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी एंड हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। तो फाइनली इन दोनों के बीच का ऑकवर्डनेस भी चला जाता है। चिशी अपनी पत्नी गिरी झाड़ते हुए कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरे हो, इसीलिए किसी और के बारे में तुम कभी नहीं सोचना। सॉन्ग हाउ तो ओबीडियंट हस्बैंड की तरह मान जाता है, पर एक बात तो है कि इन दोनों को आखिरकार अपने भाई और अपनी बहन के दो बच्चे हैं इस बारे में पता कैसे नहीं चला। अब इसके पीछे क्या राज है इस बारे में भी हमें कहानी में आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो ये लोग घर लौट आते हैं जहाँ पर इनका तो रोमांस चल रहा था। तो चिशी उसे आज जिंची से मिलने के बारे में बताती है और ये भी कि वो मुझे अपना डिजाइनर बनाना चाहती है जिसके लिए मैंने हाँ कर दिया है, जिसके लिए लूसी भी मान गई है। तो मैं उस जिंची को प्रूफ करना चाहती हूँ कि तुम्हारी वाइफ यानी कि मैं बेस्ट हूँ। सॉन्ग हाउ कहता है कि मुझे तो पता ही कि मेरी वाइफ बेस्ट है। इसके बाद इनका रोमांस फिर से चालू हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 19 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 20 की शुरुआत में अगले दिन चिशी और लूसी पहुंचती है जिंची के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, जहां पर जिंची तो अपना इंटरव्यू दे रही थी आने वाले रियलिटी शो के बारे में जिसका नाम था लॉन्ग टाइम नो सी। और इस शो में वो अपने फ्रेंड के साथ उनकी पुरानी मेमोरीज को रिक्रिएट करने वाली है। तो यहाँ पर जिंची अनाउंस कर देती कि उसका वो फ्रेंड सॉन्ग हाउ है जिनकी दोस्ती हाई स्कूल टाइम से थी। जिसन थोड़ी दूर बैठी हुई लूसी चिशी से कहती कि देखा ना तुमने, मैंने कहा था ना कि ये सॉन्ग हाउ के पीछे ही पड़ी हुई है, इसीलिए सोच लो अभी भी टाइम है, तुम सॉन्ग हाउ से कहकर इसके लिए मना कर सकती हो। लेकिन चिशी कहती कि वो इसे फेस करना चाहती है जिससे कि सॉन्ग हाउ भी अपनी पुरानी मेमोरीज में अटका ना रहे और इस जिंची को भी समझ में आ जाए कि सॉन्ग हाउ भी इससे मूव ऑन कर चुका है। तो जिंची अपना इंटरव्यू खत्म करके इनके पास आती है, जहाँ पर लूसी तो इनडायरेक्टली ताने मारने लग जाती है। तो जिंची भी पीछे नहीं हटती और चिशी से कहती कि आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सॉन्ग हाउ शो में पार्टिसिपेट करता है। तो चिशी कहती है मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, अगर सॉन्ग हाउ करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो लूसी जिंची से कहती है कि पर याद रखना कि सॉन्ग हाउ किसी का हस्बैंड है और वो हमारी चिशी है। तो चिशी लूसी का बहुत सारा थैंक यू करती है जिंची को हैंडल करने के लिए। वहीं अब से तो ये दोनों बेस्ट ही बन जाती है। अब अगले दिन ही सॉन्ग हाउ के साथ जिंची के शो का अनाउंसमेंट हो जाता है जिससे पब्लिक तो काफी सरप्राइज हो जाती है। इस शो की पॉपुलैरिटी पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इधर सॉन्ग हाउ तो शो के लिए मना कर रहा था, तो चिशी आकर उसे समझाती है एंड ये भी बताती है कि वो सॉन्ग हाउ को उसकी स्कूल के दिनों की तरह देखना चाहती है। तो सॉन्ग हाउ अपनी वाइफ की बात कैसे मान सकता था, इसीलिए वो आर्टिकल में छपवा देता है कि सॉन्ग हाउ अपनी वाइफ के सपोर्ट से शो में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पढ़ के अगले दिन चिशी तो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं लीशिन को फिक्र होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तू सच में ऐसा करना चाहती है, सॉन्ग हाउ को ऐसे ही जिंची के साथ शूटिंग करने देना सही होगा अगर उनका पुराना प्यार जग गया तो। पर चिशी को तो पूरा यकीन था सॉन्ग हाउ पे, इसीलिए वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर शूटिंग सेट पर शूटिंग शुरू हो चुकी थी जहाँ से लूसी का कॉल आता है चिशी को, जो उसे जल्दी से शूटिंग सेट पर आने के लिए कहती है क्योंकि सॉन्ग हाउ और जिंची का क्लोजअप शॉट आने वाला था। तो लूसी चिशी के आने तक इन दोनों के शूटिंग को डिस्टर्ब करने लग जाती है क्योंकि वो इस रियलिटी शो की ब्रांड स्पॉन्सर थी। तो जैसे ही सॉन्ग हाउ और जिंची के क्लोज वाले शॉट आते हैं, लूसी डायरेक्टर से बार बार कट कहलाकर उन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए कह रही थी। अब डायरेक्टर का तो स्पॉन्सर की बात माननी ही पड़ती है, इसीलिए वो जिंची को सॉन्ग हाउ से थोड़ा दूर भेजते हैं। इसके बाद तो वो जिंची को सॉन्ग हाउ के ऑपोजिट में ही बैठा देते हैं, पर लूसी
को अभी चैन नहीं पड़ता, इसीलिए वो तो बार बार सीन कट करा रही थी, जिसे डायरेक्टर भी तंग आ जाता है। तो कुछ देर में फाइनली चिशी यहाँ पर पहुँच जाती है, तो लूसी उसे देख कर कहती कि सही टाइम पर आ गई तुम, मैंने अपना काम कर दिया है, उन दोनों को एक बार भी मैंने करीब नहीं आने दिया, तो अब आगे तुम ही संभाल लेना। तो सॉन्गा चिशी को देखकर उसे अपने पास बुलाता है, इवन अपने पास ही बिठा कर उसे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है, जो देखकर चिंची सैड होती है, पर वो अब हस्बैंड वाइफ के बीच क्या ही कह सकती थी। तो इसके बाद चिशी लूसी से एक फेवर मांगती है, क्योंकि वो आज सॉन्गा की शूटिंग देखना चाहती थी, इसीलिए वो लूसी को किंडरगार्टन भेज देती है बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन लूसी का तो बच्चों के साथ 36 का आंकड़ा था। अब चंचन और श्वान श्वान तो उसे अभी से परेशानी कर देते हैं, तो वो उन दोनों को बाहर बेंच पर बैठने के लिए कहती है। श्वान श्वान कहती कि बेंच गंदा है, तो लूसी चंचन को बिठा कर बेंच साफ कर देती है, फिर उन्हें बिठाती है। तो चंचन उससे पूछता है कि हमारे मम्मी पापा कहाँ है, वो हमें पिक करने के लिए क्यों नहीं आए। तो लूसी उन्हें बताती है कि दोनों बिजी है, लिशिन और ग्रैंडपा भी बिजी है, इसीलिए खैर मनाओ कि कम से कम मैं तो आ गई तुम दोनों को पिक करने के लिए। अब लूसी ठहरी बॉसी गर्ल, इसीलिए वो बच्चों पर भी बॉस गिरी झाड़ रही थी, जो देख श्वान श्वान तो रोते हुए कहती है कि यह आंटी तो बहुत ही डरावनी है, जो सुन लूसी तो उन्हें ही डांट कर चुप करा देती है। तभी असिस्टेंट आता है उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए। अब लूसी बच्चों को अपने घर ले जाती है, लेकिन चंचन तो दरवाजे पर लटक जाता है, कहता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला, ये आंटी तो बहुत ही खतरनाक है, ये हम दोनों मासूम से बच्चों को नहीं छोड़ेगी। पर लूसी तो उन्हें डरा कर ही अंदर ले आती है। तो असिस्टेंट वहाँ से जाने की बात करता है, जो सुन चंचन और श्वान श्वान तो उसके दोनों पैरों में लटक जाते हैं, कहते कि आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, आप चले गए तो हमें इन खतरनाक आंटी से कौन बचाएगा, ये तो हमें कच्चा ही चबा जाएंगी, इसीलिए असिस्टेंट को वहाँ पर रुकना पड़ता है। वहीं तक नेक्स्ट शूटिंग होने वाली थी बिलियार्ड्स खेलते हुए, क्योंकि सॉन्गा और जिनशी स्कूल टाइम से साथ में ही बिलियार्ड्स खेलते थे, इसीलिए उनकी यहाँ पर काफी सारी मेमोरीज थी, जो बात जिनशी आकर उसे बताती है। जो सुन चिशी को याद आता है कि जब वो पहली बार सॉन्गा के बिलियार्ड्स रूम में गई थी, तब सॉन्गा ने उसे डांटा था, क्योंकि उस टाइम सॉन्गा के दिल में जिनशी ही थी। तो जिनशी उसे कहती कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हम दोनों को ऐसे पुरानी मेमोरीज याद करता देख। चिशी कहती नहीं, तो मुझे भी सॉन्गा के पास्ट के बारे में जानना है। इसके बाद सॉन्गा और जिनशी के बिलियार्ड्स गेम शुरू होता है, जहाँ सॉन्गा को भी खेलते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, क्योंकि यहीं से ये दोनों ऑफिशियली कपल बने थे। सॉन्गा को भी ये सारी बातें याद आ रही थी, मगर वो इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना फर्स्ट डे खत्म करके चिशी के पास जाता है। इन दोनों को साथ में देखकर जिनशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन उन दोनों को साथ में देखकर उसे तो अब अपनी मेमोरीज की जगह पर सॉन्गा और चिशी के साथ वाले खुशी के मोमेंट्स याद आ रहे थे, जिस वजह से वो तो स्टिक को होल्ड नहीं कर पा रही थी, इवन उसके हाथ ही कांप रहे थे, जो देख के सारे लोग तो शॉक्ड होते हैं। तो डायरेक्टर अभी के लिए शूटिंग को खत्म कर देते हैं। तो सॉन्गा और चिशी को लेकर बच्चों को पिक करने के लिए चला जाता है। वहीं जिनशी अपने मैनेजर को कॉल करके अपने हाथ कांपने के बारे में बताती है। इधर लूसी बच्चों को खेलने नहीं दे रही थी, इसलिए ये दोनों तो उसे बुरी आंटी कह रहे थे, जो सुनकर अब लूसी इन दोनों से अपने रिलेशन ठीक करने के लिए नेट पे सर्च करती है कि 5 साल के बच्चों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं, जिस पर उसे जवाब मिलता है उनके साथ खेलने का और बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना बनाने का। लूसी पहले श्वान श्वान के लिए पप्स लेकर आती है, जो चंचन तो उसे खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन श्वान श्वान को तो बड़ी भूख लगी थी, इसलिए वो खा लेती है, उसे पसंद भी आता है। लेकिन लूसी खुद ही वो पप खा जाती है, इससे श्वान श्वान रोने लग जाती है, इसलिए लूसी उन सबके लिए बहुत सारा खाना बनाकर ले आती है, जो उन सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद लूसी के साथ चंचन और श्वान श्वान की दोस्ती तो हो जाती है, मगर ये दोस्ती लूसी को ही महंगी पड़ती है, क्योंकि दोनों बच्चे तो खेलते हुए इसके घर की हालत ही बिगाड़ देते हैं, एनिमल लूसी की भी हालत खराब कर देते हैं। तो घर का सत्यानाश करने के बाद फाइनली चिशी और सॉन्गा बच्चों को पिक करने के लिए पहुंचते हैं। तो लूसी की हालत देखकर ही चिशी तो समझ जाती है कि बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली। तो लूसी उससे कहती है कि तुम्हारे बच्चे तो शैतानों की भी बाप है, इसीलिए प्लीज अभी तुम दोनों इन दोनों को लेकर चले जाओ और कुछ टाइम तक मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। वहीं चंचन और श्वान श्वान तो लूसी को परेशान करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 20 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 21 की शुरुआत होती है जिन और लीशन के रिलेशनशिप के आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन पार्टी के साथ, जहाँ पर चंचन तो लगा हुआ था लूसी को परेशान करने में। वहीं सॉन्गा के उस रियलिटी शो का आज प्रीमियर होता है, जिसे सभी लोग साथ में मिलकर देखते हैं। वहीं लूसी तो सॉन्गा को साफ वार्निंग दे देती है कि अगर उसने चिशी को कभी बुली किया तो फिर वो सॉन्गा को छोड़ने वाली नहीं है, एंड स्पेशली उसे उस जिनशी से दूर रहने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि लूसी को तो सॉन्गा का असिस्टेंट पसंद आ गया था, इसीलिए वो तो उसे कल छुट्टी लेकर मिलने के लिए बुलाती है, मगर असिस्टेंट तो लूसी के डर से मना ही कर देता है, क्योंकि उसे लूसी के गुस्से के बारे में पता था। बट देखते हैं आखिर तक इनका रिलेशनशिप कहां तक जाता है। अब ये सुनकर ही लूसी तो उस पर गुस्सा करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद चिशी और सॉन्गा बच्चों को खाना खिलाते हैं कि फैमिली सच में कितनी अच्छी होती है। जो बातें सुन जिन तो काफी खुश होता है, एंड कुछ तो सोचने लग जाता है। तभी सॉन्गा को जिनशी का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है, मगर सॉन्गा उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। वहीं इधर हम देखते हैं जिनशी को, जिसने अपनी हालत बिगाड़ रखी थी, उसने सॉन्गा के बारे में सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। एंड यहाँ पर उसके मैनेजर से हमें पता चलता है कि जिनशी को एंजाइटी ट्रेमर नाम की बीमारी है। मैनेजर उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाने के लिए कहता है, मगर जिनशी मना कर देती है।
तो मैनेजर उसके बिगड़ते हुए हालत को देखकर कहता है कि तुम्हें अब सॉन्ग हाउस से मूव ऑन कर जाना चाहिए। और जिनशी कहती है कि वो उसे नहीं भूल पाएगी क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। अब तो हर वक्त उसे सॉन्ग हाउस के साथ चिशी दिखाई देने लगी है और उसके दिमाग में तो बस वही दोनों का ख्याल चलता रहता है जो उसे देखा नहीं जा रहा है। इवन अब तो आंखें बंद करने पर भी उसे वही दोनों नजर आ रहे हैं एंड इवन स्लीपिंग पिल्स का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, जिससे वो तो और ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं चिशी को एक ज्वेलरी डिजाइन करनी होती है, इसके लिए उसके साथ साथ लूसी और लीशिन भी उसके साथ जगते हैं, मगर उसकी हेल्प करने से ज्यादा तो ये दोनों डिजाइन बनाने में कंफ्यूज ही कर रहे थे। इसलिए चिशी उन दोनों को चुपचाप से बैठने के लिए कहती है, मगर ये दोनों तो कभी बोर होकर गेम्स खेलने लग जाते हैं, इसमें वो लोग कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे थे जिससे चिशी तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। अब इतना काफी नहीं था तो वो दोनों जगह रहने के लिए लेट नाइट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तो चिशी भी थोड़ा वार्म अप कर लेती है। अब काफी रात हो जाती है तो उन तीनों के लिए सॉन्ग और असिस्टेंट खाना लेकर आता है। थोड़ी देर में जुन भी आता है तो सभी लोग मस्त से खाना वाना खाने के बाद यहीं पे सो जाते हैं। वहीं चिशी आधी रात को उठकर अपना काम खत्म करती है, तो अगले सुबह फाइनली काम वो खत्म कर लेती है, इसलिए वो इन दोनों को थैंक यू करती है उसके साथ साथ ओवरटाइम वर्क करने के लिए जगह रहने के लिए। अब क्योंकि लूसी चिशी की इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती है इसीलिए लीशिन के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहीं द सॉन्ग हाउ तो घर पर अकेले बच्चों का ख्याल रख रहा था, जहाँ सुबह सुबह चंचन और श्वान को अपने डैड के साथ खेलना था तो सॉन्ग हाउ उनके साथ वाटर गन से खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद चिशी घर पहुँचती है तो सॉन्ग हाउ उसकी केयर करने लग जाता है क्योंकि वो काफी रात तक जाकर काम कर रही थी। इनकी बातें चली रही थी कि तभी सॉन्ग हाउ को जिनजी के मैनेजर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि चिशी की कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो सॉन्ग हाउ उसे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे जिनजी का मैनेजर बताता है कि 3 साल पहले जब वो यहाँ से अब्रॉड गई थी तभी उसे ये एंजाइटी ट्रेमर नाम की बीमारी हो गई थी, पर तभी ट्रीटमेंट करने की वजह से वो ठीक तो हो गई थी लेकिन अब फिर से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से फिर से उसके हाथ पैर कांपने लग गए हैं और ये उसी बीमारी की निशानी है। यहाँ पर मैनेजर उसे ये भी बताता है कि अब्रॉड में भी जिनजी बस सॉन्ग हाउ के बारे में ही सोचा करती थी लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे डायरेक्टली बात करने की। इनफेक्ट वो इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आई थी, मगर उसने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और यही उसके स्ट्रेस लेने का मेन रीजन बन गया है क्योंकि वो अभी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रही है। तो सॉन्ग हाउ जिनशी से बात करने के लिए आता है, यहाँ सीन कट होता है तो हमें तो चिशी को दिखाया जाता है जो सॉन्ग हाउ के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर में सॉन्ग हाउ वापस आ जाता है तो उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। वहीं टीवी पर जिनशी के बारे में न्यूज सुनकर उसका फेस उतर जाता है, जो देखकर चिशी समझ जाती है कि जिनशी को लेकर ही कोई बात होगी। तो सॉन्ग हाउ उसे बता देता है कि जिनशी बीमार है इसीलिए वो उससे मिलने के लिए गया था ताकि वो उसकी कोई हेल्प कर सके एंड उसने उसके इलाज के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया है। तो चिशी को भी जिनशी के लिए बुरा फील होता है। अभी सॉन्ग हाउ को फिर से जिनशी के मैनेजर का कॉल आता है तो चिशी उसे बात करने के लिए कहती है, जहाँ सॉन्ग हाउ किसी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की बात कर रहा था जो कि वो उस डॉक्टर से साइन करवाने वाला था जो जिनशी का चेकअप करने के लिए आ रहा था। तो थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सॉन्ग हाउ जिनशी से बात करने के लिए उसके रूम में गया था। सॉन्ग हाउ उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए मनाने के लिए गया था मगर जिनशी ने उसे मना कर दिया था क्योंकि अगर उसके इस बीमारी के बारे में सबको पता चल गया तो हो सकता है उसका इतना मेहनत से बनाया हुआ करियर भी खत्म हो सकता है, इसके लिए उसने सॉन्ग हाउ को सैक्रिफाइस किया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इधर जुन लीशिन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था जिसके साथ डिनर करने के लिए आया था। तो लीशिन तो उसे देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है, उसे कहती है कि उसे अपने लिए किसी के घर पे वेट करना काफी अच्छा लगता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर जुन को तो लीशिन की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उसके घर के आसपास लाइट्स बहुत कम थे। लीशिन बताती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी आदत हो चुकी है। दोनों साथ में डिनर करने के बाद डांस वांस करने लग जाते हैं, जहाँ पर जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहता हूँ इसलिए हमें आपसे साथ में रहना चाहिए, लेकिन लीशिन थोड़ी पुराने ख्यालों की थी इसलिए वो उसे कहती है कि शादी से पहले वो लोग साथ में नहीं रह सकते। अब ये सुन जुन कुछ सोच कर कहता है कि मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहती हो, ये कहकर वो तो बड़ा खुश हो रहा था। वहीं इधर अगले दिन एक डायरेक्टर चिंतियान को बताता है कि उसने सॉन्ग हाउ पर अपने आदमियों से नजर रखवाया था जिससे उसे पता चला है कि सॉन्ग हाउ जिनशी के घर उससे मिलने के लिए गया था। अब इस बात का ये लोग क्या बतंगड़ बनाते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं इधर सॉन्ग हाउ जिनशी से मिलने के लिए आता है ताकि वो उसे इस बार डॉक्टर से मिलने के लिए बना सके, पर जिनशी का मेन प्रॉब्लम तो चिशी और सॉन्ग हाउ का रिश्ता था। इस बारे में पूछते हुए वो उसे कहती है कि अगर तुम चिशी से नहीं मिले होते तो क्या मेरे वापस आने पर हम दोनों साथ हो सकते थे, पर सॉन्ग हाउ उसे साफ साफ फ्रेंड जोन करते हुए कहता है कि वो उसकी सिर्फ हेल्प करना चाहता है ऐसे दोस्त बनकर, ये कहकर वो चला जाता है। वहीं जिनशी तो इधर काफी ज्यादा सैड होती है लेकिन वो चिशी को कॉल करके फिर से मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो तो इस बार चिशी से सॉन्ग हाउ को डिवोर्स देने के लिए कहती है उसके साथ उनकी पुरानी लव स्टोरी सुनाकर। एनीवन उसे ये भी कहता है कि सॉन्ग हाउ अभी तक उसे नहीं भूल पाया है, तो चिशी उसे बताती है कि तुम गलत समझ रही हो, सॉन्ग हाउ तो तुमसे कब का मूव ऑन कर चुका है इसीलिए अब उसे गलत फैमिली में रहना बंद कर देना चाहिए, और जहाँ तक रही डिवोर्स की बात तो वो कभी सॉन्ग हाउ को डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहकर वो चली जाती है सॉन्ग हाउ के पास, जहाँ जाकर वो उसे हग करती है। तो सॉन्ग हाउ उसे पूछता है कि अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चिशी उसे नहीं बताती कि वो जिनशी से मिलकर आई है। तो साथ में दोनों लंच करने के बाद एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद घर में दोनों जब अपनी प्यारी बातें कर ही रहे थे तभी से जुन का कॉल आता है जो उन दोनों से कहता है कि कल वो लीशिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जिसमें चिशी थोड़ा शॉक्ड होते उसे पूछती कि क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा। जुन कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैंने ये काफी सोच समझने के बाद ही फैसला किया है, इसलिए वो उन दोनों की हेल्प मांगता है। स्पेशली वो बताता है कि उसे चंचन की हेल्प चाहिए। इसी के साथ एपिसोड नंबर 21 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट
1992 की शुरुआत होती है अगले दिन किंडरगार्टन से, जहां पर जन ने चंचन के साथ मिलकर लीशिन को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, जिसके लिए वो चंचन से लीशिन को जाकर कोई बहाना देकर प्लेग्राउंड में भेजने के लिए कहता है। तो चंचन उसके पास चला आता है, थोड़ा घबराने की एक्टिंग करने लग जाता है, जो देख लीशिन को लगता है की शायद श्वान किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो भागती है श्वान को ढूंढने के लिए। वही इधर नीचे तो जुन ने किंडरगार्टन के दूसरे स्टाफ के साथ मिलकर प्लेग्राउंड को फुल डेकोरेट कर दिया था, रोमांटिक म्यूजिक, फायरवर्क्स एंड बलून्स का भी इंतजाम करवाया था। अब लीशिन भागते हुए यहाँ तक तो आती है, पर वो तो श्वान को ढूंढने लग जाती है, और जुन को यहाँ देखकर वो उसे भी श्वान को ढूंढने के लिए कहती है। फिर तो पूरे ग्राउंड का चक्कर भी मार देती है श्वान को ढूंढने में। जुन उसे रोकते हुए कहता है कि श्वान ठीक है, और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाने के लिए ये सब करवाया था। तभी रोमांटिक म्यूजिक बजने लग जाता है, वहीं दूसरे स्टाफ भी डेकोरेशन के साथ बाहर आ जाते हैं, जो देखकर लीशिन को तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो जुन लीशिन को फ्लावर बुके देते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर जैसे ही वो घुटने पर बैठकर रिंग निकालता है तो उस रिंग को देखकर लीशिन को फिर से अपने पास्ट का याद आ जाता है, जब उसे उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया था, इसलिए वो उसे सॉरी कहकर बुके उसे देकर चली जाती है, जिसे जुन तो टोटल शॉक्ड रह जाता है। फिर वो सोंगहा के पास जाकर काफी सैड होता है, उसे बताता है कि शायद लीशिन को अभी तक मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती। मगर लीशिन इधर चिशी को बताती है वो ऐसा सच में नहीं करना चाहती थी, मगर उस वक्त उसे उसकी पुरानी मेमोरी याद आ रही थी, इसीलिए वो बस उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। चिशी उसे समझाती है कि अगर वो अपने पास्ट को नहीं भुलाएगी तो फिर वो अपने लाइफ में नए प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और कभी मूव ऑन भी नहीं कर पाएगी। लीशिन कहती है कि उसे डर लग रहा था कहीं वो फिर से प्यार में हर्ट ना हो जाए, इसलिए वो कुछ भी बिना सोचे समझे वहाँ से भाग आई। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास है क्योंकि वो जुन को सच में लाइक करती है, तो वो चिशी से कहती है कि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं वो खुद फिर से हर्ट ना हो, पर मैंने जुन की फीलिंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इसलिए वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई। तो चिशी कहती है कि तुम्हें ये सब मुझसे नहीं जुन से कहना चाहिए। तो लीशिन जुन को कॉल लगाती है, मगर जुन का कॉल नहीं लगता। तो लीशिन सैड होती है कि कहीं जुन से नाराज ना हो गया हो, इसलिए वो अगले दिन जुन से मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है, मगर जुन तो इस बार सच में हर्ट हो गया था, इसलिए वो तो उससे सीधे ब्रेकअप की ही बात कर देता है। इधर लूसी चिशी को बताती है कि उनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स केल्स ज्वेलरी के पास जा रहे हैं, जिससे उनकी सेल्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, और ये सब उस चिंतियान की वजह से ही हो रहा है। इस पर चिशी कहती है कि चिंतियान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो माउलिन कंपनी में ही काम करता है, इसलिए चिशी उसे अपने डिजाइन से बेहतर करने की बात करती है और नए ज्वेलरी डिजाइन पर काम करने लग जाती है। चिशी यहाँ से निकलकर घर की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे चिंतियान मिलता है, जो उसे बता देता है कि कुछ दिनों से उसे पता चल रहा है कि सोंगहा जिनशी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है। बहाना देते हुए वो कहता है कि शायद वो लोग काम की बात करते होंगे, पर वो तो बस इन दोनों में फूट डलवाना चाहता था, जिसमें वो शायद कामयाब हो गया था क्योंकि चिशी सच में अब डाउट करने लग गई थी, इसलिए वो जल्दी से घर आती है। वही सोंगहा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, चिशी उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या वो जिनशी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है, तो वो भी उसके साथ जाना चाहेगी जिनशी का हालचाल देखने के लिए, मगर सोंगहा उसे कहता है कि तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, ये कहकर वो चला जाता है, जिससे चिशी थोड़ी अपसेट होती है। इसके बाद वो लूसी और लीशिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को बता देती है कि सोंगहा पिछले कुछ दिनों से जिनशी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है, जो सुनकर लूसी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं लीशिन तो सीधे गुस्से से उसे कॉल ही लगाने लग जाती है, चिशी उसके लिए मना करती है। तभी लूसी पूछती है कि जिनशी के घर यानी कि वो बेशान विला गया है, जिसके बारे में चिशी के पूछने पर वो बताती है कि उस विला में सोंगहा और जिनशी शादी के बाद रहने वाले थे, जो सुन चिशी तो उसे विला ले जाने के लिए कहती है। वहीं तो सोंगहा जिनशी के रूम में आकर देखता है कि जिनशी तो अपने मेडल्स अवार्ड्स वगैरह इधर उधर फेंक कर बैठी हुई थी, तो सोंगहा वो सब कुछ ठीक करने लगता है, उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए चलने के लिए कहता है, मगर जिनशी तो उसे चिल्लाकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, कहती है कि अपना नाटक बंद करो कि तुम्हें मेरी चिंता है। सोंगहा चला जाता है, तो जिनशी उसे सॉरी कहने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी विला के बाहर ये तीनों पहुंच जाती है, जो उन दोनों को साथ में बात करता हुआ देख लेती है। सोंगहा की भी नजर पड़ती है चिशी पर, तो वो उसके पास भाग कर आता है, उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई। चिशी उससे पूछती है कि यहाँ पर तुम लोग शादी के बाद रहने वाले थे ना। अब जिनशी भी यहाँ पर आ गई थी, तो उसे देखकर चिशी कहती है, जिनशी तो ठीक है, फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या मतलब बनता है। सोंगहा तो साइलेंट हो जाता है, कुछ कहने जाता है, मगर चिशी उसे चुप करा देती है, वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि वो थोड़ी देर अकेली रहना चाहती है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वो नाराज और सैड थी। तो लूसी और लीशिन भी सोंगहा पे गुस्सा करके चली जाती है। चिशी चलते हुए जा रही थी कि तभी उसे चिंतियान का कॉल आता है। सीन कट होता है, हमें चिशी को दिखाया जाता है, जो चिंतियान के साथ जिम में बॉक्सिंग कर रही थी, तो वो पंचिंग बैग पे हिट करते हुए अपना गुस्सा उतार रही थी। वही सोंगहा उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। तो इसके बाद चिंतियान उसे एक वीडियो दिखाता है, जो कि उसके सिस्टर का था। तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो चिशी की बड़ी बहन चिंतियान का दोस्त था और वो उसे पसंद करता था। अब चिशी जहाँ अपनी बहन का वीडियो देखकर खुश हो रही थी, वहीं चिंतियान उसे बताता है कि अब्रॉड में उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी। जिस दिन चिशी उसे पूछती है कि उसके मॉम डैड ने तो बताया था कि उसकी बहन ने अब्रॉड में शादी कर लिया है, और श्वान के जन्म होने के बाद एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो चिंतियान उसे बताता है कि उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी। चिशी पूछती है कि अगर उनकी शादी नहीं हुई थी फिर श्वान कैसे आई। चिंतियान बताता है कि तुम्हारी सिस्टर उस लड़के से शादी करना चाहती थी, मगर उस लड़के के फैमिली वाले ने अप्रूव नहीं किया, यानी मैंने उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट भी किया, मगर उस लड़के ने तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो सब सुन चिशी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उस लड़की के फैमिली वाले पर, वहीं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड पर भी। तो चिशी उससे पूछती है कि उसने अभी तक उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। चिंतियान बताता है कि तुम्हारी बहन हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताया करती थी और हमेशा चाहती थी कि तुम हैप्पीली एंड फ्रीली रहो, और
तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब चिशी अपनी सिस्टर को याद करते हुए काफी इमोशनल होती है, तभी सोंगा को फिर से कॉल आता है तो चिशी उसे अपना एड्रेस सेंड करती है। अब वो जगह जिनके साथ साथ एक होटल और एक रेस्टोरेंट भी था अलग अलग फ्लोर पे। अब सोंगा जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है होटल का साइन बोर्ड देख कर ही तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था चिंतियान को चिशी के साथ देख कर। तो चिंतियान उसे बताता है कुछ भी मत समझ लेना, यहाँ पर तो मैं बस चिशी को बॉक्सिंग सिखा रहा था। तो सोंगा चिशी को अपने साथ घर ले जाता है जहाँ पर चिशी फिर से अपने स्टडी रूम में रहने लग जाती है। मगर दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। चिशी का गुस्सा तो शांत हो गया था इसलिए वो सोंगा को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ पर सोंगा तो उसे पहले ही सॉरी कहता है। उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि जिंशी मेरी बचपन की दोस्त भी है, इसलिए मैं उसे इस बीमारी के साथ अकेले कैसे छोड़ सकता था। ट्रस्ट में हम दोनों में अब कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी पास्ट थी और अब सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। जिस दिन चिशी भी खुश हो जाती है, दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन सोंगा को पता चल जाता है कि चिंतियान ने उसकी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ किया है। वहीं हम देखते हैं कि चिंतियान ने तो इस बार जानबूझकर ही सोंगा को कंपनी में अपने गड़बड़ के बारे में जानने के लिए दिया था। इसके पीछे उसका क्या इरादा था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 22 का एंड यहीं पर होता है वीडियो। तो पार्ट 23 की शुरुआत होती है सोंगा से, जिसे चिंतियान के कंपनी में किए हुए गड़बड़ के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो अगली सुबह चिंतियान को मिलने के लिए बुलाता है। तो हमें पता चलता है कि चिंतियान की वजह से मालिन के बड़े बड़े क्लाइंट्स केल ग्रुप में शॉपिंग करने के लिए ज्यादा जा रहे थे, जिस वजह से सोंगा चिंतियान को बहुत ही डांटता है। मगर चिंतियान तो बहाना देकर चला जाता है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा। जिसके बाद सोंगा रियलिटी शो की शूटिंग के लिए पहुंचता है, जहां पर जिंशी ने तो शूटिंग को कुछ टाइम के लिए रुकवा दिया था और सभी को नीचे भेजकर सोंगा को अकेले बात करने के लिए बुलाया था। तो सोंगा जिंशी से बात करने आता है। वहीं उसी टाइम जिशी अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग देखने के लिए पहुंच जाती है, जहां डायरेक्टर से उसे पता चलता है कि जिंशी ने सोंगा को कुछ अकेले में बात करने के लिए ऊपर बुलाया है। तो जिशी अपने फ्रेंड से कहती कि वो उन्हें देख कर आती है, क्या कर वो ऊपर चली आती है। वहीं तो जिंशी तो अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। वो सोंगा से कहती कि वो सच में अभी भी उससे प्यार करती है और 3 साल पहले उसे छोड़ के जाने का वो अभी भी पछता रही है। तो सोंगा उसे समझाने लगता है और उसे कहता है कि जब वो उसे छोड़कर गई थी तब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिन में उनकी भी शादी होने वाली थी, तभी से उसने अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दिया था। मगर चिशी के आने के बाद उसकी लाइफ ही बदल गई और अब सिर्फ चिशी ही उसके दिल में है। वहीं उसकी ये सारी बातें दरवाजे के बाहर से चिशी भी सुन रही थी, जो ये सुनकर काफी खुश होती है। तो सोंगा चिशी को मूव ऑन करने के लिए कहता है और कहता है कि वो हमेशा उसका दोस्त बनकर रहेगा, इसलिए अब उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एंड स्पेशली वो उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है। अब इससे जिंशी तो फिर से एक बार सैड होती है, पर शायद इस बार उसे समझ में आ गया था कि सोंगा के दिल में सिर्फ चिशी ही है। तो चिशी ये सब सुनकर नीचे चली जाती है। देन शूटिंग के बाद जिंशी और सोंगा का मीडिया इंटरेक्शन चल रहा था। वहीं तो चिशी अपने फ्रेंड्स को सोंगा ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ बताती है, जो सुन वो दोनों भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चिशी जिंशी को जाकर उसने जो ब्रोश बनाने के लिए कहा था वो उसे देती है, जो जिंशी को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में चिशी घर पर होती है, जहाँ पर सोंगा आकर उसे दो खुशखबरियाँ बताता है। पहली कि उनके रियलिटी शो की वजह से मालिन कंपनी की चीजों की सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है एंड दूसरी कि जिंशी ने अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने का डिसाइड कर लिया है। जिसमें चिशी भी उसके लिए बहुत खुश होती है। तो वो कल ही अब्रॉड जाने वाली थी, इसलिए चिशी सोंगा से जिंशी को लंच पे बुलाने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसका अच्छे से फेयरवेल कर सके। तो कुछ देर में जिंशी उनके घर पहुँचती है, जहाँ घर के बाहर तो चंचन और श्वान श्वान डक के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर जिंशी को श्वान श्वान के बारे में पता चलता है, जब चंचन उसे अपनी बहन बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वही श्वान श्वान तो उसे पहचान लेती है क्योंकि उसने जिंशी को टीवी पर देखा था। तो ये दोनों जिंशी को घर के अंदर ले जाते हैं। तो चिशी पहली बार खाना बना रही थी तो जिंशी घर पे बहुत सारी चेंजेस नोटिस करती है, जो कि सोंगा के पसंद से अलग थी। तभी सोंगा बाहर आता है, जिसे आते ही किचन से कुछ जलने की बदबू आती है। तो चिशी जल्दी से चेक करने के लिए भागती है। तभी ग्रैंडपा भी वहाँ पर आते हैं, जो सोंगा से कहते हैं कि तुमने चिशी को खाना बनाने के लिए क्यों दिया, तुम्हें पता है ना उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो सोंगा को जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। जो देखकर जिंशी थोड़ा हैरान होती है क्योंकि सोंगा पहले कभी भी किचन नहीं जाता था और खाना कभी भी खुद से नहीं बनाता था। अब चिशी से खाना जल गया था तो सोंगा उसे रेस्ट करने के लिए कहकर खाना बनाने लग जाता है। जो देखकर जिंशी को यकीन हो जाता है कि सच में सोंगा पहले जैसा नहीं रहा और चिशी के उसकी जिंदगी में आने के बाद वो काफी ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप के टाइम जब वो खाना जला देती थी तब तो सोंगा उसे लेकर खाना खाने के लिए बाहर चला जाता था, इवन उसे खाना बनाने के चक्कर में डिस्टर्ब करने से भी मना करता था। तो वहीं जिंशी को ग्रैंडपा से भी उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट करते हैं। तो खाना रेडी होने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर जिंशी भी चंचन और श्वान श्वान के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, स्पेशली श्वान श्वान के साथ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वीटली बात करती थी। वो जिंशी से कहती कि मुझे ग्रैंडपा ने बताया कि आपको भी लिटिल मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा, इसीलिए डोंट वरी, हम सब मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। जिसमें जिंशी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद सोंगा को चंचन और श्वान श्वान के साथ इतना ज्यादा खुश होकर खेलते हुए देख कर जिंशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने सोंगा को इतना ज्यादा खुश कभी भी नहीं देखा था। तो वो चिशी से कहती है कि उसे अब समझ में आ गया है कि सोंगा चिशी से सच में प्यार करता है और चिशी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश है। तो वो चिशी से उसके पुरानी सारी बातों के लिए माफी मांगती है एंड फाइनली वो मूव ऑन करके इनसे गुड बाय कहकर अब्रॉड चली जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जल्दी उसका एक और टूर्नामेंट होने वाला था जिसके लिए उसे तैयारी भी करनी थी। तो सोंगा और चिशी उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। दिन चिशी इन सब के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है, जो फाइनली ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि जिंशी अब्रॉड वापस चली गई है। तो अब लीशिन लूसी को
जिन उससे नाराज हो गया है इस बारे में बताती है। तो लूसी उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तू उसे सच में प्यार करती है। लेशिन के हाँ बोलने पर लूसी उसे बताती है कि फिर तुझे देर नहीं करनी चाहिए और जुन को मनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। तो लेशिन उसे बताती है कि जुन तो उसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है क्योंकि उसने पिछली बार तो ब्रेकअप तक का भी बात कर दिया था। तो लूसी कहती की अगर जुन तुमसे सच में प्यार करता है तो वो तुम्हें जरूर समझेगा, तुम्हें माफ कर देगा, इसीलिए तुम उसे अभी कॉल करो, उसे मिलने के लिए बुलाओ। लेकिन लेशिन को डर लग रहा था कि जुन उसे सच में गुस्सा होकर ब्रेकअप ना कर ले, इसीलिए वो कॉल करने से डर रही थी। वहीं तो जुन कितना भी कोशिश कर ले लेशिन के बारे में ना सोचने का, मगर उसका ख्याल उसके दिमाग से जाता ही नहीं। इवन उसे तो लेशिन की फिक्र लगी ही रहती है कि वो ठीक होगी कि नहीं, एंड कहीं उसके पिछले बार के बर्ताव के लिए वो ज्यादा सैड तो नहीं होगी। इसीलिए वो तो उसे चेक करने के लिए उसके बिल्डिंग के बाहर भी पहुंच गया था, पर उसे तो पता ही नहीं था कि वो अभी लूसी के घर पे है। जुन एक प्यार की फीलिंग नाम की बुक पढ़ रहा था जो उसे सोंगाओ ने दिया था। अब जुन इस बुक को पढ़ के लेशिन के फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं तो लूसी लेशिन को एक किताब देती है, तो उस बुक में लड़कों को पटाने के तरीके लिखे हुए थे। तो लूसी उसमें से पढ़कर एक बेस्ट आइडिया देती है ये दिखाने के लिए कि जुन अभी भी उसकी कितनी केयर करता है। तो इसके लिए वो जुन को कॉल करती है और बताती है कि लेशिन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है, इसलिए जल्दी से मेरे घर आओ वरना इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जो सुनकर जुन तो जल्दी से निकल जाता है लूसी के घर आने के लिए। वहीं तो लूसी लेशिन को ड्रंक होने की अच्छी तरह से एक्टिंग करने के लिए कहती है, तो लेशिन जमीन पर लेट जाती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए बड़बड़ करने लग जाती है। जुन वहाँ पर पहुँचता है जो उसकी हालत देख काफी फिक्र करता है, लेकिन वो लूसी से कहता है कि इसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए तुम आज रात इसे यहीं पर सुला दो। ये क्या कर वो जाने की बात करता है, तो लेशिन उठकर बैठ जाती है और जुन को देखकर फिर से ड्रंक वाली हरकतें शुरू कर देती है, पर वो उसे अपनी रियल फीलिंग्स यहाँ पर बताती है और पिछली बार के लिए सॉरी भी कहती है। लेकिन जुन तो अभी भी लूसी को इसे यहीं पर सुलाने के लिए कहता है, वो तो उठकर जाने ही लगता है तो लेशिन उसका पैर पकड़ कर ही उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि उसे अपने घर जाना है। ये देखकर लूसी उसे उठाकर जुन को पकड़ा देती है और उसे कहती है कि इसे तुम जल्दी से इसके घर छोड़ देना क्योंकि इसे अपने घर के अलावा कहीं पर नहीं आती। क्या कर वो लेशिन को उसके गले पकड़ा कर घर से जल्दी से निकाल देती है। वहीं लेशिन को जाते हुए ऑल द बेस्ट कहती है। अब जुन उसे घर तक तो पहुंचा देता है जहां पर लेशिन कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, जिससे जुन समझ गया था कि ये नाटक कर रही है। तो लेशिन उसे सॉरी कहकर मनाने लग जाती है, लेकिन जुन तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था जो कि बस जुन थोड़े नखरे कर रहा था, इसलिए लेशिन तो उसका कॉलर पकड़ कर उसे घर के अंदर ही ले जाती है। लेशिन जुन को अपने घर के अंदर ले आती है जहां पर जुन लेशिन के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा था। तभी लेशिन उसके लिए सूप बनाकर लाती है, मगर जुन तो सूप पीने से मना कर देता है। ये कहकर कि उसे ये सूप पसंद नहीं, उसे दूसरा सूप चाहिए। लेशिन कहती है तुम्हें तो यही पसंद था, अब तुम्हें दूसरा सूप कैसे पसंद आ गया, कहीं कोई और लड़की तुम्हारे लिए वो सूप तो नहीं बनाती। जुन कहता है कि इंसानों की पसंद बदलती रहती है और वैसे भी अगर मेरे लिए कोई दूसरी लड़की बना भी रही होगी तो इससे अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है ना। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है जिससे इन दोनों में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। जुन यहाँ से चला जाता है, पर फिर लेशिन को खुद ही बुरा लगता है और अब उसे थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने जुन से झगड़ा क्यों किया। इधर ऑफिस में लूसी चिशी को बताती है कि उनकी सेल्स में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, इसीलिए अब उन्हें कुछ यूनिक डिजाइन की ज्वेलरीज बनानी होगी। तो चिशी को आइडिया आता है न्यू डिजाइन बनाने का, जिस बारे में वो लूसी को बताती है। तो लूसी उसे काम पे लग जाने के लिए कहती है एंड ये भी कहती है कि उन्हें डिजाइन जल्दी बनानी होगी, इसीलिए चिशी को ओवर टाइम वर्क करना पड़ सकता है जिसके लिए वो घर पर भी काम कर सकती है। चिशी कहती है उसके घर पर थोड़ी ना उसका स्टूडियो है जहाँ पर वो अपने डिजाइन बना सकती है, जिस पर लूसी स्माइल करती है। सीन कट होता है, सोंगाओ चिशी की आंखें बंद करके अपने बिलियर्ड्स रूम लेकर आता है जहाँ पर वो उसे सब बताकर लेकर आया था, और वो ये था कि सोंगाओ ने इस रूम को उसके लिए स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया था, जो देखकर चिशी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं उसे ये भी समझ आता है कि लूसी के ऑफिस में ये कहने का मतलब क्या था कि वो घर पर भी काम कर सकती है। चिशी उससे पूछती कि उसने इतना सब कुछ कैसे तैयार किया। सोंगाओ कहता है कि ताकि तुम्हें ऑफिस में रात भर जगना ना पड़े और घर पर ही तुम काम कर सको, इससे हम दोनों को भी टाइम मिलेगा साथ में टाइम स्पेंड करने का। अब चिशी यहाँ पर काम के बारे में सोच ही रही थी, पर सोंगाओ तो रोमांस चालू कर देता है। अगले दिन से लेशिन का तो अपने काम में ध्यान ही नहीं लगता क्योंकि वो तो जुन के बारे में ही सोच रही होती है, से वो अपने काम पे गलती करती है जिसके लिए प्रिंसिपल से उसे डांट पड़ती है एंड प्रिंसिपल तो उसे एक दिन की छुट्टी भी दे देते हैं एक वार्निंग के साथ। चिशी रात को अपने घर लौट रही होती है, पर तभी वो जुन को मिस कर रही होती है और उसे यहाँ पर जुन के साथ अपनी मेमोरीज भी याद आ रही थी। इवन वो तो जुन को इमेजिन भी करने लगती है जो उसे बात करने आता है, पर जुन के गायब हो जाने पर वो सैड भी होती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है, हमें जुन को दिखाया जाता है जो कि सोंगाओ के सामने बड़ा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था एंड अभी से भी पछतावा हो रहा था लेशिन के साथ झगड़े को लेकर। तो सोंगाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपने आप को और लेशिन को थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तुम तो अपनी मुसीबत खुद ही बढ़ाने पर तुले हुए हो। तभी चिशी आकर उसे बताती है कि लेशिन ने मुझे बताया कि उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि वो किसी वजह से बहुत परेशान है एंड अपने काम में गलती कर रही है। इस वजह से स्कूल का प्रिंसिपल तो उसे निकालने की भी बात कर रहा था, जिसन जुन को बड़ा बुरा फील हो रहा था और लेशिन की बहुत फिक्र भी हो रही थी। तभी चिशी आ गया और बताती है कि लेशिन अपने होम टाउन जाने वाली है और अगर वो अपने होम टाउन चली गई तो उसके वापस यहाँ आने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उसकी मॉम उसकी शादी कराए बिना उसे वापस नहीं आने देंगे। जिसन जुन तो
शॉक्ड हो जाता है, इसलिए जुन तो सोच में पड़ जाता है। तभी चिशी उसे और बताती है कि 80% चांस है कि अगर वो होम टाउन वापस गई तो उसकी शादी होना तो तय है। अब जुन ये कैसे होने दे सकता था, इसीलिए वह अभी लिशन को ढूंढने जाने की बात करता है। तो चिशी उसे जाने से रोकती है, बताती है कि अभी उसे नहीं जाना चाहिए। तो जुन उसकी हेल्प मांगता है, तो चिशी कहती है उसके पास एक आइडिया है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टोरेज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ज्यादा गेमिंग एप्स इंस्टॉल करने की वजह से? तो इसके लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस क्रिकेट ऐप पर साइन अप करिए और इसी ऐप में आप 1000 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिकेट और अलग स्पोर्ट्स मैचेस खेल सकते हैं, साथ ही में लाइव ऑनलाइन कैसीनो और स्लॉट गेम्स भी खेल सकते हैं जिसमें आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। वहीं क्रिकेट आपको हर हफ्ते आईफोन 14 प्रो जीतने का मौका देता है अगर आप रेगुलर एक्टिव प्लेयर बने रहे तो। इसके अलावा हर डिपॉजिट पर 8.88% का बोनस आपको मिल जाता है। वहीं आपको डेली स्पोर्ट्स रिबेट में 5% कैशबैक मिल जाता है अप टू 5 लाख रुपए तक। वहीं क्रिकेट रेफर करने पर 1000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। यहाँ से विड्रॉल भी बहुत ही आसान है, पेटीएम के थ्रू आप बड़ी ही आसानी से जब चाहे अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं क्रिकेट पर आपको 24/7 लाइव चैट सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्रिकेट 2019 से 100% सिक्योर्ड ऐप है। वहीं गूगल ने भी एक ट्रस्टेड बेटिंग प्लेटफॉर्म बताया है, पर फिर भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले क्रिकेट का रिव्यू जरूर देख लेना। तो अभी मेरे पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से साइन अप करके खेलना शुरू करिए। प्ले ऑन क्रिकेट मींस प्ले विद क्रिकेट। सीन कट होकर हमें लिशन को दिखाया जाता है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बात कर रही थी। तो लिशन उससे पूछती है कि आज वो किस लिए उससे मिलने के लिए आया है, जिस पर वो उसे सॉरी कहता है जो कुछ भी उसने लिशन के साथ किया उसके लिए। तो वो बताता है कि वो लिशन से फेस टू फेस आकर माफी मांगना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। पर लिशन के दिल में तो अब इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, जो बात वो उसे यहाँ पर कह भी देती है। ये भी कहती है कि हमारा पास्ट गुजर चुका है, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्या अगर वो जाने लगती है, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोकते हुए कहता है कि तुम उस हाउजुन को कैसे जानती हो और तुम दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो लिशन इससे पूछती कि वो जुन को कैसे जानता है। इस पर एक्स बॉयफ्रेंड बताता है कि उसने मुझे धमकी दिया था तुमसे फेस टू फेस आकर माफी मांगने के लिए और जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जो सुन लिशन को हाउ जुन के उस दिन की बात याद आती है जिस दिन जुन के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मुझे लगता है कि जुन तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुम्हें लेकर वो बहुत सीरियस है, और उस दिन जुन जिस हिसाब से मुझे धमकी दे रहा था मुझे लगा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। जो सुन लिशन हाँ कहती है, अनहैप्पी होकर अपने घर की ओर चली आती है क्योंकि वो जुन के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो चुकी थी। इधर सॉन्ग हाउ ने चिशी को घर पर जो स्टूडियो बना कर दिया, उसने सोचा था कि वो चिशी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, मगर चिशी तो बस अपने काम में ही बिजी होती है जिस वजह से भाई के रोमांटिक मूड का तो बैंड ही बच जाता है। लेकिन अब वाइफ जो काम पे बिजी है, हस्बैंड को तो उसकी केयर करनी ही पड़ेगी, इसलिए सॉन्ग हाउस में बस खाना वाना खिला रहा होता है। चिशी तो खाना खाते हुए भी अपना डिजाइन ही बना रही होती है। काम खत्म होने का इंतजार करते करते सॉन्ग हाउस को तो नींद ही आ जाती है। थोड़ी देर में नींद खुलती है तो वो देखता है कि चिशी तो अभी भी काम कर रही है, इसलिए वो चिशी का थोड़ा मसाज वगैरह कर देता है। इसी बहाने उसे सोने चलने का कहता है, मगर चिशी को तो अपना डिजाइन कम्प्लीट करना था पर उसे नए डिजाइन का आइडिया नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो सॉन्ग हाउस से कहती है कि उसे न्यू आइडियाज का इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। तो सॉन्ग हाउस कहता है कि अभी मैं तुम्हें इंस्पिरेशन दे देता हूँ। ये कहकर वो उसे फोरहेड पर किस करता है और चिशी को सच में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है। अब कहाँ सॉन्ग हाउस ने सोचा था कि इसे रोमांटिक माहौल बनेगा, पर चिशी ने तो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया क्योंकि चिशी अपना डिजाइन बनाने लग गई थी। अगले दिन किंडरगार्टन में बच्चों का ब्लड टेस्ट कैंप होने वाला था जिसके लिए प्रिंसिपल सारे टीचर्स को उनका काम समझा रहे थे, जिसमें से लिशन को गेट पर सिक्योरिटी के साथ ड्यूटी मिलती है जहाँ पर उसे पांडा का आउटफिट पहनकर रहना होगा ताकि बच्चे इस कैंप से डरे नहीं और लिशन बच्चों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सके। तो लिशन पांडा का आउटफिट पहनकर चली जाती है बाहर, जहाँ पर वो बच्चों का वेलकम कर रही थी उन्हें फूल देकर। तभी वो अपने सामने बियर आउटफिट पहना हुआ एक लड़की को नोटिस करती है जो कि असल में जुन था, जिसे चिशी ने आइडिया दिया था लिशन को मनाने के लिए क्योंकि लिशन को टेडी बियर्स बहुत पसंद है। मगर लिशन और सिक्योरिटी गार्ड उसे कब से यहाँ पर खड़ा हुआ देखकर समझ लेते हैं कि कहीं वो कोई किडनैपर तो नहीं है जो बच्चों का किडनैप करने आया है, क्योंकि हाल फिलहाल में बच्चों के किडनैपिंग की खबर आ रही थी। अब जुन वेट कर रहा था लिशन के बाहर आने का, मगर इतनी देर से जो वो बाहर नहीं आ रही थी इसीलिए वो अंदर जाने की कोशिश करने लग जाता है, मगर लिशन और गार्ड तो उसे रोकते हुए उसे मारने ही लग जाते हैं। तो जुन उन्हें लात मारकर भागने लग जाता है, मगर लिशन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है जहाँ एक पार्क में आकर पांडा वर्सेस बियर की फाइट होती है। मतलब दोनों तो लड़ने ही लग जाते हैं जिससे जुन के लाए हुए फ्लावर्स तो जमीन पे गिर जाते हैं। एक टाइम पर तो लिशन जुन के पेट पर अपने सर से जोर से मार देती है जिससे जुन तो लुढ़कता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर लिशन अपना पांडा हेड उतारती है, फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे किडनैपर बोलते हुए उसे मारने ही लग जाती है, जिससे जुन तो चिल्लाने ही लग जाता है, जिसकी आवाज से लिशन उसे पहचान लेती है और उसे अपने सामने देखकर काफी इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर लिशन उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो अपने पुराने रिलेशनशिप की मेमोरीज की वजह से जुन के सामने खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, और वो बताती कि अब वो कंफर्म हो चुकी है कि वो सिर्फ जुन को लाइक करती है और अब उसे अपनी पुरानी मेमोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कल अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने की बात करते हुए बताती है कि जब वो उसे कल मिलने आया था तब उसने फील किया वो अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी फील नहीं करती, और उसके वहाँ पर होते हुए उसके दिमाग में बस जुन का ही ख्याल चल रहा था। तो लिशन फाइनली उसे बताती थी कि वो सिर्फ
सिर्फ जुन से ही प्यार करती है, जो सुनकर जुन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे किस कर लेता है। तो यहाँ पर इन दोनों का पैचअप हो जाता है। वहीं इधर हमें चिंतन को दिखाया जाता है जो कि सोंगहाओ के लॉयर से मिलने के लिए पहुंच गया था, जहाँ हमें पता चलता है कि चिंतन को जिशी के सिस्टर और सोंगहाओ के भाई की शादी के बारे में सब कुछ पता है। इवन उसे तो ये भी पता है चिंतन की सिस्टर को ट्विंस बेबीज हुए थे जो की और कोई नहीं बल्कि जनचन और श्वान श्वान है। तो वो लॉयर से डायरेक्टली पूछता है की आपको तो पता ही होगा की सोंगहाओ और जिशी की शादी एक फेक मैरिज थी, जो सुनकर लॉयर उसे झूठ बोल देता है की उसे कुछ भी नहीं पता, मगर उसके एक्सप्रेशन से चिंतन तो सब समझ रहा था। चिंतन कहता है की आपको ये तो पता ही होगा की चंचन और श्वान श्वान ट्विंस है, तो आपको क्या लगता है कहीं सोंगहाओ ने चिशी से सिर्फ इसीलिए तो शादी नहीं ताकि वो श्वान श्वान की कस्टडी ले सके। इस पर लॉयर तो फिर से नर्वस होकर बहाने माने लग जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या अगर वो खुद ही काम का बहाना देकर चला जाता है। चिंतन तो लॉयर को नर्वस देखकर ही सब कुछ समझ चुका था। इधर लूसी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट चेक कर रही थी जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर अचानक से उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जिनशी ने जिशी के बनाए हुए ब्रोश को फेमस कर दिया था अपने नए टूर्नामेंट में खेलते हुए उसे पहनकर, जिस वजह से लूसी की कंपनी की ज्वेलरीज का बहुत ही ज्यादा सेल्स बढ़ गया था, जिससे ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो जिशी जिनशी को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं जिनशी उसे सर्जरी सक्सेसफुल होने की बात बताती है और ये भी कि उसका ये ब्रोश पहनकर वो काफी ज्यादा लकी हो गई है। तभी सोंगहाओ आकर भी जिशी को एक खुशखबरी बताता है कि माउलिन छोड़कर जो सारे वीआईपी क्लाइंट्स केल ग्रुप गए थे वो लोग अभी फिर से माउलिन वापस आ चुके हैं, जो सुनिए दोनों तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो सोंगहाओ जिशी को उनके फॉर्मल वेडिंग की बात करता है कि उन्हें अब सबके सामने फॉर्मली एक ग्रैंड वेडिंग करनी चाहिए, जिसके लिए जिशी भी मान जाती है। वो लोग वेडिंग ड्रेसेस चूज करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सोंगहाओ को ग्रैंडपा का बर्थडे याद आता है, जिनका बर्थडे कभी भी धूमधाम से नहीं मनाया गया है क्योंकि ग्रैंडपा भी हमेशा अपने काम में बिजी ही होते हैं। इसलिए जिशी उनके बर्थडे के लिए इस बार कुछ खास करना चाहती है, जो आइडिया सोंगहाओ को भी बहुत पसंद आता है। पर अभी इन दोनों को नहीं पता कि चिंतन आगे कुछ तो कांड करने वाला है। एक ग्रैंडपा के बर्थडे वाले दिन से जहाँ सोंगहाओ और जिशी बच्चों के साथ टीवी देख रहे थे, तभी ग्रैंडपा आकर उनसे पूछने लग जाते हैं कि आज एक खास दिन है तो तुम सब ने इसे कैसे सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा है। पर जिशी और सोंगहाओ उन्हें काम का बहाना देते हुए कहते हैं कि आज तो उन्हें ऑफिस में बहुत सारा काम है और बच्चों को स्कूल भी जाना है, इसलिए आज चाहे जो भी दिन हो वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जो सुन ग्रैंडपा तो अपसेट होकर चले जाते हैं। सोंगहाओ जिशी से पूछता है कि कहीं ग्रैंडपा नाराज तो नहीं होंगे। जिशी कहते हैं डोंट वरी, मैंने उनके सरप्राइज बर्थडे पार्टी का सारा इंतजाम कर दिया है। इधर ऑफिस में चिंतन कंपनी के कुछ बड़े शेयर होल्डर्स को अपनी ओर ले आता है। वहीं हमें पता चलता है कि चिंतन तो सीक्रेटली माउलिन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था, जिससे अब वो भी माउलिन कंपनी का एक बड़ा शेयर होल्डर्स बन गया था और वो अब दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर सोंगहाओ को सीईओ की पोजीशन से हटाने की तैयारी कर रहा था। फिर ग्रैंडपा नाइट वॉक करके घर वापस आते हैं। तभी घर के अंदर आते हुए वो कुछ एरोस देखते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो उनके गार्डन में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ था। तभी अचानक लाइट्स ऑन होती है। चंचन और श्वान श्वान हैप्पी बर्थडे गाते हुए उनकी ओर केक लेकर आते हैं। इसकी थोड़ी ही देर बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा को बर्थडे विश करते हैं, जो सब देखकर ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा खुश एंड इमोशनल हो जाते हैं। फिर सारे लोग साथ मिलकर उनका बर्थडे मनाते हैं। इसी रात चिंतन अब्रॉड से जिस हॉस्पिटल में चंचन और श्वान श्वान का बर्थ हुआ था वहां से उनके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज मंगा लेता है और दौर सोंगहाओ के लॉयर से भी श्वान श्वान के अडॉप्शन फॉर्म वगैरह निकाल लिए थे, जो सब सोंगहाओ ने लॉयर को तैयार करने के लिए कहा था। और ये सब कुछ लेकर वो अगले दिन पहुंच जाता है सोंगहाओ के घर पे। अब यहाँ पर वो किससे मिलने आया था ये हमें अभी नहीं दिखाया गया है। इधर जिशी अपने ऑफिस वाले स्टूडियो में काम कर रही थी, जहाँ पर सोंगहाओ उसके लिए खाना लेकर आता है। तो यहाँ पर वो जिशी को चंचन और श्वान श्वान के ट्विंस होने के बारे में बताने के बारे में सोचता है, पर वो अब भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर अब वो जिशी के साथ एकदम ऑनेस्ट होना चाहता था, इसलिए हिम्मत करके वो उसे कहता है कि हमारी फॉर्मल वेडिंग होने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इस बारे में मैं तुम्हें काफी पहले ही बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि चंचन और श्वान श्वान का बर्थडे एक ही दिन पर क्यों आता है। अब आगे वो उसे बता नहीं जा रहा था कि वो दोनों ट्विंस हैं। इससे पहले उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है, जहाँ पर सोंगहाओ को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तो सोंगहाओ जिशी से कहता है कि मैं तुम्हें मीटिंग से वापस आकर बताऊंगा। ये कहकर वो ऑफिस पहुंचता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि चिंतन ने तो सारे बड़े शेयर होल्डर्स को अपने साइड कर लिया है एंड चिंतन खुद भी माउलिन का मेजर शेयर होल्डर बन गया है। तो वो सारे मेजर शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर नया सीईओ चूज करने के लिए शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाने की बात करता है। जिसन जुन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे कहता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, सोंगहाओ कंपनी को तो काफी अच्छी तरह से चला रहा है और कंपनी के लिए काफी प्रॉफिट्स भी बना रहा है। तो चिंतन उसे वही सारा प्रूफ दिखाते हुए बताता है कि पिछले एक महीने में उनकी कंपनी की सेल्स बहुत ही कम गई है एंड इवन उनके कुछ वीआईपी क्लाइंट्स भी दूसरे कंपनी चले गए हैं, इसलिए हमारे पास राइट है शेयर होल्डर मीटिंग बुलाने का और वोट करके नया सीईओ चूज करने का, जिसमें बाकी शेयर होल्डर्स भी उसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि चिंतन ने तो उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ा रखी थी। इसलिए वो उसे मीटिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। बाकी सारे शेयर होल्डर्स के साथ वो बाहर चला जाता है। तो सोंगहाओ जुन को पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर ये चिंतन कब से उनकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था और ये सब प्लानिंग कर रहा था। लेकिन तभी उसे घर से कॉल आता है कि ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। सोंगहाओ जिशी के साथ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत ही खराब है, पर उन्होंने उनका इलाज कर दिया है, कुछ टाइम बाद ही उन्हें होश आ जाएगा। सोंगहाओ और जिशी बैठे हुए थे कि तभी सोंगहाओ को लॉयर से कॉल आता है। वहीं जिशी को चिंतन का मैसेज आता है, जिसमें उसने कहा था कि ग्रैंडपा की हालत मेरी वजह से ही हुई है पर मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। ये कहकर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इधर हमें चिंतन को दिखाया जाता है, जो तो काफी मुस्कुरा रहा था। तो आज सुबह के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चिंतन तो गया था ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहां पर उसने उन्हें सब कुछ
कुछ बता दिया था। चंचन और श्वान श्वान ट्विंस हैं और चिशी की सिस्टर थी सोंग हाओ के बड़े भाई की वाइफ, जिसकी मौत आपकी वजह से हुई है। और अब सोंग हाओ भी चिशी की लाइफ बर्बाद कर रहा है। उसने चिशी से शादी किया पर श्वान श्वान की कस्टडी लेने के लिए, जो सब सुनकर ही ग्रैंडपा के चेस्ट पे पेन होने लग गया था और वो बेहोश हो गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चिशी यहाँ पर पहुँचती है और आते ही वो चिंतियान को एक थप्पड़ लगा देती है और उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने ग्रैंडपा के साथ क्या किया। तो चिंतियान उसे बताता है कि मैंने तो बस उन्हें सच बताया। क्या कर वो उसे भी बता देता है कि सोंग हाओ और उसकी फैमिली बस तुम्हारा यूज कर रही है श्वान श्वान की कस्टडी तुमसे वापस लेने के लिए, क्योंकि चंचन और श्वान श्वान दोनों ट्विंस हैं और तुम्हारी सिस्टर और सोंग हाओ के बड़े भाई के बच्चे हैं और तुम्हारी सिस्टर की जान भी गई है सोंग हाओ के बड़े भाई की वजह से। चिशी को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था तो चिंतियान उसे सोंग हाओ का तैयार किया हुआ अडॉप्शन पेपर्स दिखाता है, जो देखकर चिशी तो शॉक्ड हो जाती है। वही चिंतियान तो उसे बोले जा रहा था सोंग हाओ का तुम्हारे लिए प्यार फीलिंग सब फेक है, उसने तुमसे झूठी शादी की बस श्वान श्वान की कस्टडी वापस पाने के लिए। जो सब सुन तो चिशी एकदम शॉक्ड हो जाती है और उन अडॉप्शन पेपर्स को लेते हुए वो हॉस्पिटल की ओर आती है, जिस दौरान वो तो बस सोंग हाओ के बारे में ही सोचे जा रही थी। सोंग हाओ तो लवर के साथ बैठा हुआ था, जिसने उसे बता दिया था कि चिंतियान को पता चल चुका है चंचन और श्वान श्वान के ट्विंस होने के बारे में और अडॉप्शन के बारे में भी। तभी वहाँ पर चिशी आ जाती है, जो उसके सामने वो अडॉप्शन पेपर रख देती है और इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। तो सोंग हाओ उसे कहता है कि मैं इन सब के बारे में तुम्हें बताने ही वाला था, पर चिशी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। उसे कहती है, तो फिर तुमने सिर्फ श्वान श्वान की कस्टडी पाने के लिए मुझसे शादी की थी। ये कहकर वो बहुत ही अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। तो सोंग हाओ भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ चिशी लेक साइड पर सोंग हाओ के प्रपोजल और उनके फैमिली मोमेंट्स के बारे में याद कर रही थी। सोंग हाओ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचता है, जहाँ वो उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला था, पर चिशी उसे आगे कुछ भी कहने ही नहीं देते। कहती है कि आखिर सब कुछ फेक था, तुमने मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक किया, मेरी इमोशंस के साथ खेला बस श्वान श्वान की कस्टडी के लिए। तो सोंग हाओ उसे सॉरी कहते हुए बताता है कि मेरा पहला ऐसा इरादा था, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे तुमसे सच में प्यार हुआ और चंचन श्वान श्वान तुम्हारे साथ एक हैप्पी लविंग फैमिली की तरह हमेशा रहने का मैंने डिसाइड किया, इसलिए आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने जा रहा था, पर ऑफिस से कॉल आने की वजह से मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाया। पर चिशी कहती कि मुझे अब तुम्हारी कोई बात पर भरोसा नहीं है, तुमने स्टार्टिंग से ही मुझे झूठ बोला, शादी करने के बाद बोला फेक मैरिज है, फिर मुझे प्रपोज करके कहा कि सच में प्यार करते हो, लेकिन इन सब के पीछे तुम्हारा सिर्फ यही रीजन था, स्टार्टिंग से ही तुम्हें सब कुछ पता था मेरी सिस्टर के बारे में और श्वान श्वान के बारे में भी, पर फिर भी तुमने मुझे धोखे में रखा, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा कौन सा रूप असली है, इसलिए हमारे लिए सही यही होगा कि हम अलग हो जाएं। सोंग हाओ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिशी कहती है कि वो बहुत धोखे में रह चुकी है, पर अब वो और कोई धोखा नहीं चाहती, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कह देती है। अगले दिन में सोंग हाओ हॉस्पिटल में सैड बैठा हुआ था और चिशी के बारे में ही सोच रहा था, तभी जुन उसे चिंतियान के बारे में बताने लग जाता है, पर सोंग हाओ तो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा था। जुन उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तो सोंग हाओ उसे बता देता है कि चिशी को सब कुछ पता चल गया है और अब वो मुझसे अलग होना चाहती है। जुन उसे कंसोल करता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 25 गर्न यहीं पर होता है। चिशी चिंतियान की बातों के बारे में सोच रही होती है और साथ ही में सोंग हाओ ग्रैंडपा चंचन श्वान श्वान उनके हैप्पी फैमिली मोमेंट्स को याद कर रही होती है। देन वो उनके रूम के टेबल के ऊपर रिवर्स पेपर के साथ एंगेजमेंट रिंग निकाल कर रख देती है। दूसरी ओर सोंग हाओ ग्रैंडपा के सामने आकर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से चिशी अब हमें छोड़कर जा रही है और मैं उसे अकेले समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो रोते हुए कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज ठीक हो जाइए। इधर घर पे चिशी अपने और श्वान श्वान के कपड़े पैक कर रही होती है, तभी चंचन वहाँ पर आ जाता है तो वो उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। तो चिशी उसे कहती कि वो ग्रैंडमा के घर जा रही है, जिसमें चंचन कहता है कि फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिस पर चिशी उसे कहती कि अगर मैं और श्वान श्वान यहाँ पर नहीं रहेंगे फिर तो आपको यहाँ रहकर डैड और ग्रैंडपा का ख्याल रखना होगा ना, इसके लिए चंचन मान जाता है। तो चंचन को नींद आ रही थी इसलिए चिशी उसे सुला देती है। कुछ देर बाद सोंग हाओ घर वापस आता है तो चिशी और बच्चों को साथ में सोता हुआ देखकर खुश होता है, तो वो रूम के अंदर आता है, तभी चिशी की नींद खुल जाती है तो वो सोंग हाओ को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ पर सोंग हाओ उसे सॉरी कहता है मनाने लग जाता है, मगर चिशी उसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारा अलग हो जाना ही ठीक होगा, इसलिए मैंने हमारे रूम में डिवोर्स पेपर भी रख दिए हैं, आगे की फॉर्मेलिटीज अब तुम कर लेना। पर सोंग हाओ उसकी बातों को टालने के लिए साथ में खाना बनाने का ग्रैंडपा को चेक करने जाने का बहाना करने लग जाता है, पर चिशी कहती है अब इसका कोई फायदा नहीं है, मैं श्वान श्वान को लेकर अपने डैड के घर वापस जा रही हूँ। जो सुन सोंग हाओ उसे गले लगा कर कहता कि प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वह इनकी ये सारी बातें चंचन ऊपर से सुन लेता है, इसलिए वो तो अपने रूम में रोने ही लग जाता है। वहीं तो चिशी कहती है कि उसने सोच लिया है, ये कहकर वो चंचन के रूम में वापस आती है तो वो उसे उठाकर पूछने लग जाती है कि आखिर उसे हुआ क्या। तो चंचन रोते हुए उसके गले लग जाता है, कहता कि प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ। तो चिशी उसे कंसोल करती है और उसके सो जाने के बाद वो श्वान श्वान को लेकर अपना सारा सामान पैक करके बाहर जाने लगती है। वही सोंग हाओ तो उसे ऊपर से देखता ही रह जाता है। नीचे टैक्सी में सामान रखते हुए श्वान श्वान उसे पूछते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ चंचन और डैडी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चिशी उसे बता देती कि वो लोग ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं और चंचन और डैड ग्रैंडपा का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुकेंगे। वहीं ऊपर तो चंचन भी जाग गया था, जो रूम में श्वान श्वान और मम्मा को ना देखकर समझ जाता है कि चिशी यहाँ से जा रही है, इसलिए वो भागकर सोंग हाओ के पास आता है। उसे कहने लग जाता है कि प्लीज आप मम्मा को जाने से रोक लो, तो सोंग हाओ उसे ही समझाने के लिए बैठ जाता है। इस पर चंचन कहता है कि पर मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ये कहकर वो नीचे भागकर आता है। पर तब तक चिशी की टैक्सी स्टार्ट हो चुकी थी तो चंचन उनके पीछे भागने लग जाता है। तो सोंग हाओ उसके पीछे आता है, वहीं श्वान श्वान कार के पीछे से देख लेती है कि चंचन उनकी ओर भागकर आ रहा है, तो वो चिशी से कार रोकने के लिए कह रही होती है, मगर चिशी तो कार नहीं रोकती और चंचन के लिए काफी सैड फील कर
करती है। पर चंचन तो मम्मा मम्मा कहते हुए भागते हुए आ ही रहा था। एक टाइम पर वो तो रोड पर गिर जाता है, जो देखकर चिशी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर वो गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहती। शिवान को गले लगाकर रोने लग जाती है और चंचन के बारे में याद कर रही होती है। कुछ घंटों बाद वो अपने होम टाउन पहुंच जाती है, जहां उन्हें देखकर मॉम डैड तो काफी खुश होते हैं। पर वो लोग पूछते हैं कि सोंगा और चंचन क्यों नहीं आए। इस पर चिशी बहाना कर दी थी कि सोंगा काम में बिजी है, लेकिन शिवान तो अपसेट लग रही थी, इसलिए ग्रैंडमा तो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर शिवान को सुला देने के बाद चिशी की मॉम उसके पास खाना लेकर आती है, जहां पर चिशी तो बस चंचन के बारे में ही सोच रही थी। तो यहां पर वो थोड़ा इमोशनल होकर अपनी मॉम को हग करती है। दूसरी ओर सोंगा भी चिशी को बहुत मिस कर रहा था, पर घर आने के बाद उसे पता चलता है कि चंचन ने तो खाना खाने से ही मना कर दिया है। सोंगा उसे खाना खिलाने के लिए आता है, जहां पर चंचन तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था, अपने मम्मा के पास जाने की बात कर रहा था। उसकी यह हालत देखकर सोंगा को भी बहुत ही बुरा लगता है, तो वो उसे गले लगाकर कंसोल करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर इधर श्वान भी अपने डैडी और भाई को मिस कर रही थी, इसलिए वो चिशी से कहती कि हम लोग कब वापस जाएंगे, क्योंकि मुझे डैडी के पास जाना है। तो चिशी उसे कहती है कि क्या अब आपको मम्मा पसंद नहीं है। तो श्वान रोते हुए कहती है, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मुझे पापा और भाई की बहुत याद आ रही है। तो चिशी उसे गले लगाकर रोने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। पर चंचन रात को सोंगा के सोने के बाद अपने स्मार्ट वॉच से श्वान के स्मार्ट वॉच पर कॉल लगाता है। श्वान देखते हैं कि चिशी सो गई है, इसलिए वो बाहर चली आती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मम्मी डैडी के बारे में पूछते हैं। तो श्वान चंचन से पूछते हैं कि भैया क्या अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। पर चंचन कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं कल ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जो सुनकर श्वान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो अगले दिन सुबह सुबह चंचन अकेले ही अपना छोटा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकल आता है, कहता है कि मैं मम्मा से मिलने जा रहा हूँ। इधर सुबह सुबह श्वान भी घर से गायब हो गई थी, तो चिशियन उसकी फैमिली उसे ढूंढने लग जाते हैं। वहीं इधर सोंगा भी देखता है कि चंचन घर में नहीं है, तो वो भी उसे ढूंढने में लग जाता है। वहीं इधर हमें पता चलता है कि श्वान और चंचन अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए मैप फॉलो करते हुए एक जगह पर मिलने वाले थे। तो श्वान उस जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर श्वान को कुछ खाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो शॉप वाली आंटी उसे खाना नहीं देती। लेकिन तभी वहां पर चंचन भी पहुंच जाता है, तो दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग तो नाचने ही लग जाते हैं। अब श्वान को भूख लगी थी, इसलिए चंचन अपने स्मार्ट वॉच के बदले उसके लिए खाना ले लेता है। फिर दोनों भाई बहन एक साथ कहीं चले जाते हैं। इधर सोंगा और चिशी भी स्मार्ट वॉच की लोकेशन फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तो वो लोग साथ मिलकर दोनों को ढूंढने लग जाते हैं, जहां उन्हें शॉप से चंचन का स्मार्ट वॉच मिल जाता है। तो ये दोनों उनसे पूछते हैं कि दोनों बच्चे किस और गए हैं, तो शॉपकीपर उन्हें बता देती है, इसीलिए वो दोनों उस रास्ते चले जाते हैं। वहीं चंचन और श्वान तो रास्ता भूल गए थे, इसलिए वो लोग चलते चलते एक पुल के पास आते हैं, जहां पर श्वान कहती कि अब उसे प्यास लग रही है। तो चंचन उसके लिए पानी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे पानी तो नहीं, पर एक खेत से उसे वाटर मेलन मिल जाता है, तो वो उसे तोड़कर ले आता है। फिर तो दोनों भाई बहन मिलकर खाने के लिए बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग बैठकर सोच ही रहे थे कि वो लोग अपने मॉम डैड को कैसे ढूंढेंगे, कि तभी उन्हें चिशी और सोंगाओ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो लोग जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं कि मम्मा पापा तो उन्हीं को और आ रहे हैं। तो चारों एक दूसरे की ओर भागते हुए आते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होकर गले लगते हैं, जहां चंचन तो रोते हुए चिशी से कहता है कि मम्मा प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूं। तो चिशी भी रोते हुए उसे गले लगाती है। तो वहीं श्वान रोते हुए सोंगा उसे कहती कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और मैं भी आप सबके साथ ही रहना चाहती हूं, तो प्लीज आप लोग हमसे अलग मत होना। जो सुन सभी लोग काफी इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करते हैं। सोंगा तीनों को गले लगाता है और घर वापस आ जाते हैं, जहां पर चिशी की मॉम तो उसे कहने लग जाती है कि मुझे तो तुम्हें यहां पर देखकर ही डाउट हो गया था कि जरूर तुम दोनों में कोई बड़ा झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए तुम श्वान को लेकर यहां पर आई थी। देन उसे एडवाइस देती है कि हस्बैंड वाइफ में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जिन्हें एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। दूसरी ओर चिशी के डैड सोंगा को भी सेम एडवाइस करते हैं और बताते हैं कि चिशी थोड़ी ज्यादा गुस्सा करती है, पर वो जल्दी मान भी जाती है, इसलिए तुम दोनों में चाहे जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और अगर इसमें तुम्हारी गलती हुई तो तुम्हें उसे सॉरी कहकर मना लेना चाहिए। इसलिए सोंगा चिशी के रूम में आता है उसे बात करने के लिए, जहां वो उसके पास बैठकर उसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है कि चिशी के पास वो ब्रोच देखकर उसे पहली बार डाउट हुआ था। फिर श्वान का डीएनए टेस्ट कराने पर पता चला कि वो चंचन की ट्विन सिस्टर है, इसलिए पहले तो मेरा इरादा श्वान की कस्टडी लेकर उसे अपने घर वापस लाने का था, बट आई स्वेयर कि मैं जितना टाइम तुम्हारे साथ बच्चों के साथ स्पेंड करता गया, मुझे तुम और हमारी फैमिली बहुत पसंद आने लगी। तुम्हारे साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इसी तरह मुझे तुमसे प्यार भी हुआ। तो चिशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई और मेरी बहन के रिलेशनशिप के बारे में पता था। सोंगा कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरे ग्रैंडपा को पता था। तो चिशी कहती कि फिर उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे भाई के फैमिली वालों ने मेरी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया। सोंगा कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, भाई के साथ हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी और उन्होंने कभी हमसे उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, और अगर बताया भी होता तो ग्रैंडपा रिलेशनशिप के लिए क्यों मना करते। तो सोंगा उससे पूछता है कि फिर तुम्हें ये सब किसने बताया। चिशी कहती है कि मुझे ये सब चिंतन ने बताया था। सोंगा कहता है कि उसने तुमसे झूठ बोला है क्योंकि वो तो हमारी कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं किस बात का, लेकिन वो मुझसे बदला निकालना चाहता है, जिसके लिए उसने काफी पहले से हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था और आज वो एक मेजर शेयर होल्डर बन गया है, तो शायद ये सब करने के पीछे उसका कोई प्लान होगा। तो अगली सुबह ये दोनों चिशी की मॉम
डैड को सब कुछ सच बता देते हैं। चिशी की सिस्टर की ट्विन बेबीज थे, जो सुनकर मॉम एंड डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं। तो मॉम पूछते कि फिर दूसरा बच्चा कहाँ है। इस पर सोंगा उन्हें बता देता है कि वो चंचन है और मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, बल्कि चंचन और श्वान तो मेरे बड़े भाई और चिशी की सिस्टर के बच्चे हैं। जो सुन मॉम डैड तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो डैड पूछते हैं कि फिर क्या तुम दोनों ने बच्चों के लिए ही शादी किया है। इस पर ये दोनों हाँ में जवाब देते हैं। चिशी अपने मॉम से पूछते हैं कि सीथियान अचानक से अब्रॉड क्यों चली गई थी। इस पर मॉम यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करती है कि सीथियान चिशी की सगी बहन नहीं थी, उसे तो चिशी के मॉम डैड ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, पर उसके कुछ साल बाद ही चिशी का जन्म हुआ। तब मॉम डैड का सारा अटेंशन चिशी पर आने लगा था, इसलिए सीथियान तभी से उनसे दूर होती गई, पर वो हमेशा ऑर्फनेज में एक बच्चे से मिलने जाया करती थी। फिर वो जब बड़ी होकर कॉलेज में जाने लगी, तब वो उस लड़के को हमारे घर मिलाने के लिए भी लाई थी, जहाँ पर उन दोनों ने बताया था कि उन्होंने अब्रॉड जाने का डिसाइड किया है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अब्रॉड चले भी गए थे। चिशी चिंतियान की बातें याद करती है और मॉम डैड को चिंतियान का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या सीथियान का दोस्त यही था। तो मॉम उसे देखकर पहचान लेती है। जिसन चिशी तो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर चिंतियान करना क्या चाहता है, पर चिंतियान ने तो सोंगाओ के कंपनी को बर्बाद करना चालू कर दिया था, जहाँ पर उसने अपने साथ और कुछ बड़े डायरेक्टर्स को शामिल कर लिया था, जिसके बारे में सोंगाओ को भी पता चल जाता है। पर वो अभी सोचने में बिजी होता है चिंतियान और चिशी के सिस्टर के बारे में। तभी चिशी को याद आता है कि चिंतियान ने एक बार चिशी के पास से ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कुछ हैंडमेड ज्वेलरीज खरीदी थी, इसलिए ये दोनों उस ऑर्फनेज में चले जाते हैं। मगर वो काफी टाइम से बंद था, तो उन्हें वहीं का एक बंदा बताता है कि इस ऑर्फनेज को चलाने वाली जो टीचर थी वो यहाँ से थोड़ी ही दूर में रहती है, इसलिए ये दोनों उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर चिशी उनसे अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है। सीथियान का नाम सुनकर ही वो तो पहचान लेती है। देन चिशी उनसे चिंतियान का फोटो दिखाकर पूछती है। तो टीचर बताती है कि चिंतियान और सीथियान बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो एक फ्लैशबैक से हमें चिंतियान के बारे में पता चलता है, जब वो पहली बार ऑर्फनेज में आया था तो वो काफी ज्यादा कमजोर और डरा हुआ बच्चा था, इसलिए यहाँ के बच्चे उसे परेशान किया करते थे, मगर तब सीथियान ने उसे प्रोटेक्ट किया था और तब से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। इवन दोनों तो एक दूसरे को अपनी फैमिली ही मानते थे, स्पेशली चिंतियान के लिए सीथियान ही उसकी पूरी दुनिया थी। तो ये सब जानने के बाद वो दोनों घर की ओर आ रहे थे। तो सोंगा फिर से चिशी से बात करने की कोशिश करता है, उसे सॉरी कहता है, मगर चिशी कुछ भी ना कहे चली जाती है। वहीं इधर हमें चिंतियान को दिखाया जाता है जो सीथियान को याद कर रहा था। जब वो दोनों अब्रॉड पहली बार गए थे तब वो दोनों काफी ज्यादा खुश रहते थे। रात को सोंगा उठकर चिशी के पास आकर सोता है और उसे बार बार सॉरी कहने लग जाता है। यहाँ पर फिर से वो उसे अपने दिल की फीलिंग्स बताता है और उसे काफी ज्यादा रोते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं और चंचन तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो तो उसे रोते हुए बार बार सॉरी कह ही जा रहा था। चिशी उसकी सारी बातें सुनती है, इमोशनल भी होती है, पर अभी वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। लेकिन अगले दिन वो बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है, जहाँ पर चंचन और श्वान तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी चिशी को कॉल आता है लूसी का, जो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि चिशी ने उसे उसके फैमिली में चल रहे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया था। इवन लेशिन को भी इसके बारे में पता था, क्योंकि उसे जुन ने बताया था। तो चिशी उसे सॉरी कहती है, पर लूसी कॉल काट देती है और इंतजार करने लग जाती है। चिशी उसे कॉल करके मनाएगी, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी चिशी उसे कॉल बैक नहीं करती, इसलिए वो तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर कुछ ही देर बाद लूसी के घर की घंटी बजती है, जहाँ पर चिशी आई हुई थी। तो चिशी आकर लूसी को सारी बातें स्टार्टिंग से बताती है। वहीं इधर ऑफिस में सोंगा और जुन बहुत से शेयर होल्डर से मिलते हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझा कर अपने साइड कर लेते हैं। पर अभी चिंतियान के साथ बहुत से बड़े शेयर होल्डर्स थे, जिस वजह से उनके पास ज्यादा शेयर्स थे, इसीलिए सोंगा और जुन बैठकर सोच रहे थे कि आगे वो लोग क्या कर सकते हैं। वहीं इधर लूसी तो ये सुनकर हैरानी हो जाती है कि सोंगा ने श्वान की कस्टडी पाने के लिए चिशी से शादी किया था, और डबल शॉक्ड हो जाती है उनकी डिवोर्स की बात सुनकर। पर चिशी कहती है कि अभी डिवोर्स के मैटर को उसने साइड कर दिया है, क्योंकि एक तो अभी ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है और चिशी के पेरेंट्स को भी इन सब के बारे में पता है। अभी वो सोंगाओ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, तो वो लूसी को चिंतियान वाली प्रॉब्लम बताती है और सोंगाओ की कंपनी को किस तरह से बचाया जा सके इस बारे में सोचने के लिए कहती है। इस पर लूसी कहती है कि उसके पास एक प्लान है। चिशी ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहां वो भी ग्रैंडपा के जल्दी से ठीक होने के लिए प्रे करती है। वहीं तक सोंगाओ पहुंचता है शेयर होल्डर मीटिंग में, जहां पर सीधे काम की बात पर आते हुए वोटिंग शुरू होती है, जहां चिंतियान के सपोर्ट में एक बंदा ज्यादा होता है। इस वजह से वो लोग फैसला लेते हैं सोंगाओ को पोजीशन से हटाने का। पर सोंगाओ के जाने से पहले ही वहां पर चिशी और लूसी साथ में पहुंच जाते हैं, जहां पर लूसी बताती है कि अभी तो और दो मेजर शेयर होल्डर्स बाकी हैं, और वो थी लूसी और चिशी। अब लूसी थी माउलिन कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर, तो उसने अपने आधे शेयर्स चिशी के नाम पे कर दिया था, इसलिए अब वो दोनों ही वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों मेजर शेयर होल्डर जो बन चुके थे। इसलिए अब सोंगाओ की टीम को एक वोट ज्यादा मिलता है, जिस वजह से सोंगाओ सीईओ की पोजीशन में ही रहता है। वहीं चिंतियान को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद सोंगाओ लूसी को थैंक यू कहता है। पर लूसी कहती है कि थैंक यू तो हमें चिशी को बोलना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया चिशी का ही था। तो लूसी वहाँ उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। तो सोंगाओ खुश होकर चिशी को थैंक यू कहता है, और चिशी कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, बल्कि मैंने ये बच्चों के लिए किया है। अब सोंगाओ उसे आगे कुछ कह नहीं चाहता कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया है। तो सोंगाओ चिशी को लेकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा सोंगाओ को किसी बहाने से दूर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें चिशी से अकेले में बात करनी थी। तो वो चिशी से पूछते हैं कि सोंगाओ के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक है या नहीं, मगर चिशी इनकी हेल्थ का ख्याल करते हुए कहती है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, बस छोटा सा झगड़ा हो गया था। फिर वो उनसे सोंगाओ के भाई के बारे में पूछती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि सोंगाओ का भाई सोंगचन सोंगाओ का ट्विन ब्रदर था। वो बचपन से ही काफी रिबेलियस था और उसे कंपनी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपना
हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही अब्रॉड चला गया था। तभी वहाँ पर सोंगहाओ वापस आ जाता है तो ग्रैंडपा बात को टाल देते हैं। सोंगहाओ ग्रैंडपा को लेकर आगे आगे जाने लगता है, पर तभी चिशी को उल्टी आने लग जाती है, इसलिए वो जल्दी से घर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो सोंगहाओ को कॉल करने जा रही थी मगर रुक जाती है, क्योंकि सोंगहाओ के साथ उसका फ्यूचर है भी या नहीं, यही बात वो समझ नहीं पा रही थी। तभी उसे चिंतियान मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है तो चिशी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो वो चिंतियान से पूछती है कि जब ग्रैंडपा को मेरी सिस्टर और सोंगहाओ के भाई के रिलेशन के बारे में पता ही नहीं था, फिर उन्होंने कब उसे एक्सेप्ट करने से मना किया और तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था। चिंतियान उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं कहा था, मैंने तुम्हें वही कहा था जो तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था। ये कहकर वो उसे फ्लैशबैक की बात बताता है, वो बचपन से ही सीतियान को लाइक करता था, पर अब्रॉड जाने के बाद जिस दिन वो उसे प्रपोज करने वाला था उसी दिन सीतियान ने उसे बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर चिंतियान को बहुत ज्यादा बुरा तो लगा था, मगर सीतियान की खुशी के लिए उसने उसे सपोर्ट किया। पर एक दिन आकर उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर सोंगजेन के फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसने बहुत इमोशनल होकर मुझे ये कहा था, जिस पर चिशी को बिलीव नहीं होता। तो सोंगहाओ कहता है कि इतना ही नहीं, सीतियान की जान भी सोंगजेन की वजह से ही गई है। ये कहकर वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सोंगजेन सीतियान पे गुस्सा कर रहा था, उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, पर उसके बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। जिसन चिशी तो एकदम शॉक्ड रह जाती है और बहुत ही ज्यादा सैड होती है। एक तरफ तो वो सोंगहाओ के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, दूसरी ओर उसे अपनी बहन की मौत की बात सता रही थी। तो चिशी घर वापस आती है, उसे अपसेट देखकर सोंगहाओ उसका फेवरेट खाना बनाकर लाया था, पर चिशी कहती है कि उसे अभी नहीं खाना है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है, जहाँ थोड़ी देर में सोंगहाओ आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो चिशी उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसन सोंगहाओ भी शॉक्ड रह जाता है, पर वो उस रिकॉर्डिंग में नोटिस करता है ये पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है, जो चिशी भी ध्यान से सुनने पर समझ जाती है। तो दोनों ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं सच्चाई जानने के लिए, जहाँ ग्रैंडपा उन्हें उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। वहीं वो उन्हें सोंगजेन के साथ सीतियान के कुछ मैसेजेस के प्रिंटआउट्स दिखाते हैं कि सीतियान सोंगजेन को बच्चों के नाम पे बस पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इस बारे में जब सोंगजेन को पता चला, उस दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे तो उस वक्त कार में ही उनकी बहस शुरू हो गई थी, जिससे बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। वहीं ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि सीतियान ने उन्हें भी पैसों के लिए कॉल किया था, तभी वो उन्हें बच्चों को देखने देती। तो चिशी वो रिकॉर्डिंग लेकर बाहर चली जाती है, यहाँ पर वो उस रिकॉर्डिंग को पूरी सुनने के बाद शॉक्ड रह जाती है, पर इसे सुनने के बाद ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की बात सभी को पता चल चुकी थी। पर चिशी ग्रैंडपा से अकेले बात करेगी कहती है, इसके लिए सब लोग बाहर चले जाते हैं। तो वो ग्रैंडपा से अपनी बहन की ओर से माफी मांगती है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए पास्ट की बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो। तभी वो सोंगहाओ को बुलाते हैं, फिर वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में देते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो लोग हमेशा हैप्पीली रहे। तो चिशी भी अब सब कुछ भूल कर सोंगहाओ के साथ हैप्पीली रहेगी कहती है। वहीं सोंगहाओ फिर से फादर बनने वाला है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो ग्रैंडपा के साथ डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करने के लिए जाता है। वहीं जो लेशन और बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाता है, तो चिशी को चिंतियान कॉल करके बताता है कि अब तो तुम्हें सोंगहाओ की फैमिली की सच्चाई पता चल चुकी होगी, इसीलिए तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर सोंगहाओ की फैमिली को बर्बाद कर देंगे। लेकिन चिशी तो उसे ही वार्निंग दे देती है और कहती है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं हमेशा सोंगहाओ के साथ हूँ। जो सुनने से चिंतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो शॉनशॉन और चनचन को किंडरगार्टन से बहला फुसला कर ले आता है। अब जब स्कूल में वो दोनों गायब हो चुके थे, इस बारे में चिशी और सोंगहाओ को भी पता चलता है, तो वो दोनों उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। वहीं चिशी को लगता है कि ये काम चिंतियान ने ही किया होगा, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो वो दोनों चनचन और शॉनशॉन की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं उनकी स्मार्ट वॉच की मदद से, जहाँ पर उन लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया था। अब चिंतियान ने उन दोनों को बचपन वाले ऑर्फनेज में रखा था, जहाँ पर वो उन्हें अपनी और उनकी मॉम की दोस्ती के बारे में बता रहा होता है। अब बच्चे तो उसे अच्छा आदमी समझ लेते हैं, इसलिए वो बड़े आराम से वहाँ रहते हैं। जिसके बाद वो बच्चों को टेरेस पर ले जाता है, जहाँ थोड़ी देर में चिशी और सोंगहाओ भी पहुँच जाते हैं। तो चिंतियान दोनों बच्चों को पकड़ लेता है, जिससे बच्चे तो काफी डर रहे थे। तो चिशी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि हम लोग तो बस एक गेम खेल रहे थे, तुम दोनों कितने बहादुर हो ये चेक करने के लिए। जो सुन बच्चे तो चिंतियान को ही थैंक यू कहने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस गेम में बहुत मजा आया। जो सुन उसे सीतियान की बात याद आ जाती है, इसलिए वो बच्चों को छोड़ देता है। तो बच्चे भाग कर जाते हैं मॉम डैड के गले लग जाते हैं, जिसके बाद चिशी बच्चों को सोंगहाओ के साथ भेज देती है और चिंतियान को अपनी बहन की सच्चाई बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीतियान ने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में घर में बताया था और उसे घर पे छोड़कर भी गई थी, और जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था उस वक्त सिर्फ चनचन ही उनके साथ था, जिस वजह से ग्रैंडपा और सोंगहाओ को चनचन मिला। वहीं चिशी की फैमिली को बस उसके डेथ की खबर मिली थी, इसी वजह से दोनों की फैमिलीज को दूसरे बच्चे के बारे में पता नहीं था। अब सीतियान की सच्चाई जानकर चिंतियान तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सैड हो जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है, जो चिंतियान को अरेस्ट कर लेती है। चिशी और सोंगहाओ बच्चों को लेकर घर चले आते हैं। अगली सुबह चिशी सोंगहाओ को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ पर दोनों तो कंफ्यूज थे कि वो लोग कैसे बात शुरू करे। तो पहले सोंगहाओ ही उससे पूछ लेता है कि हम वापस से साथ में आ सकते हैं बिना पास्ट के बारे में कुछ भी सोचे। तो चिशी कहती है कि हम लोग अलग ही कहाँ हुए थे जो हमें फिर से साथ में आने की जरूरत है। तो दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है, जिसके बाद ऑफिस में चिशी लूसी को उसके प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जो सुनकर लूसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर पूछती है कि कहीं तुमने इस बार भी मुझे आखिर में तो नहीं बताया। तो चिशी उसे झूठ बोल देती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया, ताकि लूसी को बुरा ना लगे। जो सुन लूसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं लेशन और जून गए थे अपना मैरिज रजिस्टर कराने, मगर आज मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस बंद था, इसीलिए दोनों को सैड होकर वापस आना पड़ता है। इसके बाद रात को तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं, जहाँ पर लूसी को पता चल ही जाता है कि चिशी
लूसी की प्रेगनेंसी के बारे में लूसी के अलावा बाकी सभी को पहले से ही पता था, इसीलिए मैडम तो नाराज हो जाती है। तो चिशी अपने होने वाले बच्चे के नाम से उसे मना लेती है। इधर रात को सोंगाओ तो चिशी की बड़ी केयर कर रहा था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसके बाल सुखा देता है। अब सोंगाओ तो फुल रोमांटिक मूड में था ही, लेकिन ग्रैंडपा आकर डिस्टर्ब कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सोंगाओ को चिशी के रूम से अभी दूर रहने के लिए कहा है ताकि चिशी को अच्छे से रेस्ट मिले, इसीलिए वो सोंगाओ को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह चिशी सोंगाओ को कॉल पे किसी से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। चिशी को उसकी बात क्लियरली सुनाई तो नहीं देती, पर जिस तरह से वो बात कर रहा था, चिशी को लगता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा होगा। पर ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं, वो उसे कई बार बहाना करके किसी से फोन पे हंसते हुए बात करते हुए सुनती है, जिससे उसका डाउट तो और ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं वो सच में किसी और लड़की से बात तो नहीं कर रहा। तो वो इस बारे में अपने फ्रेंड से बात करने आती है, जो लोग उसकी बातें सुने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि इस बारे में उन दोनों को कुछ तो पता है, पर वो लोग चिशी को नहीं बताते। पर अगली सुबह चिशी की नींद खुलती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वो नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो उसके सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स आए हुए थे, जहाँ पर सोंगाओ उसे सबके सामने प्रपोज करता है क्योंकि आज उनकी फॉर्मल वेडिंग होने वाली थी। अब वो तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ और यहाँ बाकी सभी तैयार है। सोंगाओ कहता है कि तैयार नहीं हो तो फिर तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस भी आ चुकी है। तो चिशी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर वापस आती है, जहाँ पर इनकी फॉर्मल वेडिंग होती है। दूसरी ओर जून और लिशिन भी अपना मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं ग्रैंडपा भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। देन इधर चिशी और सोंगाओ बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर सभी बहुत मस्ती करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग ड्रामा आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।